नमस्कार साथियों गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों क्रिडोज आइएस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मैं मानस मेरे प्यारे बच्चों मेरी साथियों आपका जो जी एस की क्लास चल रही है स्पेशल आर ओ आर के लिए और लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। आज का जो क्लास है वो स्पेशली हम साइंस देख रहे थे साइंस में हमने फिजिक्स देख लिया है साथ ही केमिस्ट्री के बाद आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की ठीक है तो आज हम बायोलॉजी देखेंगे और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है इसके साथ ही लगभग सौ क्वेश्चन भी हमने शामिल किया है ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए तो आइए देखते हैं हमारे साथ बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे बहुत सारे हमारे प्यारे शांति जुड़ गए हैं जिनका तहे दिल से मैं इस मंच से स्वागत करता हूं जिसमें दीपांशी हैं केशव हैं गुनगुन हैं कुलदीप मानसी रितु संदीप माही सारे बच्चे जुड़ गए हैं सभी बच्चे को गुड, गुड इवनिंग नमस्ते राम राम राधे राधे प्रणाम प्रियंका जुड़ गई हैं कृष्णा और गीतिका सोनाली मिश्रा हिना बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं दीपक के शांत बुद्ध है, जी हैं मोहित जी हैं श्वेता मानसी रश्मि और गीता कंचन उसके बाद वंदना जुड़ गई हैं प्रीति बहुत सारी जिया आइए देखते हैं क्षमा भी जुड़ गई हैं हमारे साथ सभी को गुड इवनिंग जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं जितने हमारे प्यारे साथी हैं तहे दिल से मैं सभी बच्चों का जो है इस मंच से कृतज्ञ हूँ तह दिल से इस मंच से मैं सभी बच्चों का प्रणाम स्वीकार करता हूँ और सभी बच्चे को ढेर सारा प्यार देता हूँ आइए देख लेते हैं आज की क्लास हमारी आ, क्या होने वाली है बच्चा इसमें हम देखेंगे यूपीपीसीएस पी पी सी दो हज़ार चौबीस की बात करेंगे और स्पेशली हम जीव विज्ञान देखने वाले हैं ठीक है और लगभग सौ क्वेश्चन इसमें शामिल भी किया गया है सौ क्वेश्चन आपको जो है इसमें आ, मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा जिससे आपके जो क्वेश्चन है बच्चे वो कंप्लीट हो जाएं ठीक है आइए देख लेते हैं आज हम लोग एक तो थ्योरी की बात करेंगे थ्योरी की बात करेंगे और साथ ही सौ क्वेश्चन मैंने पूरा जो है आपके बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से मैंने शामिल किया है और उसको भी हमें प्रैक्टिस करना है ताकि एक बार थोड़ा सा हम लोग जो कंसेप्ट है उसको देख लेंगे और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी बहुत सारे हमारे बच्चे हैं सभी को गुड इवनिंग सभी को प्रणाम ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा इसलिए भी करता हूं क्योंकि ये जो क्रिडूज आप लोगों का जो परिवार है वो पचास हज़ार के पार हो चुका है और इसमें आप लोगों का एक बहुत बड़ा सहयोग एक बहुत बड़ा योगदान है इस योगदान का मैं हमेशा आभारी रहूँगा आज ये देखते हैं क्लास को हम लोग बिना विलंब के स्टार्ट करें क्योंकि बहुत ही आवश्यक है कि आपका जो एक रैपिड रिवीजन होना चाहिए रिवीजन इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चा एक चीज़ और मैं कह दूंगा क्लास स्टार्ट होने से पहले जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं वॉइस नहीं जा रही क्या वॉइस नहीं जा रही क्या हेलो हेलो वॉइस नहीं जा रही क्या बच्चा गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है जी बायोलॉजी की दीपक जी फर्स्ट क्लास है तो आज एक ही क्लास में हम लोग बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे और साथ ही सौ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे बच्चा ये जो क्वेश्चन है मैं एक चीज बता दूं आपके आरू आरू प्री और मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक सभी चीजों सारे क्वेश्चन मैंने बायोलॉजी से शामिल कर लिया हूं और दोबारा भी क्वेश्चन आपको वहीं से देखने के लिए मिल जाएगा बच्चा तो आप लोग सारे बच्चे अंत तक बने रहना ताकि आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारी जो है बायोलॉजी कितनी तैयार है और बायोलॉजी से आरओ में कई क्वेश्चन आते हैं बच्चे तो ये इंपॉर्टेंट है सर आ रही है वाइस आ रही है जी शुक्रिया शुक्रिया क्षमा वाइस जा रही है वाइस जा रही है ठीक है तो चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बिना विलम्ब के पी मिल जाएगा जितने हमारे पैर बच्चे हैं जिनके पास अभी बुक नहीं पहुँची है बिल्कुल यहाँ से डिस्पैच हो चुकी है तो आपके पास बहुत ही जल्द पहुँच जाएगी और अगर जिन बच्चों को पी नहीं मिला है उन्होंने बुक बुक किया है तो बिल्कुल आप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए आपको पी मिल जाएगा और ये पी फ्री में है बच्चा आपके लिए तब से आप पी से पढ़ते रहिए तो और जो भी बच्चे हैं जो पी खरीदना चाहते हों तो खरीद सकते हैं तो आइए हम लोग ठीक है Vice की कोई दिक्कत है क्या आज वाइस की कोई दिक्कत है क्या यस। बिल्कुल बिल्कुल जिया बच्चा आज ही बायोलॉजी फिनिश कर देंगे ठीक है आज की क्लास से चार से पांच क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आज की क्लास से चार से पांच क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ठीक है आ जाओ आ जाओ ठीक है ठीक है थोड़ी सी स्लो आवाज आ रही है स्लो जा रही है देख लेते हैं बच्चा आ जाओ क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किया सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे बायोलॉजी की बात करेंगे जीव विज्ञान की बात करेंगे जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं सभी को पता है कि जीव विज्ञान के पिता या जनक कौन कहे जाते हैं तो जीव विज्ञान के पिता या जनक अरस्तु को कहा जाता है अरस्तु ने बहुत बहुत अध्ययन किया है इस पर आ रही है वाइस आ रही है ठीक है शुक्रिया शुक्रिया आइए देख लेते हैं ज्योलॉजी के और बायोलॉजी के दोनों के अरस्तु पिता कह जाते हैं जीव विज्ञान की हम उप शाखाओं की बात करेंगे बच्चा यहां से क्वेश्चन आपके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आइए चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान की कुछ उप शाखाएं हैं देख लेते हैं जंतु विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो ये जो जंतु विज्ञान है इसका सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया था तो लैमार्क एवं टेवी किसने किया था ट्रेवी रेनस ने किया था तो थोड़ा सा ध्यान में देखिए 1802 में किया गया था अरस्तु की अगर हम बात कर लेते हैं बच्चा तो एरिस्टोटल यानी अरस्तु ये जंतु विज्ञान यानी जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान के क्या कहे जाते हैं बच्चा जनक कहे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है बच्चा तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पत विज्ञान का जनक माना जाता है तो यहां से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे ये बातें आपको ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चा आपके एग्जाम में तो जीव विज्ञान की कुछ हैं जहां से लगातार क्वेश्चन क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है एक आपके एग्जाम में जरूर मिलता है यहां से तो इन तमाम चीजों को शामिल किया गया है यहां से चीजों को हम देखना शुरू करते हैं जीरो जेरेंटोलॉजी किसे कहा जाता है तो जेरेंटोलॉजी किसे कहा जाता है मनुष्य में बुढ़ापा तथा बुढ़ापा लाने के कारकों का अध्ययन इसको हम क्या कहते हैं बच्चा इसको हम जेरेंटोलॉजी कहते हैं यानी जेरेंटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन किया जाता है तो इसमें यह किया जाता है कि जो हमारे बुढ़ापा यानी जो हमारी उम्र है उम्र बढ़ने के जो कारण है जो क्या क्या रीजन है इन तमाम चीज का अध्ययन किसमें किया जाता है जेरेंटोलॉजी में किया जाता है पेडोलॉजी अगर हम पेडोलॉजी की बात करते हैं ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं बच्चे सारे प्रश्न पूछे गए हैं पेडोलॉजी की बात करते हैं तो मृदा निर्माण किसकी बात हम करेंगे मृदा निर्माण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है किसमें पेडोलॉजी में भी क्वेश्चन गया है आपके एग्जाम से पेडोलॉजी किसका अध्ययन करता है तो इसमें मृदा निर्माण का अध्ययन किया जाता है किसका मृदा निर्माण का लिथोट्रिप्सी की बात करते हैं तो गुर्दे पित्ताश यानी मूत्राशय की थैली आदमी स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किए जाने का अध्ययन किया जाता है तो जो भी आ, जो स्टोन होता है चाहे वो गुर्दे में हो चाहे या पित्ताशय में हो उससे संबंधित जो स्टडी किया जाता है जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं लिथोट्रिप्सी के नाम से जानते हैं एग्रोस्टोलॉजी के एग्रोस्टोलॉजी क्या होता है बच्चा इसमें घास एग्रो मतलब घास घास के अध्ययन को हम किस अध्ययन को हम क्या कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है बायोमेट्री बायोमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो गणित तो और सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन अगर हम करें तो उसको हम बायोमेट्री कहते हैं बायोनिक्स क्या होता है बच्चा बायोनिक्स का मतलब होता है जीव जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी का जो निर्माण किया जाता है उस उसमें हम क्या करते हैं बच्चे उसको हम बायोनिक्स के नाम से जानते हैं तो इस समय बायोनिक्स का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा है बहुत ही अच्छा फील्ड है एक कैरियर के लिए बायोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जीवधारियों के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है बायोनॉमिक्स में जीवधारी का मतलब होता है जितने भी जीव जगत हैं चाहे वह जीव जंतु हो वनस्पतियाँ हों इनके अपना वातावरण के साथ क्या संबंध है यानी हम आप जो होते हैं बच्चे जो जीव होते हैं वे वातावरण को प्रभावित करते हैं वातावरण जीव जगत को प्रभावित करता है ठीक है तो इसके बीच की जो अध्ययन है उसको हम किस नाम से जानते हैं बायो

को हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं क्या होता है एक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना की, कारी की इत्याद का अध्ययन किया जाता है एक्जी में हम क्या करते हैं बच्चा एक्जी में हम मत्स्य मछली का अध्ययन करते हैं ओके ओके यस सर जी जितने हमारे बच्चे हैं एक बार सभी बच्चों को गुड इवनिंग ठीक है आज हम लोग दो से दो दो घंटे में इसको फिनिश करेंगे बच्चा उसके बाद सौ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ठीक है और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं आज आप अंत तक बने रहना क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए मत जाना आज बायोलॉजी पूरा फिनिश करना है बच्चा क्योंकि अब समय नहीं है अब बिल्कुल ना तो आपके पास समय है और मुझे तो आ, मेरा तो काम है बच्चा मैं तो करता रहूँगा लेकिन आपके पास समय नहीं है ठीक है आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो आज बायोलॉजी हम फिनिश करेंगे एक चीज और मैं बता दूँ बच्चा सारवी बच्चे जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं जितने हमारे प्यारे शांति हैं कल हम लोगों ने प्रोमिस किया था कि हम जी और करंट अफेयर साथ में लेके चलेंगे लेकिन एक बार मैंने इससे पहले स्टार्ट किया था बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि थोड़ा सा इससे डिशबैलेंस होता है तो हमने ये डिसाइड किया है बच्चा कि आज की जो क्लास है पूरी तरह से आपकी बायोलॉजी की है जिसमें सौ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ से चार से पांच क्वेश्चन आपके आर ओ एग्जाम में इसी क्लास से देखने के लिए मिलेगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा ये चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको दूसरी बात दूसरी बात एक चीज और मैं बता दूं क्लास को जीएस और करंट की क्लास में अल्टरनेट लूंगा तो आज आपका जीएस की क्लास है कल आपका करंट का फिर जीएस फिर करंट जीएस करंट इस तरह से अल्टरनेट क्लास में लूंगा ताकि पूरी तरह से जब हम लोग जीएस की क्लास में हो तो पूरी तरह से जीएस की क्लास में हो और जब हम लोग करंट की क्लास में आए तो पूरी तरह से करंट की क्लास में आए ठीक है तो कल की क्लास हमारी करंट अफेयर होगी दृष्टि हम कराएंगे बच्चा जो आपकी ई uh, दृष्टि आती है और उसमें एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चे uh, कि उसमें हम नेशनल देखेंगे और नेशनल के सौ के सौ क्वेश्चन पूरा डिटेल देखेंगे डिटेल के बाद हंड्रेड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे पूरी तरह से तैयार करवा दूंगा पूरी तरह से छः दिन में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा आपका आगे देख लेते हैं पेलिनोलॉजी की बात करते हैं विभिन्न प्रकार के परागण का अध्ययन जो परागण होते हैं बच्चा परागण जो परागण कणो होते हैं परागण कणों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है तो पेलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है पैरासाइटोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो परजीवी जो होते हैं परजीवी का मतलब वो जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती वो दूसरे पर डिपेंड करते हैं उसे हम परजीवी कहते हैं ठीक है उसका अध्ययन हम पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं एंटोमोलॉजी क्या होता है बच्चा कीटों का अध्ययन होता है कीटों का अध्ययन क्या होता है एंटोमो

टोलॉजी की बात करते हैं तो शारीरिक विकास में आने वाली असमानताएं यानी जो शारीरिक विकास होता है जो जो ग्रोथ होता है उसमें आने वाली असमानताएं हैं इसका मतलब होता है कि किसी की उम्र किसी की उम्र कम है जितना उम्र है उसके हिसाब से उसकी लंबाई कम है या उम्र के हिसाब से वजन कम है तो यह तमाम बातें इसके अंतर्गत टेरटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है

एक चिकित्सा प्रक्रिया है लिथ्रोटिप्सी क्या है बच्चा तो लिथ्रोटिप्सी क्या होता है तो एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें प्रघाती तरंगों की सहायता से गुर्दे गुर्दी पिताशय की थैली में आदमी स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है तो लिथोट्रिप्सी के अंतर्गत हम क्या करते हैं के अंतर्गत बच्चा एक तरंग के माध्यम से कणों तरंगों के माध्यम से हम किसका इलाज करते हैं तो चाहे गुर्दा हो पित्ताशय हो या फिर अन्य जगह पे क्या हो बच्चा स्टोन जो पथरी होती है इसका अध्ययन किया जाता है ना इसका अध्ययन किसके लिथोट्रिप्सि के अंतर्गत किया जाता है कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखेंगे प्रमुख शब्दावलियां एवं संबंधित उत्पाद ठीक है तो ये वे उप शाखाएं थी बायोलॉजी की जहां से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि, कि किसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चा आगे हम देखते हैं कुछ प्रमुख शब्दावलियां एवं संबंधित उत्पाद है यहां से भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न देखने के लिए मिलता है कभी कभी मिलान करने के लिए देता है और कभी सिंगल प्रश्न पूछ लेता है तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आर ओ का जो इस बार पेपर बन रहा है बच्चा इसमें आपके सिंगल क्वेश्चन बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगे ये मान के चलना कि एक क्वेश्चन जो आएगा 140 क्वेश्चन जो आपका पहले पेपर में आएगा उसमें से आप ये मान के चलना 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चा जो कि कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल नहीं होंगे जो कि मैचिंग के होंगे सुमेलित करना होगा या ये स्टेटमेंट से पूछेंगे कथन कारण से पूछेंगे इस तरह के जो पैटर्न होंगे वो लगभग साठ क्वेश्चन के आसपास होंगे ठीक है तो थोड़ा सा क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर रखा है कंपटीशन का लेवल थोड़ा हाई है कंपटीशन का लेवल थोड़ा हाई है बच्चा ठीक है तो एपी कल्चर की हम बात करते हैं एपी कल्चर और एक चीज मैं आपको बता दूं सभी बच्चे इतना बिल्कुल ध्यान में रखना इस बार इस बार अनरिजर्व अनरिजर्व का जो मेरिट कट आप जाएगा बच्चा 130 प्लस माइनस फाइव तो ये बिल्कुल ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी करना कि जो इस बार अनरिजर्व कैटेगरी का, का जो यूआर है उसका जो तो एपीकल्चर की बात करते हैं व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन या फसलों में परागण हृदय मधुमक्खी पालन को एपी कहते हैं तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं एपीकल्चर कहते हैं या शहद उत्पादन को क्या कहा जाता है बच्चा एपी कहा जाता है एविकल्चर किसे कहते हैं एविकल्चर का मतलब होता है पालन ठीक है पीसी कल्चर क्या होता है बच्चा इसका मतलब होता है मत्स्य पालन पीसी कल्चर होता है इक्वा कल्चर क्या होता है जली जीवों यानी जीव, जीव जन बनस्पतों का संवर्धन होता है इक्वा कल्चर में एग्रीकल्चर क्या होता है तो इसमें फसल संवर्धन पशुपालन कृषि से संबंधित सभी चीजें होता है एल्गा कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो इक्वा कल्चर का एक प्रकार है एल्गा कल्चर इसके बाद जिसमें जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है तो जो एल्गा एल्गा कल्चर है बच्चा इसके अंतर्गत क्या होता है तो इसके अंतर्गत शैवालों की खेती की जाती है एक प्रकार का ये जो है कृषि के कल्चर की बात करते हैं तो कच्चे रेशम यानी रेशम के उत्पादन से संबंधित रेशम कीट का पालन किया जाता है तो रेशम उत्पादन होता है कल्चर के तहत की अगर हम बात करते हैं तो यह वन संवर्धन से संबंधित है कल्चर की बात करते हैं तो स्पंज संवर्धन से है कैनी कल्चर की बात करते हैं तो कुत्ता पालन से है फ्लोरी कल्चर पूछता है बच्चा फ्लोरी कल्चर का मतलब होता है फूलों की खेती या पुष्प पुष्प कृषि की बात करते हैं ओलेरी कल्चर क्या होता है बच्चा यह सब्जियों की खेती है ओलेरी कल्चर अरबोली कल्चर क्या होता है तो वृक्षों तथा झाड़ियों की खेती को क्या कहते हैं अरबोली कल्चर के नाम से जाना जाता है ओलिगो कल्चर क्या होता है बच्चा कुछ फसलों या प्रजातियों की खेती को ओलिगो कल्चर के नाम से जाना हार्टिकल्चर पूछता है हार्टिकल्चर क्या होता है तो फूलों फलों सब्जियों या मसालों की खेती को हार्टिकल्चर कहते हैं इसमें कंबाइंड होता है औष्टी कल्चर क्या होता है तो व्यापार हेतु शीपो में सीपों में कितरी प्रजनन जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं औष्टी कल्चर कहते हैं ओली कल्चर एक बार और जैतून जैतून का उत्पादन संरक्षण या ये समान हेलीकल्चर क्या होता है तो घोंगे का संवर्धन होता है हेलीकल्चर के तहत वर्मी कल्चर वर्मी का मतलब कृषि उत्पादन में वृद्धि तो केचुआ केचुए का जो पालन होता है जो केचुए का पालन होता है उसको हम क्या कहते हैं वर्मी कल्चर कहते हैं वीटी कल्चर की बात करते हैं तो अंगूर उत्पादन से संबंधित है मेरी कल्चर का संबंध मानव उपभोग हे तो समुद्र जीवों और वनस्पतियों का संवर्धन है मोरिकल्चर का संबंध शहतूत की खेती से होता है आगे देख लेते हैं सिट्रीकल्चर क्या होता है सीट्रिकल्चर का मतलब खट्टे फलों वह फल उत्पादन का संवर्धन है पोमोलॉजी क्या होता है बच्चा फलों की कृषि होती है हाइड्रो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है तो मृदा विहीन पादप संवर्धन होते हैं एरोपोनिक्स और या फिर इसको एरोकल्चर भी कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स कहिए एरोपोनिक्स कहिए या एरोकल्चर कहिए इसका मतलब ये होता है कि जो किचन होता है घरों में आजकल क्या किया जाता है घरों में कुछ सब्जियां उगा के लिए मृदा की आवश्यकता नहीं होती ये सब सारी चीजें पानी में ही पैदा हो जाती हैं ठीक है इसीलिए इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं हाइड्रो का मतलब कैसे है जल से है वेजीकल्चर की बात करेंगे सब्जियों पौधों की कृषि है मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है उसको हम वेजी कल्चर के नाम से जानते हैं आगे हम बात करेंगे जैव विकास की तो बच्चा ये हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया कि जो जीव विज्ञान है उससे संबंधित जो उप शाखाएं हैं उससे संबंधित और जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं कृषि से संबंधित तो तमाम बातें देख लें यहाँ से आपको एक एक प्रश्न देखने के लिए मिल जाता है ठीक है तो दोनों दोनों जो हम लोगों ने टेबल देखा वहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है आज बिल्कुल बच्चा आज जो है मोहित जी का जो है मोहित जी का बिल्कुल मैरी एनिवर्सरी है तो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं अभी बाहर आपका जो है थोड़ा सा छोटा सा एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है तो बाहर चल भी रहा है और मैं आपके साथ हूँ तो हम लोगों का अपना एक प्रोग्राम है और बाहर एक अलग प्रोग्राम है ठीक है तो सभी बच्चे आइए देख लेते हैं विकास यहां से क्वेश्चन आता है बच्चा यहां से आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जय विकास इवोल्यूशन की बात करते हैं परिकल्पना पे पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक किसने दिया था जिन वेप्टिस्टी डी लेमार्क यानी सीधा आप लेमार्क याद रखना बस सीधा आप लेमार्क याद रखना इससे ज्यादा ये ये नाम नहीं याद रखने का है तो विकास की बात करते हैं तो लेमार्क ने प्रस्तुत किया था इसे लेमार्क का सिद्धांत इसे लेमार्क का सिद्धांत भी या उपार्जित लक्षणों की वंशागति यानी वंशागति भी कहा जाता है तो लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति थ्योरी भी कहा जाता है ठीक है तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना ये किससे संबंधित है लैमार्क से संबंधित है यहां से क्वेश्चन आता है बच्चा या वर्ष 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसफी जुलोजिक तो फिलोसफी जुलोजिक में छापा गया था तो यहां हमें क्या ध्यान में रखना है बच्चा एक तो जब हम जैव विकास की बात करते हैं तो जैव विकास का संबंध किससे है लैमार्क से है से सिद्धांत नहीं देगा क्या देगा देगा क्या उपार्जित लक्षणों की वंशागति तो अगर आपसे पूछा गया कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति से संबंधित है तो बच्चा लगा देना लयमार्क संबंधित है इसके अलावा आपसे लयमार्क की पुस्तक भी पूछी जा सकती है अब पुस्तक पूछी जाएगी कि फिलोसफी फिलोसफी जुलोजिक निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है फिलोसफी जुलोजिक तो बच्चा बता देना किसकी है लयमार्क की है या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है या ऐसा पुस्तक पूछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिलोसफी जुलोजिक का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है तो लगा देना जैव विकास से संबंधित है ठीक है तो ये तमाम बातें हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे आगे देख लेंगे लयमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होता है तो इनका मानना है लयमार्क का मानना है कि जो परिवर्तन होता है वो शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होता है इनका कहना यह है कि अगर शरीर के किसी भी अंग का आप इस्तेमाल नहीं करोगे प्रयोग नहीं करोगे तो वो समाप्त हो जाएगा तो इनका मानना है कि जो शरीर में जो परिवर्तन होता है उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि आप शरीर का इस्तेमाल यानी प्रयोग किस तरह करते हैं जैसे इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जिराफ का एग्जाम्पल दिया गया है उसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल होता है कि जैसे माना जाता है कि जो जिराफ है उसकी गर्दन पहले छोटी थी लेकिन धीरे धीरे कैसी हो गई जब पेड़ पौधे बड़े होने लगे तो वो अपना अपना जो है पत्ती खाने के लिए गर्दन उठाना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी गर्दन बड़ी हो गई तो इनका मानना है कि शरीर में जो भी परिवर्तन होता है वो उसके शरीर के अंगों के प्रयोग या अनुप्रयोग के आधार पे निर्धारित होता है तो बिल्कुल होता है बच्चा तो मैं कहूंगा कि आप इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जब पढ़ते रहा करो तो पढ़ने के दौरान आपके जितने अंग हैं जितने सिक्स हैं सभी को एकदम ओपन रखना तो हाथ भी चलना चाहिए पेन भी चलनी चाहिए नजर भी हो कान भी सुनता रहे और कमेंट भी होता रहे तो तमाम बातें जब एक साथ चलेंगी तो आप ज्यादा एक्टिव रहोगे ठीक है तो अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं शुभिक्षित हो जाते हैं जैसे कि जिराफ की लंबी गर्दन इसमें दिया है जिराफ की लंबी गर्दन तथा कम उपयोग वाले अंग निष्क्रिय एवं धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं जैसे सर्पों में टांगों का अभाव तो माना जाता है कि पहले जो सर्प होते थे उनमें पैर पैर होता था लेकिन अब नहीं है क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया हमारे शरीर हमारे शरीर शरीर के अवशेषी अंग आदि में कुछ अवशेषी अंग वगैरह होते थे जो अब नहीं है ठीक है तो चूंकि उसका उपयोग खत्म हो गया जब उपयोग खत्म हो गया तो अंग समाप्त हो गया किसने कहा है बच्चा तो इन्होंने कहा है किसने लयमार्क ने कहा है और इनकी पुस्तक का क्या नाम है फिलोसफी जिलो

देश से संबंध रखते हैं तो आपको ध्यान में रखना है इंग्लैंड भी ध्यान में रखना है और किस से संबंधित है किस क्षेत्र से इनका अध्ययन है तो जैव विकास से संबंधित है जैव विकास का मतलब यह होता है बच्चा जो जीव जंतु वनस्पतियां हैं इनके विकास का क्रम कैसे होता है इनका विकास कैसे होता है क्या इनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है क्या ये एक दूसरे को तो बिल्कुल आपने देखा होगा जो जीव जंतु होते हैं एक दूसरे को नष्ट करते हैं और ये बात इन्होंने नहीं है हमारे गीता में कहा गया है गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीव जीव आहार यानी एक जीव दूसरे जीव का आहार होता है है? तो ये और बाकी पर्यावरण इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं बच्चा फूड चैन पढ़ते हैं खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं और एक क्या पढ़ते हैं खाद्य जाल पढ़ते हैं तो फूड चैन फूड चैन का मतलब होता है कि एक दूसरे का क्या होता है भोजन होता है जैसे हमने देखा घास घास को टिड्डा ने खाया टिड्डे को मेढक ने खाया मेढक को सर्प ने खाया सर्प को चील ने खाया ये तमाम चीजें होती हैं फूड चैन ना तो ये तमाम बातें हैं तो डार्विनवाद को देख लेते हैं जैव विकास से संबंधित है डार्विनवाद को प्राकृतिक ये बिल्कुल याद रखना बच्चा कि जो डार्विनवाद है इसे प्राकृतिक वरणवाद पूछा जाता है एकदम इसे प्राकृतिक वर्णवाद यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है प्राकृतिक यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इसका अर्थ होता है कि डार्विन महोदय का कहना यह है कि जो जो ताकतवर होगा जो सक्षम होगा वही जिंदा रहेगा प्रकृत उसी को चुनेगी ठीक है उसी को चुनेगी और वही आगे बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा इनका है आगे और देख लेंगे प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया होती है वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलिली जीनों दोनों की आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं ठीक है आगे देखेंगे डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक पुस्तक जरूर याद रखना प्राकृतिक चुनाव प्राकृतिक इनका पुस्तक का नाम है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति तो बिल्कुल आप ध्यान में रखना इन पुस्तक का नाम याद रखना कि चुनाव द्वारा तो आप आपको ध्यान में रखना है बच्चा कि जो डार्विन है डार्विन का जो वर्ण जो वर्णवाद थ्योरी किसकी है डार्विन की है तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किन किन बातों पे डिपेंड करती है तो ओवर प्रोडक्शन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरियंस तथा सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट तो इनकी सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट थ्यूरी इन्हीं की है इनका मतलब ये होता है कि सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट यानी वही सर्वाइव कर सकता है वही आगे बढ़ सकता है जिंदा रह सकता है जो क्या है जिनमें क्षमताएं होगी जो मजबूत होगा ताकतवर होगा जो अपनी क्षमताओं को विकसित कर लेगा ठीक है आगे देख लेते हैं मैमत के बारे में हम देखेंगे बच्चा मैमत प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है तो बिल्कुल याद रखना है विलुप्त हो चुकी है एक तरह से मेहमत क्या थे तो मेहमत एक तरह से हाथी का बहुत ही बड़ा रूप होता था मैमत ठीक है तो विलुप्त हो चुकी है यह हाथी का मैमत क्या है यह हाथी का पूर्वज माना जाता है और आधुनिक मनुष्य हाल आ, और जो ये मैमत क्या है हाथी का पूर्वज है अगर हम बात करें बच्चा आधुनिक मनुष्य हाल का पूर्वज क्रोमय क्रोमयगन गन को बिल्कुल ध्यान में रखना है क्रोमैगन मानव को माना जाता है तो आधुनिक जो मनुष्य है इनका पूर्वज किस मानव को माना जाता है तो इव... क्रोमैगन मानव को माना जाता है जो वर्तमान में आधुनिक मनुष्य हैं इनके पूर्वज कौन है क्रोमैगन मानव इनके पूर्वज माने जाते हैं इनकी इनकी शरीर 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 इनका इनका जो है 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 गठा हुआ और और लगभग लगभग फुट फुट लंबा लंबा होता 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 तो थोड़ा गठीला कपाल गुहा कितनी होती है बच्चा तो सोलह सौ क्यूबिक सेंटीमीटर होती है तो फालतू बातें हैं ये सब नहीं ध्यान में रख रहा है केवल आपको क्या ध्यान में रखना है आधुनिक मनुष्य का जो वर्तमान जो पूर्वज है वो क्या है वो क्रोमैगन है ठीक है बस इतना ही बातें आपको ध्यान में रखनी है वर्गी

अच्छी स्टैंडर्डरी ये सब किसके अंतर्गत आते हैं समतापी के अंतर्गत आते हैं गर्म रुधिर वाले जंतु अगर हम देखें समतापी असमतापी क्या होते हैं वे जंतु होते हैं बच्चे वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है जैसे मत्स्य होते हैं उभयचर होते हैं सरीसृप ये तमाम इसका मतलब ये होता है असमतापी का मतलब होता है कि इनका जो शरीर है जैसे वातावरण में जाएंगे उस हिसाब से ढल जाता है तो अगर कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं अगर ठंडे वातावरण में जाएंगे तो इनका जो शरीर है ठंडा हो जाएगा गर्म वातावरण में आएंगे तो इनका शरीर गर्म हो जाएगा तो ये कैसे कह जाते कहे जाते हैं असमतापी कहे जाते हैं ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है स्पेशली इस इसको ध्यान में रखना कुछ समुद्र जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु ये मछलियां नहीं है कि कुछ ऐसे समुद्री जीव जंतु मछली नहीं है तो आपसे कौन सा एक जो है मत्स्य है या नहीं है ठीक है तो ये ध्यान रखना और इसमें क्या क्या है जेलीफिश आपको ध्यान में रखना है जेलीफिश है दूसरा क्या है स्टार फिश है सिल्वर फिश है और उसके बाद हेग फिश हेग फिश है और रेजर फिश है क्रे फिश ये तमाम ऐसे हैं बच्चे जो कि समुद्री जीव होते हैं लेकिन ये मछली नहीं होती तो बिल्कुल आप ध्यान में रखना कि ये जो मछली है मछली के अंतर्गत यानी मत्स्य के अंतर्गत नहीं आते लेकिन ये समुद्री जीव है क्या जेली फिश स्टार फिश सिल्वर फिश कैटल फिश हेग फिश रेजर फिश और क्रे फिश ये तमाम चीजें हम लोगों ने यहां से सीख लिया आगे बढ़ेंगे डाल्फिन की अगर हम बात करते हैं बच्चे डाल्फिन की अगर हम बात करते हैं तो एक जली जीव है इस्तन, इस्तन, इस्तनी वर्ग के अंतर्गत आता है ममेरलिया के गण सिटेशिया में रखा जाता है तो अगर हम बात करते हैं तो इस स्तर वर्ग में आता है और मैमे मैमेलिया मैमेलिया के गण सिटेशिया सिटेशिया के अंतर्गत इसे रखा जाता है इस वर्ग में रखा जाता है यह क्या होता है यह एक अत्यंत ही क्या होता है बुद्धिमान जंतु होता है कौन डाल्फिन की बात की जा रही है इनका शरीर धारा रेखित होता है कैसा धारा रेखित होता है इनके मादा में चुचुक उपस्थित होते हैं तो बिल्कुल आपको याद रखना है इनके मादा में जो है बिल्कुल चुचुक होते हैं और ये धारा रेखी होते हैं गंगा नदी अगर हम बात करें गंगा नदी की बात करते हैं गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जली जीव घोषित किया गया है तो गंगा नदी में जो होता है इसे राष्ट्रीय जली जीव घोषित किया गया है और इसे कब किया गया था बच्चा इसे किया गया है दो हजार या दस दो में ठीक है तो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है उसके बाद हम बात करेंगे किसकी सील की बात करेंगे बच्चा सील है कोका है एक स्तनपाई जंतु है तो जो सील होता है आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा मूवी में सील होते हैं तो ये भी कैसे होते हैं तो सील या इसको फोका भी कहा जाता है ये भी कैसे जीव हैं तो स्तनपाई हैं

पाए जाते हैं ये सब बातें बिल्कुल मायने नहीं रखती तथा तैरने के लिए इनमें चप्पू फ्लिपर्स होते हैं इसका मतलब नहीं है रात्रिचर अब यहां पे आ जाओ रात्रिचर जंतु वे जंतु होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात्र में सक्रिय होते हैं जैसे आपको ध्यान में रखना है मच्छर चमगादड़ उल्लू कीवी तो ये सब बच्चे कैसे हैं तो ये आपके रात्रिचर जंतु होते हैं जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं तो कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रात्रिचर है या फिर रात्रिचर नहीं है तो रात्रिचर का मतलब होता है जो रात्र के समय अपना जो अपनी जीवन की जो भी क्रियाएं होती हैं वो रात्र के दौरान करते हैं जिसमें कौन सा आता है मच्छर आता है चमगादड़ आता है उल्लू आता है कीवी दिन में मच्छर नहीं काटते लेकिन रात में बहुत मच्छर काटते हैं और एक चीज और मैं बता दूं बच्चा जिनका ब्लड ग्रुप ओल है ना उनको मच्छर ज्यादा काटते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को मच्छर ज्यादा काटते हैं क्योंकि एक्चुअल में जो इनमें एक नर होता है एक मादा होती है तो नर नहीं काटते मादा के द्वारा काटा जाता है तो मादा जो मच्छर होती हैं चूंकि जो प्रजनन क्रिया होती है वो मादा में होती है और प्रजनन क्रिया के लिए मानव का रक्त होना बहुत ही आवश्यक है इसीलिए वो जो है आ, मच्छर मनुष्य को काटते हैं अगर वो रक्त नहीं पाएंगे अगर जो मादा है मादा मच्छर है अगर उसे रक्त नहीं मिलेगा तो उसका जो प्रजनन प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा और तो बहुत ही आवश्यक है अगर मच्छर काट रहा है आपको तो बिल्कुल काटने दीजिए स्थाई से क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो ठीक ही रहेगा कोई दिक्कत है नहीं <laughs> जाओ जो मादा होती है उनके डंक भी क्या होते हैं बड़े होते हैं ना और वो अगर ओ ग्रुप का मच्छर है तो फिर बहुत अच्छा है ओ ग्रुप का अगर मनुष्य है तो मच्छर के लिए बहुत अच्छा है ऊंट की बात करेंगे ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है जहाज कहा जाता है इनका शरीर पूर्णतया मरुस्थल के प्रति अनुकूल होता है एक्चुअल में जो जीव जंतु होते हैं जीव जंतु जितनी भी होते हैं सब ज्योग्राफिकल होते हैं बच्चा जैसे हमारा रहन सहन खान पीन हमारी संस्कृति जीव जंतु वनस्पतियों को कौन प्रभावित करता है इकोलॉजी इन्वायरमेंट पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जहाँ की जैसी पारिस्थितिकी होगी पर्यावरण होगा उसी प्रकार के जीव जंतु होंगे और जिस प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे होंगे खाना पीना होगा बच्चा उसी प्रकार हमारा क्या होगा कल्चर डेवलप होता है तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी ऐसी चीजें हैं अगर उसे बहुत अच्छे से आप अगर पढ़ते हो बहुत सारी चीजें तो बच्चा मैं बता दूं कहीं घूमने बिना कहीं घूमे आप बता दोगे कि वहां के लोगों का कल्चर क्या होगा वहां के लोगों का खान पीन क्या होगा रहन सहन कैसा होगा वहां किस प्रकार के जीव जंतु तो वनस्पतियां पाए जाएंगी ये सब ज्योग्राफिकल होता है ठीक है इनके पैर गद्देदार होते हैं किसकी बात कर रहे हैं ऊंट की बात की जा रही है श्वसन की लय अति धीमी होती है तो जो श्वसन की लय होती है इनकी क्या होती है अति धीमी होती है किसकी बात की जा रही है बच्चे ऊंट की बात की जा रही है ठीक है अब हम सर्पों की बात कर लेते हैं सर्पों की विष ग्रंथियां प्राणियों की लार ग्रंथियां के समांग होती हैं तो जो सर्प होते हैं सर्प के जो विष ग्रंथियां होती हैं इसका मतलब होता है जो सर्प के दांत होते, है, विसे, विसे वाले जो दांत होते हैं वो कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के समान होते हैं असल में ये जो जीव लाल लार ग्रंथियां होती हैं जो जीव होता है वही बच्चा किस में कन्वर्ट हो जाता है दांत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो लार ग्रंथियां होती हैं दोनों के एक जैसे होते हैं सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप होता है तो जो ये सांप होता है सांप का विष क्या होता है तो अगर हम सांप के विष की बात करते हैं तो उसके लार जो होता है उसका लार उसका ही एक परिष्कृत रूप होता है और ये लार ग्रंथी ही होती है उनका जिसे हम विष का दांत कहते हैं थी? आगे देख लेते हैं कपास के बारे में कुछ नया चीजें हैं कपास कॉटन को फलों में स्थित फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगे रेशों से प्राप्त किया जाता है तो कई बार प्रश्न पूछा है कि कपास को कैसे प्राप्त किया जाता है बच्चे तो कपास के जो बीज होते हैं जो कपास का बीज होता है उसके बीजावरण बीजावरण के ऊपर क्या लगे होते हैं रेशे लगे होते हैं इन रेशों से प्राप्त करते हैं जो कि दो प्रकार के होते हैं एक बड़ी जिसे लिंट रेशा कहते हैं तो जो अमेरिकन कपास होती है अमेरिकन कपास होती है उसके जो रेशे होते हैं वो बड़े होते हैं लेकिन अगर हम इंडियन कपास की बात करें तो इसकी रेसे छोटे होते हैं लिंट रेसा कहते हैं तथा यानी फाइबर तथा दूसरी छोटी रे रेसे यानी फज रेसा होता है ठीक है ध्यान में लिंट रेसे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जबकि फज रेसे कम महत्वपूर्ण होते हैं ठीक है ये तो कपास की क्या है तो लिंट रेसा या फिर फज रेसा जिसे कहते हैं कपास के ही रेसे होते हैं मॉर्फिन की बात करते हैं मॉर्फिन पोस्त यानी पोस्ता यानी पैपावर सोमनी फेरम के अपरिपक्व फलों से प्राप्त होता है तो जो मॉर्फिन होता है वो पोस्ता होता है बच्चा तो जो पोस्त यानी पोस्ता की बात की जाती है तो इसके इसको इसका वैज्ञानिक नाम है क्या पैपावर सोमनी फेरम और किससे प्राप्त होता है कैफिन ये अपरिपक्व फलों से प्राप्त होता है इसका मतलब होता है कि जो पुस्ता का जो वृक्ष होता है बच्चे उसको हल्का सा जब वो अपरिपक्व फल होता है तो उसको चीरा मार देते हैं चीरा मारने के बाद उससे जो दूध निकलता है उसी को एकत्रित किया जाता है और वहीं से क्या प्राप्त होता है मॉर्फिन प्राप्त होता है अगर हम पोस्ते की बात करें पोस्ते का पौधा एक आबृत बीजी पादप है तो यह भी ध्यान में रखना है कि जो पोस्ते का पौधा होता है कैसा आबृत बीजे पादप है जिससे अफीम तथा हीरोइन भी प्राप्त किया जाता है तो पोस्ते के पौधे से ही अफीम और हीरोइन भी प्राप्त किया जाता है तो बच्चे ये हीरोइन फिल्म वाली हीरोइन के चक्कर में मत पड़ना ना तो फिल्म वाली हीरोइन की बात नहीं की जा रही है ठीक है यहाँ फिल्म वाली हीरोइन की बात नहीं की जा रही है तो यहाँ अफीम के साथ जो हीरोइन शब्द है <laughs> इसका उपयोग दर्द दर्द निवारक दर्द निवारक क्या होता है औषधि तथा निद्रा कारक के रूप में किया जाता है किसका किसका बच्चा तो बात चाहे मॉर्फिन की हो चाहे अफीम की हो चाहे हीरोइन की हो सब मादक पदार्थ होते हैं तो ये क्या होता है ये दर्द निवारक दर्द निवारक औषधि जो भी आप पेनकिलर खाते हो बच्चा जो आप

इसके निगेटिव पॉइंट है अब हम शैवाल की बात कर लेते हैं शैवाल की बात करेंगे एलगी तथा कवक के मिलने से लाइकेन बनता है तो शैवाल शैवाल यानी एलगी और कवक जब आपस में दोनों मिलते हैं बच्चा आपस में जब दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है तो लाइकेन लाइकेन बनता है तो लाइकेन किससे बनता है तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है तो थोड़ा ध्यान में रखना शैवाल और कवक ऑक्टोपस आक्टोपस क्या होता है बच्चा आक्टोपस एक मोलस्क ग्रुप में आता है तो मोलस्क होता है सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या होता है तो जायंट जायंट स्कविड जायंट स्कविड क्या है सबसे बड़ा अकशेरुकी होता है कसेरुकी अकेरुकी का मतलब ये होता है बच्चा जिसमें रीढ़ की हड्डी है वो कसेरुकी है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पा जाए उसे अकसेरुकी कहा जाता है ठीक है जुगनू क्या होता है तो जुगनू कीट के अंतर्गत शामिल होता है खटमल मकड़ी घरेलू मक्खी तथा मच्छर में कौन सा कीट नहीं है तो बच्चा ये ध्यान में रखना कि अगर खटमल है मकड़ी है घरेलू मक्खी है घरेलू मक्खी और मच्छर में कीट कौन सा नहीं है तो मकड़ी कीट के अंतर्गत नहीं आती क्योंकि इसके कितने पैर होते हैं आठ पैर होते हैं मकड़ी के आठ पैर होते हैं कीट के छह पैर होते हैं तो जिनके आठ पैर होते हैं कीट के अंतर्गत नहीं आते हैं जिनके छह पैर होंगे कीट के अंतर्गत आते हैं तो ये जो है खटमल है घरेलू मक्खी है मच्छर ये सब कीट के अंतर्गत आएंगे लेकिन मकड़ी कीट के अंतर्गत नहीं शामिल होती कोबरा सर्प का जो विष होता है तंत्रिका विषि होता है यानी जो विष होता है जब भी सर्प डसता है बच्चे तो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है कोई भी पॉइजन हो कोई भी पॉइजन हो सिर्फ सांप को की बात नहीं की जा रही है पॉइजन सबसे पहले आपके तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है ठीक है लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें क्या होता है तो जो लाल मिर्च होती है बच्चा वो तीखी होती है इसमें क्या पाया जाता है तो कैप्सेनिन पाया जाता है कैप्सेनिन जो आप मिर्च खाते हो जो आप मिर्च खाते हो तो वो जो तीखा होता है वो किसके कारण होता है कैप्सेनिन के कारण होता है कैप्सेनिन के कारण होता है ठीक है बिल्कुल ध्यान में रखना और लाल मिर्च में क्या होता है बच्चा कैप्सैनिन होता है ठीक है उड़ने वाले पक्षी वर्ग में नहीं आता है चमगादड़ उड़ने वाले पक्षी वर्ग में आ, क्या नहीं आता बच्चा तो चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता ऐसा इसलिए है कि चमगादड़ क्या होता है स्तनपाई होता है ठीक है तो बिल्कुल ध्यान में रखना है हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स क्या है बच्चा तो मृदा विहीन पादप संवर्धन को क्या कहा जाता है तो हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है लहसुन लहसुन की अभिलाक्षणिक जो गंध है वो किस कारण होता है तो लहसुन में जो गंध आती है वो किस कारण होता है सल्फर यौगिक के कारण होता है तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चा ठीक है अंजलि बच्चा पेपर आपका ऑफलाइन होगा आर ओ आरओ का पेपर ऑफलाइन होता है आरो को पेपर ऑनलाइन नहीं होता बच्चा और आपका पेपर सभी बच्चों का एक ही बार में होता है पेपर इसमें भी नहीं है कि पहली मीटिंग दूसरी मीटिंग ऐसा भी कुछ नहीं है फर्स्ट मीटिंग में ही होगा और दो पेपर होंगे आपके और एक पेपर आपका जितने बच्चे हैं सभी को पता है साढ़े नौ से शुरू होता है तो साढ़े ग्यारह तक उसके बाद कुछ समय के अंतराल बाद आपका दूसरा पेपर हिंदी का होता है ठीक है सब ऑफलाइन होगा बच्चा ऑनलाइन नहीं होगा कुनैन की हम बात कर लेते हैं कुनैन क्या होता है जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है कहां से प्राप्त होता है आवृत बीजी पादप से प्राप्त होता है तो कुनैन किससे प्राप्त होता है तो बिल्कुल ये मलेरिया के लिए होता है और ये आवृत बीजी जो पौधा होता है से प्राप्त होता है तो ये येना जो होता है बच्चा इसकी छाल से प्राप्त होता है ठीक है कुनैन को सिनकोना ब्रिज की छाल से प्राप्त किया जाता है ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है क्या है एक आवृत बीजी पौधा होता है रेशम तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो रोम पिछ नख तथा नखर

एपसीसिक अम्ल कहा जाता है क्या कहा जाता है तो एपसीसिक अम्ल कहा जाता है ये एपसीसिक अम्ल किससे संबंधित है तो सूखा सहिष्णुता से संबंधित है बच्चा तो ध्यान में रखें हम हाइड्रोफाइट क्या होता है बच्चा हाइड्रो का मतलब होता है जल हाइड्रो का संबंध ही जल से होता है तो एक जली क्या होता है जली पौधा होता है दूध की हम बात करते हैं दूध की हम बात करते हैं दूध जिस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है उसका क्या नाम है बच्चा तो दूध जिस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है उसको कहा जाता है क्या कहा जाता है लेको बैलिशस कहा जाता है यानी अगर अब आपके किचन का दूध खराब होता है तो आप बिल्कुल ध्यान में रखना हो किस कारण लेस के कारण ठीक है बैसिलस के कारण बैसिलस जैव उपचारण जय अगर हम जैव उपचारण की बात करते हैं इसका तात्पर्य होता है जीवों द्वारा पर्यावरण के विषय पदार्थों का, तो का मतलब जीवों के माध्यम से छोटे पर्यावरण में जो भी विषैले पदार्थ हैं उसका निदान किया जाए उसी को हम जैव उपचारण कहते हैं तो बायो रिमेंडियेशन कहा जाता है इसको ना आगे देख लेते हैं अफीम अफीम प्राप्त किया जाता है तो बिना पके फल के तो बिल्कुल ध्यान में याद रखना है Latexis से, यानी जो दूध होता है उसका खर्पत्वार, समुद्री खरपतवार समुद्री खरपतवार की बात की गई है किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता, तो होता, तो होता, होता है आगे देख लेते हैं सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसको माइको कहा जाता है सबसे छोटा ऐसा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसको माइको कहा जाता है

आ, क्लोरो क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में डीएनए यानी हरितलवक हरित लवक इसमें डीएनए डीएनए पाया जाता है यह एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेतक सूचनाओं को जन्म की भांति जनकों से संतान में ले जाता है तो थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है नाभिक के अलावा माइट्रोकांडिया और कहाँ पे, पे बच्चा हरित लवक तो तीन जगह डीएनए कहाँ पाया जाता है तो डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा डीएनए तीन जगह जरूर मिलता है आपको एक तो माइट्रोकांडिया में नाभिक में और हरित लवक में ना ठीक है तो नाभिक के अलावा कुछ का जो डीएनए है कुछ का माइट्रोकांडिया में और हरित क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है डीएनए पाया जाता है डीएनए क्या होता है ये बच्चा जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो आपको अपने माता पिता से प्राप्त होता है उसको ले जाने में जो मूल भूमिका होती है किसकी होती है डीएनए की होती है सारी इंफॉर्मेशन इसी के अंतर्गत होती है अगर हम डीएनए की खोज की बात करते हैं तो फ्रेडरिक मिशर ने की थी किसने फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की है ठीक है तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और एवं फ्रांसिस क्रिक तो ये एकदम याद कर लेना बच्चा डबल स्टार में लगा दे रहा हूं कई बार क्वेश्चन आया है कि डीएनए जो होता है डीएनए का जो डबल जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है किसने दिया है तो जेम्स वांटर वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया है तो ये थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान में रखना ना तो कई बार क्वेश्चन आयोग ने पूछा है यहां से कि जो डीएनए होता है डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है किसने दिया है तो जेम्स वॉन्सन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया है ये भी बात आपको ध्यान में रखना और डीएनए की खोज किसने की थी तो मीशर ने की थी ये बात भी अब ध्यान में रखना आगे देख लेते हैं बच्चा की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइट्रोकांडिया में संपन्न होता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है दो जगह होता है कहां कहां? एक तो कोशिका द्रव्य में होता है और दूसरा माइट्रोकांडिया में ये संपन्न होता है और माइट्रोकांडिया को क्या कहा जाता है ऊर्जा का घर कहा जाता है एक्चुअल में होता क्या है बच्चा जब माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन आप सांस लेते हो सांस लेने के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर जाता है अंदर जब ऑक्सीजन जाता है तो पूरा बर्निंग वाला जो सिस्टम है बर्निंग वाला अंतिम रूप से जो एनर्जी पैदा होता है वो कहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ठीक है तो वहां ऑक्सीजन जब पहुंचता है तो फिर वहां पे एनर्जी का निर्माण होता है एटीपी ठीक है आगे देख लेते हैं माइट्रोकंडिया में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है तो बिल्कुल होती है माइट्रोकंडिया में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है इसीलिए इसे कोशिका का, का या पावर हाउस भी कहा जाता है तो पावर हाउस भी कहा जाता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है प्लाज्मा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम में सजीव झिल्ली होती है जिसकी बाहरी एवं भीतरी परतों का निर्माण निर्माण प्रोटीन तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड से बना होता है तो आपको ध्यान में रखना है प्रोटीन से और किससे बना होता है लिपिड से या वसा द्वारा बना

तो इसकी बाहरी एवं भीतरी परतों का निर्माण प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड से होता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में में रखना है। पादप कोशिका में, कोशिका जो भित्ती होती है सेलवाल होता है तथा हरित लवक पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में इसका अभाव पाया जाता है तो जो पेड़ पौधे होते हैं जो जीव जंतु होते हैं पेड़ जीव जंतु नहीं पेड़ पौधे होते हैं बच्चे पेड़ पौधों में जो कोशिका भित्ती होती है जो कि सेलवाल कहते हैं कोशिका भित्ती जीवों में नहीं पाया जाता केवल किस में पाया जाता है पेड़ पौधों में पाया जाता है और हरित लवक किस में पाया जाता है केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है वह जीव जंतुओं में नहीं पाया जाता है ठीक है तो ये ध्यान में रखना है कोशिका में प्रोटीन कोशिका में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ध्यान में रखना कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक होती है तो प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है तो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है तो जो कोशिका होती है उसमें जो प्रोटीन होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है बच्चा तो प्रोटीन सिंथेसिस उसके द्वारा किया जाता है तो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है ठीक है तो ध्यान में रखना है आगे देख लेते हैं एक अंत अंत द्रव्य जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तो राइबो जो अंत द्रव्य होती है उसी से क्या होते हैं राइबोसोम लगे रहते हैं तथा यह राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं तो राइबोसोम तो बिल्कुल याद रखना है प्रोटीन संश्लेषण का, का काम कौन करता है तो प्रोटीन संश्लेषण का काम राइबोसोम के द्वारा किया जाता है मानव शरीर की की बात करेंगे हमारे शरीर का अधिकतम भार लगभग दो तिहाई जल से बना होता है तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे शरीर का जो अधिकतम भार किस चीज से

श्वेत no होता तो है तमाम चीजें इसका आधार क्या होता है तो जल ही इसका आधार होता है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आर्थोप्लास्टी क्या होता है शल्य आर्थोप्लास्टिकल आर्थोप्लास्टी के अंतर्गत कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन अर्थाइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन किया जाता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है तो आर्थोप्लास्टिक क्या होता है बच्चा तो आर्थोप्लास्टिक

क्रेनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं जिनकी संख्या बारह होती है तो शरीर में स्थित जो कपाली होती है जो आपका कपाल है इसको क्या कहते हैं क्रेनियल क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं क्रेनियल जो नर्व्स होते हैं नर्व्स मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और इनकी संख्या कुल कितनी होती है तो बारह तो ये नंबर भी पूछा जाता है आपसे पूछ लेगा कि क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कुल कितनी होती है तो आपसे पूछ लेगा इसकी संख्या कितनी होती है बारह पूछ लेगा क्रेनियल तंत्रिकाओं का संबंध किससे है तो ध्यान में रखना बच्चे किस से मस्तिष्क से ठीक है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग कितना लीटर जो है यूरिन पास करता है तो एक अगर स्वस्थ मनुष्य है बच्चा तो एक दिन में वो लगभग 1.5 लीटर यूरिन को क्या करता है वो पास करता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है मूत्र एक हल्का अमली क्या होता है इसका पीएच मान कितना होता है हम लोगों ने देखा है माध्यम से होता है तथा इसमें पंचानवे प्रतिशत क्या होता है जल की मात्रा होती है तो इसमें ये जल की मात्रा छोड़ दो बच्चा आपको क्या इसका पीएच मान याद रखना है

पीला होता है, है? यूरोक्रोम के कारण होता है लेकिन इसकी वजह क्या है तो बच्चा याद रखना हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के विखंडन से क्या बनता है यूरोक्रोम बनता है हीमोग्लोबिन के विखंडन से क्या बनता है यूरोक्रोम बनता है तो बिल्कुल आप ध्यान में रखोगे नाखून की बात की गई है तो वाह कंकाल के अंतर्गत आते हैं जो कि ए जो कि अल्फ़ा कैरेटींस से बने होते हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो जो हमारे नाखून होते हैं जिन्हें बड़े प्यार से जितनी हमारे जो लड़कियां हैं बच्चियां हैं वो नाखून को बड़े प्यार से इसमें नाखून पॉलिश वगैरह लगाती हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है नाखून ठीक है बहुत काम की चीज़ है कंकाल होते हैं कैसे होते हैं वाह कंकाल होते हैं ये क्या होता है बच्चा इसमें आ, अल्फा कैरेटीन होता है इन्हें काटे जाने पर दर्द नहीं होता क्योंकि मृत कोशिकाएं के द्रव्य द्वारा निर्मित होती है जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता तो जो नाखून होता है ये मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और इन्हें काटने पर आपको किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होगा मनुष्य के जीवन काल में बीस दांत दो बार निकलते हैं तो पूछता है कितने बार तो दो बार बीस दांत विकसित होते हैं जबकि बारह जो कैसे दांत होते हैं बच्चे तो बारह स्थायी चवर्णक यानी दंत एक आ, एक दंती होते हैं ठीक है तो 20 ऐसे दांत होते हैं जिसे हम दूध का दांत कहते हैं तो एक बचपन में 20 दांत निकलते हैं टूटते हैं फिर दोबारा पैदा होते हैं तो ध्यान में रखना है वो बारह स्थायी होते हैं मानव शहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं तो बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है जो अधिकांश वयस्क जो स्तनी होते हैं ज्यादातर द्विदंती होती है होते हैं अर्थात चवर्ण दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में दो बार विकसित होते हैं द्विदंती का मतलब मतलब दो बार विकसित होते होते हैं चवर्ण दंतों के के अलावा मतलब जो आपके पीछे दांत हैं वो एक ही बार जीवन में निकलते हैं दो बार नहीं निकलते हैं ठीक है चबाने वाले चवर्ण का मतलब हमारे मुंह में आदर्श रूप से चार प्रकार के दांत होते हैं तो दांतों के अगर प्रकार की बात किया जाए तो हमारे मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं तो चार प्रकार के दांत होते हैं कृदंत होता है इंसिजर्स होता है उसके बाद रदनक होता है कैनाइन होता है प्रचवर्णक होता है तो प्री मोलर होता है प्रीमोलर और चवर्णक होता है तो मोलर्स होते हैं ठीक है तो आपको ध्यान में रखना है चार प्रकार के दांत होते हैं कृदंत होते हैं कृदंत होते हैं रदनक होते हैं प्रचवर्णक होते हैं चवर्णक होते हैं हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग क्या होता है दंत वलय होता है बच्चा इनेमिल इनेमल कहते हैं इसको इनेमल तो दंत दांत के ऊपर की जो परत होती है जिसे आप बिल्कुल सुबह शाम साफ करते हो ब्रश से तो बहुत ज्यादा जब आप ब्रश किया करो तो बहुत दबा के ब्रश नहीं करना चाहिए तो बहुत दबा के ब्रश नहीं करना चाहिए दूसरी बात बच्चा ब्रश हमेशा अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दस रुपए का ब्रश ले आओ और पूरे दांत को आप खराब कर लो तो बिल्कुल ऐसा मत करना कुछ चीजें अपने जीवन में सबसे अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए छोटा सा, छोटा सा सा से, सेकंड में एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात बात बताऊंगा बहुत ही बात, जीवन जीवन का दर्शन बदल जाएगा जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं ठीक है आ जाओ देखते हैं ना बीस सेकंड में बताऊंगा जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना आप लोग क्या करते हो हम सभी ये बातें करते हैं हम लोगों के परिवार में भी होता है इसमें क्या किया जाता है बच्चा जितने महंगे कपड़े हैं जितने आपको जो कपड़े महंगे हैं उसे आप खरीदते हो और किसी बक्से में सूटकेस में रख देते हो बच्चा जरा आप ये सोचिए डेली यूज वाले कपड़े डेली यूज वाले सामान आप सस्ते खरीदते हो और जिसको डेली यूज नहीं करना है आपको साल में एक बार पहनना है छह महीने में एक बार पहनना है उसको आप इतना कॉस्टली खरीद के क्या करते हो उसे किसी सूटकेश में बक्से में रख देते हो किसके लिए सड़ने के लिए उसमें आपने पैसा डाल के उसको फ्रीज कर दिया बच्चा ऐसा मत करना एक चीज बिल्कुल कंसेप्ट बदल लो अपने जीवन का डेली यूज के जितने भी कपड़े हो चाहे आप डेली जो कपड़े पहन रहे हो डेली यूज का सामान हो सबसे कॉस्टली लेना और जो रखने का सामान हो उसी एक बार कॉस्टली हो या ना हो लेकिन डेली यूज का सामान जैसे डेली आप जो कपड़े पहनते हो शर्ट पहनते हो या फिर जो शूट पहनती हैं बच्चिया जो भी जो भी कपड़े आप डेली यूज करते हो सबसे कॉस्टली होना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा आप यूज़ करते हो लेकिन हमें क्या सिखाया गया है हम लोगों को सिखाया गया है कि जिन्हें हमें पहनना ही नहीं है छः महीने में साल भर में एक बार पहनना है उसको हम सबसे ज़्यादा महंगा खरीदते हैं कितना उल्टा कंसेप्ट है जो आप डेली यूज करो बच्चे वो सबसे ज़्यादा अच्छा कपड़ा होना चाहिए क्वालिटीदार होना चाहिए उसकी प्राइस ठीक होनी चाहिए लेकिन जो कपड़ा रखने का है डन मैटर वो, वो कितना महंगा है कि नहीं महंगा है अरे जो चीज रख दी है उससे क्या मतलब है बच्चा तो कंसेप्ट बदलो डेली यूज के जो जितने भी सामान है सबसे अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए

कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जो एक्शन के बाद रिएक्शन होता है बच्चे वो किसके द्वारा नियंत्रित नियंत्रित किया किया जाता जाता है है तो कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के नियंत्रित किया जाता है। शौभाव के द्वारा स्वभाव आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की दो प्रमुख श्रेणियां होती हैं और वो होती हैं अबंधित यानी अनकंडीशनल एंड अनुबंधित यानी कंडीशनल ठीक है तो एक कंडीशनल होती अनकंडीशनल तो दो हो गई प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा अपना पैर पैर काट कांटे पर पड़ने पर हम पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं अच्छा ठीक है इसमें ये कह रहा है कि ये जो प्रतिवर्ती प्रक्रियाएं होती हैं क्रियाएं होती हैं एक्शन होता है जो हमारा कसेर की रज्ज होता है स्पाइनल कार्ड होता है उसके द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है ऐसा इसलिए होता है जैसे अचानक आप आपका ध्यान कहीं और है जैसे सपोज दैट हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग अगर मान लीजिए कि आप मोबाइल में कुछ भी देखते हुए जा रहे हो कुछ भी देखते हुए जा रहे हो आपकी नजर मोबाइल पे है लेकिन अचानक आपके सामने एक गड्ढा आ जाता है तो आप जैसे ही आप वहां आपका ध्यान मोबाइल पे है लेकिन आप गड्ढे के पास पहुंचोगे तो अचानक आपका पैर पीछे होगा आपकी नजर पड़ जाती है इसी को कहते हैं तो प्रति जो है बच्चा ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं तो इसमें एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए कि आपके पैर के नीचे कोई कांटा आता है तो आप तुरंत पैर आपको फट तुरंत पैर आप हटा लेते हो इसके लिए जो काम करता है वो क्या करता है क, कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कार्ड काम करता है ठीक है आगे देख लेते हैं

्राणु सुक्राणु जो होते हैं जो शुक्राणु होते हैं उसके निषेचन क्षमता उसकी निशेचन क्षमता सामान्यतः कितने 48 घंटों तक सुरक्षित रहता है मनुष्य में जन्म तो बिल्कुल निशेचन के बाद कितना होता है दो दिन या अड़तीस सप्ताह की बात की गई है ना तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि जो बच्चे होते हैं जो मनुष्य के द्वारा जो बच्चे होते हैं उनका जो टाइम होता है टाइम पीरियड दो सौ दिन का होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन एक मिनट में लगभग बहत्तर से पचहत्तर बार क्या होती है धड़कती है तो बिल्कुल ध्यान में रखना है ठीक है एक स्वस्थ मनुष्य एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की धड़कन कितना बच्चा बहत्तर से पचहत्तर बार लेकिन अगर आदमी स्वस्थ हो लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं कुछ ऐसी जीवन में घटनाएं घट जाती हैं कि जो ये धड़कन की स्पीड होती है स्वस्थ मनुष्य के भी धड़कन की स्पीड क्या होती है बढ़ जाती है तो कुछ ऐसी जीवन में घटनाएं घटती है, हैं सभी के जीवन में घटती हैं बहुत सारे लोगों के जीवन में यही घट रही हैं चैट के माध्यम से ठीक है अभी पढ़ लो बच्चे ठीक पढ़ लो अभी आप अपने धड़कन की स्पीड कितना रखना है अभी जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं अपने धड़कन की स्पीड कितना रखें बहत्तर से पचहत्तर के ही बीच में धड़कन की स्पीड रखें इससे ज़्यादा उसे ना बढ़ने दें ठीक है वृद्धों में यह कम जबकि बच्चों में यह सबसे ज्यादा होती है तो जो ये धड़कन होती है जो इसकी दर होती है यह स्वस्थ मनुष्य की अगर हम बात करें एक यंग व्यक्ति की बात करते हैं तो बहत्तर से पचहत्तर अगर जब आप वृद्ध होते हैं तो यह कम हो जाता है और बच्चों में इसकी गति ज्यादा होती है आगे देख लेते हैं हमारा हृदय प्रति मिनट पांच से छह लीटर रुधिर पंप करता है तो बिल्कुल याद रखना है एक मिनट पे पांच से छह लीटर रुधिर पंप करता है हर हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र होता है तो बिल्कुल एक स्पंदन से दूसरे उसे हम क्या कहते हैं कार्डियक साइकिल कहा जाता है ठीक है हृदय में ऐसी कोशिकाएं जो विद्युती तरंग उत्पन्न करती हैं पेशमेकर या कोशिकाएं कहलाती हैं तो पेशमेकर जैसे जिनमें हृदय की कुछ ऐसी कोशिकाएं है है, होती हैं जो विद्युत तरंगे उत्पन्न करती हैं जिससे हमारी धड़कने क्या होती हैं चलती हैं जिससे हमारी धड़कनों को एनर्जी मिलती रहती है लेकिन होता क्या है बच्चा जब इसमें दिक्कत आ जाती है जब इन कोशिकाओं में दिक्कत आ जाती है तो अलग से क्या है मेकर लगाया जाता है ना आर्टिफिशियल हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युत तरंगों द्वारा निष्पादित होता है तो जो हमारे हृदय का स्पंदन है यानी जो धड़कन है ये विद्युतीय तरंगों द्वारा ही निष्पादित होती हैं आगे देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें वयस्क मानव में कितनी 206 हड्डियां होती है वयस्क में मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं तो इसमें पूछा गया है एक तो पहला है दूसरा अगर हम बात करते हैं तो परिवर्तित होती हैं तो अचपट यानी रेटिना पर परिवर्तित होती हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य आंखों में जो प्रकाश तरंगे दोगों में परिवर्तित होती हैं हैं पे पे रेटिना होती नेत्रदान नेत्रदान में दाता की आंख के जिस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है उसको कार्निया कहते हैं तो अगर हम कि आप किसी को नेत्रदान करते हैं किसी व्यक्ति को तो नेत्रदान के दौरान क्या दान दिया जाता है तो कारनिया को दान दिया जाता है ना तो कॉर्निया को ध्यान में रखना है उसके बाद हम देखेंगे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहा तो बनता है तो अगर कोई मनुष्य है उसके प्रतिबिंब आंख में कहा बनता है बच्चा तो रेटिना में बनता है तो याद रखना मनुष्य का जो प्रतिबिंब है, है, है? है, है तो बिल्कुल बनता। बनता जबरदस्ती मत बना लेना है। ठीक है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो हड्डियों हड्डियां किससे बनी होती है बच्चा तो कैल्शियम से बनी होती है सबसे ज्यादा

या 98.6 फ़ारेनहाइट अब आइए हम बात कर लेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र यहां से संबंधित कुछ क्वेश्चन हीमोग्लोबिन की हम बात कर लेंगे हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है क्या होता है हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है तो बिल्कुल और मानव रक्त हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है इसके रासायनिक हीमोग्लोबिन की बात करेंगे इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन क्या होता है ग्लोबिन नामक प्रोटीन हिम नामक लाल रंग में पदार्थ से जुड़ा होता है ठीक है तो ये तमाम बातें होंगे तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है मानव के रक्त में पाया जाता है जो लाल रुद्र कणिकाएं होती हैं उसमें पाया जाता है और हीमोग्लोबिन दो चीज से मिलकर बना होता है एक तो ग्लोबिन होता है क्या होता है प्रोटीन होता है और हिम नामक एक लाल रंग होता है जिससे ये जुड़ा होता है आगे देख लेते हैं अगर हम बात करेंगे रुधिर का लाल रंग हिम के कारण होता है तो जो रुधिर होता है बच्चा उसका जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है हिम के कारण होता है ठीक है हीमोग्लोबिन शरीर में गैसों के परिसंचरण का कार्य करता है तो हीमोग्लोबिन क्या करता है शरीर में जो गैस है गैसों के परिवहन यानी गैसों के परिवहन का, का काम करता है यानी जो आप सांस लेते हो बच्चा तो सांस जब हमारे फेफड़े में जाता है हमारे हृदय में जाता है फेफड़े में तो वहां बहुत सारे सेल्स होते हैं कोष्टक होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन जो भी रक्त होता है हीमोग्लोबिन होता है जैसे ही जाता है तो ऑक्सीजन के साथ वो क्या करता है अब क्रिया कर लेता है ना तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है ठीक है उसके बाद ये कार्य करता है ठीक है केचुआ की अगर हम बात करते हैं बच्चा केचुआ एक अनिलिड

रुधिर होता है वो कैसे में रंगहीन होता है यानी को, कोई रंग नहीं होता उसके खून का रुधिर का और केंद्रकमय होते हैं तंत्र बंद प्रकार का से होता, है। तो बिल्कुल होता है जैसे जैसे हमारे देखो हम लोग देखते हैं हमारे जो माता पिता होते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उनकी जो बीपी होती है ब्लड प्रेशर होता है रक्तचाप क्या होता है बच्चा वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और वैसे सामान्य कितना होना चाहिए एक से लेके अस्सी के बीच में होना चाहिए आगे कुछ बातें और देख लेते हैं इससे अधिक होने पर उच्च रक्तदाब जबकि कम होने पर निम्न रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर हो जाता है रक्तदाब को स्फुग्मो इस इस, इस फिग्मो मैनोमीटर नामक यंत्र से तो इसको बिल्कुल याद रखना है जो रक्तदाब होता है इसको किससे मापते हैं बच्चा स्फिग्मो स्फिग्मो मैनोमीटर इस फिग्मो मेनोमीटर से इसको मापा जाता है रक्त जो होता है बच्चा वर्ग का जो रक्त होता है क्या होता है सर्व सर्वदाता होता है सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसमें क्या नहीं होता एंटीजन यानी प्रतिजन नहीं पाया जाता है एंटीजन नहीं पाया जाता है तो जो जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो अपना ब्लड किसी को दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं इसमें दो होता है एक ओ पॉजिटिव होता है एक ओ निगेटिव होता है जो ओ निगेटिव ब्लड होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओ निगेटिव ब्लड की विशेषता ये होती है बच्चा कि अगर किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है अगर आपको नहीं पता है कि उसका जो ब्लड है ब्लड ग्रुप क्या है तब अगर किसी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है तो आराम से बिना परीक्षण किए आप उसे दे सकते हो और उसे सीधा चढ़ा सकते हो लेकिन ओ पॉजिटिव के साथ ऐसा नहीं होता ठीक है तो रक्त जो ए सर्वदाता होता है बिल्कुल दिया जा सकता है चाहे ए हो B हो A, हो बी किसी को रक्त वर्ग अगर हम A, की बात करते हैं तो सर्वग्राही होता 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 है 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 जिसका ब्लड ग्रुप वो किसी भी प्रकार के ब्लड को क्या करता है ग्रहण कर सकता है ले सकता है ठीक है तो इसमें अच्छा कौन होता है वो तो देने वाला होता है लेकिन लेने वाला दो नजरिए से होता है अगर आप देने वाले नजरिए से देखेंगे तो सबसे अच्छा क्या होता है लेकिन ए बी लेने अगर ए बी वालों को कभी भी दिक्कत होगी तो किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो ये बहुत बेस्ट होता है एंटीजन एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं तथा कोई एंटीबॉडी नहीं होता अगर ए बी अगर हम ए बी ग्रुप की बात करते हैं देखिए ओ ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है बच्चा अगर ए बी की बात करते हैं तो इसमें एंटीबॉडी नहीं होता तो जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनमें एंटीजन नहीं पाया जाता और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती ठीक है रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन से निर्मित होते हैं जो कि बीस पदार्थों को निष्क्रिय कर देते हैं तो अगर हम बात करते हैं कि जो एंटीबॉडी होती है एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा कहते हैं तो एंटीबॉडी का निर्माण कहां होता है लिम्फोसाइट द्वारा किसके द्वारा किया जाता है लिंफोसाइड द्वारा लिंफोसाइड द्वारा किया जाता है तो बिल्कुल आप ध्यान में रखना है और इसका काम क्या होता है कि अगर आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का विषाक्त टॉक्सिन या किसी भी प्रकार का बैक्टेरिया या किसी भी प्रकार का जो वायरस अगर जाता है तो उसको उसको मारने का काम कौन करता है तो यही एंटीबॉडी काम करता है और इसका निर्माण कहा होता है लिंफोसाइड्स आगे देख लेते हैं लिंफोसाइड सबसे छोटी श्वेत रुधिराण किंतु संख्या में अधिक कुल इनका डब्ल्यू इतना इतना होता है तो जो लिंफोसाइट होता है ये थोड़ा सा श्वेत श्वे, जो एक ब्लड ग्रुप तीन होता है एक होता है रेड होता है बच्चा और एक क्या होता है व्हाइट ब्लड होता है ना तो व्हाइट ब्लड जो होता है जो सफेद होता है आपका श्वेत रुद्राण किंतु संख्या में अधिक होते हैं ना तो इसमें पाया जाता है लिम्फोसाइट ठीक है शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी होती है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग एक दिनों का होता है तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती है आरबीसी होती है इनका जो जीवन काल होता है वो कितना पाया एक है 120 दिनों का होता है नहीं, आपके आपके शरीर में जो खून बनता है बच्चा जो जिन्हें हम लाल रक्त कणिका कहते हैं कहते हैं उनका जीवन कितना होता है एक दिन का होता है ठीक है ये बातें हैं इनकी संख्या पुरुषों में चौवन लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर तथा स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है किसकी बात की जा रही है लाल रक्त कणिकाओं की बात की जा रही है यही कारण होता है आपने देखा होगा जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जो आरबीसी होती है बच्चा आरबीसी में ही क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ज्यादातर जो महिलाएं होती हैं उनका जो हीमोग्लोबिन होता है आपने देखा होगा जैसे प्रेग्नेंसी के दौरान या फिर और बहुत सारे जो महिलाएं होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन की ज्यादातर महिलाओं में कमी पाई जाती है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे उनमें जो आरबीसी की जो क्या होती है वो पुरुषों की तुलना में कम होती है इनका विनाश प्लीहा किन का विनाश प्लीहा में होता है बच्चा ये लाल रक्त कणिकाओं का लाल रक्त कणिकाओं का विनाश कहा होता है प्लीहा में में होता है है इनका विनाश हो जाता लिंफोसाइड तथा न्यूट्रोफिल्स श्वेत रक्त कणिकाओं के दो प्रमुख प्रकार होते हैं तो हम बिल्कुल देख लेते हैं तो चाहे लिंफोसाइड हो या न्यूट्रोफिल्स हो ये दो इन दोनों का संबंध किससे है तो व्हाइट ब्लड सेल्स से है ठीक है आगे देख लेते हैं लिम्फोसाइड का निर्माण कहाँ होता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है लिम्फोसाइड का निर्माण कहाँ होता है तो प्लीहा में होता है लश्का ग्रंथियां और थाइमस और जो थाइमस ग्रंथियां होती हैं इनमें किसका निर्माण होता है बच्चा तो लिम्फोसाइड का निर्माण होता है न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है न्यूट्रोफिल्स दो होते हैं हमने ये देखा व्हाइट ब्लड सेल्स में दो महत्वपूर्ण लिंफोसाइड होता है न्यूट्रोफिल्स होता है लिंफोसाइड कई बार पूछा गया है तो आपको न्यूट्रोफिल्स जरूर याद रखना है इसका निर्माण कहाँ होता है बच्चा तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है मनुष्य में श्वेत रुद्राण लगभग पैंतालीस से ग्यारह प्रति क्यूबिक मिलीमीटर जबकि रुधिर प्लेट्स जो होती है जो प्लेट्स होती है इनकी संख्या दो से कितना होती है दो से पांच लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में होता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है ठीक है डेंगू डेंगू में यही कम हो जाता है बच्चा प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक होता है जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है रक्त का पीले रंग का एक तरल घटक होता है इसमें संपूर्ण रक्त किसकी बात की जा रही है प्लाज्मा की इसमें संपूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती है या कुल रक्त की मात्रा का लगभग कितना होता है प्लाज्मा बिल्कुल आपको ध्यान में, में संक्रमण से हमारी करता है क्या? करता है। तो जो है हमारा बच्चा में जो संक्रमण है बैक्टीरिया वायरस इन सबसे हमारा रक्षा कौन करता है डब्लू बी सी करता है व्हाइट ब्लड सेल्स करता है इसका मतलब इसमें लिंफोसाइड होता है और लिंफोसाइड किसका निर्माण करता है तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है और एंटीबॉडी क्या करता है बच्चा एक ऐसा सैनिक है जो बाहर से आने वाले किसी भी बैक्टेरिया वायरस को किल कर देता है ठीक है तो ये तमाम चीजें हो गई लाल रक्त रक्तिकाए मुख्यतः बनती हैं तो बिल्कुल अगर हम लाल रक्त की की आरबीसी बात करते हैं बनती हैं तो अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है एक एक संयोजी संयोजी कैसे होते हैं होते हैं हैं बच्चे तो रक्त समूहों की खोज किसने की थी रक्त समूहों की खोज कारलैंड स्टीनर ने की थी किसने कारलैंड स्टीनर ने रक्त समूहों की खोज की थी तो बिल्कुल जो ओ ग्रुप है ए ग्रुप है बी ग्रुप है ए बी ग्रुप है इनकी खोज किसने की थी तो कारलैंड स्टीन नकी थी वर्ग ए बी वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो कोई भी वर्ग हो तो इसे सर्वग्राही कहते हैं तो किसी भी वर्ग का होगा ए बी ले लेगा सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चा तो इसका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना यानी डब्ल्यूबीसी क्योंकि इसमें क्या होता है लिंफोसाइट्स होता है एंटीबॉडी होता है ठीक है प्रतिरक्षा असंक्राम का सर्वाधिक संबंध होता है लिंफोशाइड से तो प्रतिरक्षा जो होती है बच्चा प्रतिरक्षा का संबंध जो कहते हैं कि आप अपना इम्यूनिटी भी बूस्ट करिए इसका संबंध किससे होता है किसाइड से होता है आगे देख लेते हैं स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप स्वस्थ मनुष्य का रक्तचापालिकाइस्टालिक होता है एक सौ बीस से एक सौ अस्सी होता है तो 120 का मतलब होता है सिस्टालिक होता है और डाइस्टालिक का मतलब तो बच्चा 120 से अस्सी ठीक है मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रत्यारोपण किया गया था तो क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा तो जो मानव हृदय है हृदय का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था तो क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था रक्त का थक्का बनने में ये इंपॉर्टेंट है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रीनोजिन को फाइब्रिन में फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थाम्ब्रिन थाम्ब्रिन तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है जो रक्त का थक्का बनता है वो किस इंजाइम के लिए थाम्ब्रिन उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ना तो रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रीनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम उसका नाम है बच्चा थाम्ब्रीन जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है बढ़ जाती है बिल्कुल हो जाती है जो रक्त में जब ऑक्सीजन की कमी आती है तो आपको ज़्यादा जोर जोर से सांस लोगे तो एक चीज़ और हमें एक बात याद आ कि बच्चा जब हम मैं आपके आप मैं स्टडी कर रहा था तो एक चीज़ मैं हमेशा अप्लाई करता था जो भी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ जो चीज़ पढ़ो अपने जीवन में अप्लाई करो चाहे आप जोग्राफी पढ़ो चाहे आप पॉलिटी पढ़ो चाहे इकोनोमी पढ़ो चाहे साइंस पढ़ो बच्चा हम इसको किताबों तक सीमित रखते हैं ऐसा कभी मत करना अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए ठीक है तो इसमें इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा रहा है 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 कि जब रक्त में में ऑक्सीजन की सांद्रता कमी आती है, तो श्वास की गति क्या होती है बढ़ जाती है इसका मतलब होता है कि आपको अब ज्यादा सांस चाहिए और एनर्जी बूस्ट करना है ठीक है तो एक चीज और बताऊ बच्चा जब आप आपने देखा होगा कि जो धावक होते हैं दौड़ने वाले व्यक्ति होते हैं जब आप दौड़ते हो तो बहुत ज्यादा सांस लेते हो ऐसा क्यों क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए ऑक्सीजन के उपस्थित में ही ऊर्जा का निर्माण होगा माइटोकॉन्ड्रिया में तो एक चीज आपको याद रखना है जैसे आप पढ़ते वक्त ज्यादा थकान फील कर रहे हो आपको लगता है कि मैं थक गया एकदम गहरी सांस लो चार पांच बार गहरी सांस लो आपके अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी क्या होगी बढ़ जाती है ठीक है आपकी थकान दूर हो जाएगी हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए जो खनिज आवश्यक है वह है पोटेशियम तो बिल्कुल याद रखना स्टार का हृदय की धड़कन हृदय की धड़कन को हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक होता है बच्चा तो हृदय को धड़कन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है तो पोटेशियम आवश्यक होता है क्या पोटेशियम बिल्कुल ध्यान में रखना आगे बढ़ते हैं डीएनए अंगुली छाप और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है तो कहां पे तो जो डीएनए है बच्चा अंगुली छाप और नैदानिक जो

अब हम बात करेंगे पाचन तथा उत्सर्जन की ठीक है तो यहाँ पे हम लोग आते हैं छोटी आंत मुख्यतः तीन भागों में यथा छोटी आंत जो होती है बच्चा वो किस में होती है तीन भागों में बटी होती है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है एक तो ग्रहणी होती है ड्यूडेनम होता है और मध्यांत्र होता है जेजेनम होता है और शेषांत यानी लियम होता है में विभेदित होता है जिनकी लंबाई क्या होती है तो ये बच्चा 25 सेंटीमीटर होता है दो दशमलव पाँच सेंटीमीटर होता है और तीन दशमलव पाँच मीटर होता है तो ये दो दशमलव पाँच मीटर और तीन दशमलव पाँच मीटर होता है ना तो यहाँ पे कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से छोटी आंत का कौन सा अंग नहीं है तो इसके तीन प्रमुख अंग अंग हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है एक तो ग्रहणी होता है मध्यांतर होता है और शेषांतर होता है इं, इंग्लिश भी ध्यान में रखना बच्चा ड्यूडेनम होता है और जेजेनम होता है और लियम होता है ठीक है तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना और इनकी लंबाई भी ध्यान में रखना सबसे बड़ा पूछ लेता है कि इनमें से सबसे बड़ा अंग कौन है तो शेषांतर सबसे बड़ा अंग होता है यानी मीटर का ये सबसे बड़ा अंग होता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग पे होता है तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो पाचन का अधिकांश भाग पे होता है बच्चा तो छोटी हाथ में होता है तो जो कुछ खाना पीना आप खाते हो सबसे ज्यादा जो डाइजेशन है डाइजेशन आपका जो पाचन वाला काम सबसे ज्यादा कहां पे होता है तो आपके छोटी आंत में होता है तो बहुत ही सिंपल सी बात है ठीक है तो पचे हुए पता

में एक होता है एमाइलेज ठीक है एमाइलेज

सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी सोडियम पोटेशियम कैल्शियम सब सब सोडियम वगैरह बढ़ जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं अगर आप डायलिसिस नहीं कराओगे तो ये क्या करेगा एक एक अंग को फेल करता चला जाएगा पहले किडनी फेल होगी फिर आपका लीवर फेल होगा फिर आपका हार्ट फेल होगा इस तरह से और आदमी की डेथ हो जाती है तो डायलिसिस क्या करता है डायलिसिस क्या करता है बच्चा खून का शुद्धिकरण डायलिसिस के द्वारा किया जाता है प्राकृतिक रूप से शरीर में यह प्रक्रिया वृक्क की बात की गई किडनी द्वारा संपन्न होती है अगर हम नेचुरल तरीके से कहें तो जो खून की शुद्धिकरण का काम कौन करता है तो किडनी का काम करता है ठीक है अगर जब किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस प्रक्रिया की जाती है यह रुधिर से फास्फेट नाइट्रोजन यौगिक यूरिया किसको डायलिसिस डायलिसिस के द्वारा शरीर से रुधिर से क्या निकालता है फास्फेट है नाइट्रोजन यौगिक है यूरिया है यूरिकमल है को पृथक करता है और रक्त के परासरणीय दाब जो ओपी है एवं उसकी मात्रा का क्या है नियमन करता है कौन किडनी ठीक है ब्रिक के क्षतिग्रस्त हो जाने पर इस कार्य हेतु तो अपोहक जिसको डायलाइजर कहते हैं का प्रयोग किया जाता है जो कि कृत्रिम के रूप में कार्य करता है तो अपोहक को ध्यान में रखना है आपको तो इसमें क्या किया जाता है अगर आपकी किडनी फेल हो जाती है तो कुछ समय तक डायलिसिस से काम होता है नहीं तो फिर आपको कृत्रिम क्या करता है अपोहक लगवाना पड़ता है कृत्रिम किडनी होती है बच्चा एंजाइम की हम बात कर लेते हैं एंजाइम एंजाइम मूलतः क्या होते हैं तो बिल्कुल ध्यान में रखना है एंजाइम क्या होते हैं तो प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का काम करते हैं तो एंजाइम का मूल काम होता है बच्चा आपके आपके शरीर में बहुत सारे प्रोसेस को क्या करना उनकी गति को बढ़ाना उनकी दर को बढ़ाना ठीक है तो ये एंजाइम का कार्य होता है स्पेशली ये प्रोटीन होते हैं बायो उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं ठीक है तो जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको या उनकी गति को बढ़ा देते हैं अगर हम हमृत की लीवर की बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चा आपका यकृत यानी लीवर होता है यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसके द्वारा लगभग पांच क्रियाओं का संपादन किया जाता है तो आपका जो लीवर होता है ये शरीर में पाचन का एक प्रमुख अंग होता है लीवर लीवर में बहुत सारी चीजें पचती है इसमें लगभग पांच क्रियाएं घटती है इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं देख लेंगे आगे अगर हम वित्त पित्त की बात करें यानी बाइल की बात करें इसका उत्पादन रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कर ओके थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर एक बार जितने हमारे प्यार बच्चे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज एक बार लाइक कर देना एक बार जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं जितने हमसे जुड़े हैं जितने हमारे प्यारे साथी हैं एक बार आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना बच्चा ये सारी मेहनत आपके सिर्फ दो चीज़ों पर निर्भर करती है एक लाइक और एक शेयर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बस एक उम्मीद चाहिए आपके सिलेक्शन का एक आशा चाहिए आपके आगे बढ़ने का और एक छोटा सा लाइक और एक प्यारा सा शेयर ठीक है आ जाओ देख लेते हैं बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं कि हमने कर दिया है सर जी शुक्रिया आ, बिल्कुल आ, मारियम कह रही हैं कि हमने कर दिया है सर जी शुक्रिया बिल्कुल थैंक यू ओके

इसमें पित्त का उत्पादन कहां पे होता है तो यकृत में होता है पित्त का उत्पादन रक्त के प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन यानी रक्त में जो प्लाज्मा है उसके में कुछ प्रोटीनों का उत्पादन कौन करता है, करता है।, ग्लाइकोजे क्रिया जो ग्लाइकोजे क्रिया होती है इसके द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कर देता है ग्लूकोज को क्या कर देता है बच्चा ग्लाइकोजन में परिवर्तन कर देता है कौन कर देता है यकृत कर देता है एक्चुअल में आप बहुत सारा मात्रा में ग्लूकोज ले लेते हो तो ग्लूकोज को क्या करता है बच्चा वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है ग्लाइकोजन विभिन्न अंगों में विभिन्न जगह जमा हो जाता है ठीक है तो में परिवर्तन और रक्त आगे देख लेते हैं रक्त में अमीनो अम्ल का अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया यूरिया जो अमोनिया को यूरिया में यूरिया में परिवर्तन करना आदि यकृत की कुछ मुख्य क्रियाएं हैं तो यहाँ एक बार और देखेंगे कई बार प्रश्न पूछा जाता है यूरिया का उत्पादन कौन अंग करता है यूरिया का उत्पादन यकृत करता है यूरिया अमोनिया को यूरिया में बदल देता है कौन यकृत बदल देता है ठीक है तो परिवर्तन कर देता है तो एक बार और देख लेते हैं यकृत के कौन कौन से कार्य हैं तो यकृत के कौन कौन से कार्य रहे तो एक तो एक पाचन पाचक अंग होता है बिल्कुल ध्यान में रखना है बच्चा दूसरा इसमें पित्त का उत्पादन होता है रक्त प्लाज्मा में कुछ प्रोटीनों का भी उत्पादन करता है इसके साथ आप याद रखोगे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ग्लाइकोजे नोशिश क्रिया कहा जाता है उसके बाद रक्त में कुछ अमीनो अम्ल का नियमन करता है जो अमीनो अम्ल होते हैं उसको कंट्रोल नियमित करता है और अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है ये सब यकृत के कार्य हैं और ये पूछा जाता है ट्रिप्सिन की बात कर लेते हैं बच्चा ट्रिप्सिन टाइलिन और पेप्सिन पाचक एंजाइम होते हैं तो ट्रिप्सिन है दूसरा टाइलिन है और पेप्सिन है ये सब क्या होते हैं एंजाइम होते हैं जिनका श्राव क्रमशः कहा से होता है तो ट्रिप्सिन का कहां से होता है बच्चा तो अग्नाशय से होता है और टाइलिन का कहां से होता है तो लार ग्रंथी से होता है और पेप्सिन का कहां से होता है तो बच्चा अमाशय से होता है बिल्कुल तो ध्यान रखना ट्रिप्सिन है टाइलिन है और पेप्सिन है ये क्या होते हैं बच्चे तो ये आपके एंजाइम है ट्रिप्सिन अग्नाशय से टाइलिन लार ग्रंथि से और पेप्सिन आमाशय द्वारा पैदा होता है गैस्ट्रिन की बात करते हैं गैस्ट्रिन क्या होता है एक हार्मोन है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है या निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है तो जितने भी कई सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं एंजाइम क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है गेस्ट्रीन ऐसा लगता है कि जैसे ये एंजाइम है लेकिन गेस्ट्रीन क्या है बच्चा हार्मोन है तो बिल्कुल ध्यान रखना जो कि अमाशय में जी कोशिका जी कोशिकाओं यानी जी सेल्स तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त तो होता है तो बिल्कुल याद रखना है गेस्ट्रीन एक तो ये भी याद रखना अमाशय में ठीक है तो ये एक हार्मोन है तो गेस्ट्रीन क्या है बच्चा एक हार्मोन है दूसरा ये अमाशय में पैदा होता है जी कोशिकाओं द्वारा जी सेल द्वारा ठीक है यह गेस्ट्रीन अम्ल के श्रावण को उद्दीप्त करता है तो जो गेस्ट्रीन अम्ल होता है जो आपके कहाँ निकलता है बच्चा अमाशा में निकलता है उसको क्या करता है उद्दीप्त मतलब उत्प्रेरित करता है उसको बढ़ाने के लिए ना तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन में काम आता है एमाइलेज e की अगर हम बात करते हैं बच्चा एमाइलेज e क्या होता है नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है तो एमाइलेज e इसका जो एंजाइम है एक तो एक तो इसका स्राव होता है तो लार ग्रंथी से होता है और दूसरा इसका स्राव किससे होता है तो अग्नाशय से होता है तो बिल्कुल तो आपको ध्यान में रखना है ना एमाइलेज एमाइलेज लाल लार, लार ग्रंथी और अग्नाशय यह भोजन में एमाइलेज क्या करता है भोजन में स्टार्च मंड में जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है तो सीधा से याद रखना है आपको स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है तो ग्लूकोज में बदल देता है ये कौन एमाइलेज एमाइलेज का एमाइलेज का, का स्राव कहां पे होता है लार ग्रंथि में और कहा होता है अग्नाशय में यानी पिंक्रियाज पें, में होता है बच्चा और जो एमाइलेज है ये क्या करता है तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में ए मंड जो लिखा है इसका मतलब स्टार्स का मतलब भी होता है कभी गांव में जब पहले हम लोगों की जो मम्मी होती थी वो क्या करती थी बच्चा जब चावल पकाते हैं गांव में आज भी चावल कुकर में नहीं पकाते कहाँ भगोने में या फिर कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिसमें चावल पकाते हैं तो चावल में ऊपर ऊपर एक जो है सफेद सफेद गाढ़ा पीला चिपचिपा पदार्थ बन जाता है असल में वो मंड होता है

न्यूट्राइस्टिकल्स शब्द न्यूट्रिशन या फार्मास्यूटिकल्स शब्दों से मिलकर बना हुआ है तो बहुत ही सिंपल है कभी बार कई बार पूछा गया है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं तो दो चीजों से मिलकर बनता है बच्चा एक तो न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल दो चीजों से मिलकर क्या बना है तो ये न्यूट्रास्यूटिकल जो न्यूट्रास्यूटिकल शब्द है एक तो न्यूट्रिशन प्लस किससे मिलकर बना है बच्चा फार्मास्यूटिकल से मिलकर बनता है क्या न्यूट्रास्यूटिकल ठीक है तो न्यूट्रिशन होते हैं और फार्मास्यूटिकल होते हैं तो तो जो न्यूट्रिशन होते हैं इसका मतलब ये होता है बच्चा आज जितनी भी चीजें हैं आपका विटामिन हैं एंजाइम्स हैं प्रोटीन्स हैं बहुत सारी चीजें आप खाद्य पदार्थों के माध्यम से लेते हो बाहर से लेते हो दवाइयों के माध्यम से लेते हो तो हम दवाइयों के माध्यम से लेते हैं ना तो फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन की बात की जा रही है फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां होती हैं फार्मास्यूटिकल की बात की जा रही है उसमें जब हम न्यूट्रिशन को मिला देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है न्यूट्रा न्यूट्रास्यूटिकल्स कहा जाता है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधि लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है तो मतलब साथ ही क्या होता है फार्मास्यूटिकल्स मतलब औषधी लाभ भी प्रदान किया जाता है दो पोटेशियम अल्पता से संबंधित बीमारी है संबंध है निम्न रक्तचाप इसका मतलब होता है कि अगर आपको निम्न रक्तचाप है लो ब्लड प्रेशर है तो इसमें दिक्कत क्या है बच्चा इसमें पोटेशियम पोटेशियम की कमी है इसलिए निम्न रक्तचाप से से ग्रसित होता है यूरिया यूरिया की अगर हम बात करते हैं पृथक किया, है, तो तो किया जाता है तो यूरिया का उत्पादन कौन करता है यूरिया का उत्पादन आपका यकृत करता है यानी लीवर करता है लेकिन यूरिया को खून से अलग कौन करता है बच्चा खून से अलग करता है आपका किडनी अलग करता है और फिर किडनी जब उसे अलग करता है तो आपके यूरिन के माध्यम से वो यूरिया बाहर निकल जाता है ठीक है मानव अस्मरी यानी किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक क्या होता है तो किडनी में जो स्टोन होता है जो पत्थर होता है उसमें कैल्शियम होता है बच्चा तो जो किडनी होती है किडनी में आपकी जो पथरी होती है जो स्टोन होता है किडनी में वो किसका बना होता है बच्चा तो कैल्शियम ऑक्सीड का बना होता है हम हल्दी पौधे के जिस भाग में पाते हैं वह है तो हल्दी का जो पौधा होता है बच्चा हल्दी पौधे के जिस भाग में पाया जाता है वह क्या होता है तना होता है तो जो आप हल्दी का पौधा होता है मैं आपसे बता दूं बच्चे हल्दी का जो भारत है भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है हल्दी का बहुत भारत बड़े लेवल पर निर्यात करता है तो हल्दी हल्दी जो है जिस चीज से हम प्राप्त करते हैं वो तना होता है न कि जड़ होता है न पत्ती तना तना ठीक है इष्ट की अगर हम बात करते हैं इष्ट और मशरूम मशरूम क्या होता है एक तरह से फफूंद यानी फंगी होता है तो मशरूम मुझे बहुत पसंद है <laughs> अरे बच्चा पाखी पंखी क्या नाम है बच्चा मैं एक चीज बता दूं अगर टू एक्स स्पीड से, से नहीं चलेंगे तो काम नहीं हो पाएगा ठीक है ठीक है तो बिल्कुल बस सुनते रहिए सुनते रहिए ठीक है, है एक बार आप अगर सुन लिया और आपके नजर के आंख से गुजर गया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे आपका पक्का हो जाएगा बायोलॉजी ठीक है जाओ देख लेते हैं पता ईस्ट यानी मशरूम क्या होता है होता है नाखून यानी काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचालन बिल्कुल नहीं होता है इसलिए हमें काटने के बाद वह क्या होता है बच्चा बिल्कुल हमें दर्द नहीं होता है एक बीज के अंकुरन के लिए तीन परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है क्या चाहिए अगर कोई बीज है कोई बीज है अगर उसे अंकुरित होना है पौधा बनना है तो उसमें क्या चाहिए पानी चाहिए तापमान चाहिए और ऑक्सीजन अगर ये तीन चीजें मिलती है तो कोई भी बीज क्या हो जाएगा बच्चा अंकुरित हो जाएगा वह पौधा का रूप धारण कर लेता है आगे देख लेते हैं लाइकेन

है तो कोई भी पदार्थ होता है वो खराब होगा और जो कोल्ड स्टोर होते हैं तापमान को कम करते हैं और उसके अंदर के नमी को सोखते हैं ठीक है, है? इसलिए वो लंबे समय तक चलता है हमारे तंत्र में अधिकतम को उत्पन्न करने वाला पद है तो बिल्कुल ध्यान में रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है

अब विटामिन्स का दूसरा काम क्या होता है शरीर में उपापचयी अभक्रिया में उत्प्रेरकों की क्रिया का नियंत्रण करते हैं तो जो उपापचई अभक्रियाएँ होती हैं और जो उत्प्रेरक की क्रियाएँ होती उनको है उनको नियंत्रित करते हैं अब बढ़ाते हैं अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं तो अब तक कुल कितने विटामिन हमने ज्ञात कर लिए लगभग बीस प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं जिनकी दो श्रेणियां हैं दो श्रेणियां है, एक तो जल में घुलनशील एक तो जल में घुलनशील होता है क्या नाम होता है बीसी और दूसरा वसा में घुलनशील होता है उसका नाम है कीड़ा क्या नाम है बच्चा ए ई के इसको लिख सकते हो के ई डी ए तो कीड़ा कहा जाता है सिंपल सा याद रख लेना कीड़ा किस में होता है बच्चा वशा में घुलनशील होता है कहां वशा में

एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन को अगर आप यूज करोगे तो आपका 4.0 किलो कैलोरी आपको क्या मिलेगी बच्चा एनर्जी यानी उष्मा मिलती है ऊर्जा मिलती है जबकि एक ग्राम वसा अगर हम एक ग्राम वसा की बात करें एक ग्राम वसा की बात करें तो कितना हमें ऊर्जा मिलती है तो बच्चा नाइन किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके शरीर में सबसे ज़्यादा वसा से ऊर्जा मिलती है इसका अर्थ है आपके शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है लेकिन अगर प्रति यूनिट की बात किया जाए प्रति यूनिट की बात किया जाए बच्चा तो सबसे ज्यादा आपको वसा से ऊर्जा मिलती है लेकिन अगर आपको कहा जाए कि सबसे ज्यादा आपके शरीर में ऊर्जा किस चीज से मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट से ठीक है फिर प्रोटीन से बाद में वसा से वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों हो सकते हैं तो वसा के स्रोत तो दोनों होते हैं सिर्फ जंतु नहीं हो सकते विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है तो जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या होता है इसको रेटिनाल कहते हैं इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है तो है तो विटामिन विटामिन ए ए का काम सिर्फ आंखों से संबंधित नहीं है, है, का है।, का है संक्रमण रोधी है आपको जो छोटे छोटे जो संक्रमण है जो बीमारियां हैं उनसे बचाने का काम क्या करता है विटामिन ए इसका प्रमुख कार्य क्या होता है दृष्टि दृष्टि द्रिश्ट रंगाओ रोडापिन के संश्लेषण में भाग लेता है तो दृष्टि से संबंधित जो है दृष्ट रंग रंग रंगों के रोडाप्स से संबंधित ये संश्लेषण का काम करता है यानी आंख से संबंधित भी है ठीक है विटामिन ए और ये संक्रमण संबंधी ये तमाम बातें हो गई इसकी कमी से इसकी अगर विटामिन की कमी से क्या हो जाएगा बच्चा रतौंधी रोग हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है किसके विटामिन ए की कमी से यह मानव शरीर में यकृत में काफी मात्रा में संचित होता है तो याद रख लेना ये डबल स्टार तो यकृत में यकृत में संचित कौन सा विटामिन होता है तो विटामिन ए विटामिन ए मानव शरीर के यकृत में संचित होता है तो बिल्कुल क्या है।, है, 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 क्या है इसके प्रमुख स्रोत है किसके विटामिन ए के प्रमुख स्रोत सब्जी गाजर यकृत दूध मक्खन अंडा मछली ये सब विटामिन ए के प्रमुख स्रोत है मछली का तेल सबसे ज्यादा विटामिन बी की अब हम बात कर लेते हैं विटामिन बी की बात कर लेते हैं तो एक बात सारी बातें याद रहे या ना रहे एक बात जरूर याद रखना वो ये याद रखना क्या? पहला कि विटामिन विटामिन ए को संक्रमण रोधी कहा जाता है पहली बात दूसरा याद रखना है यकृत में काफी मात्रा में जमा होने वाला विटामिन क्या है विटामिन बी का विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है बच्चा तो थामिन है तो विटामिन इसका रासायनिक नाम क्या होता है थाइमिन है इसे पंग फंक फंक महोदय हैं इन्होंने खोजा था फंक ने चावल की छीलन से पृथक किया था किंतु विशुद्ध रूप से विलियम्स विलियम्स ने पृथक किया था तो दोनों बातें याद रखना है ये भी याद रखना है कि विटामिन जो बी है विटामिन बी को चावल के छिलके से किसने अलग किया था तो चावल के छिलके से इसे फंक महोदय ने अलग किया था लेकिन विशुद्ध रूप से विटामिन बी की जो खोज विलियम्स ने किया था तो विशुद्ध रूप से विलियम्स ने इसे किया था लेकिन सर्वप्रथम किसने फंक महोदय ने कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फंक महोदय ने विटामिन बी की

की कमी से किलोशिस नामक रोग हो जाता है विटामिन बी वन की बात कर लेते हैं बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है नाम बारह साइनो साइनोबालमिन है ठीक है इसका नाम क्या है इसका साइनो साइनो कोबाल कोबालामिन ठीक है तो इसको कहा जाता है साइनोकोबालमिन ठीक है बी वन इसका आ, थाइमिन ठीक है इसका प्रमुख घटक क्या होता है तो कोबाल्ट है ये तो बी की बात चल रही है बी कहां से लिखा हुआ बी ट्वेल्व होना चाहिए तो थोड़ा सा ये है कोबाल्ट बी ट्वेल्व की बात की जा रही है बच्चा तो कोबाल्ट जो है किसमें बी ट्वेल्व की बात की जा रही है इसी को साइनो कोबाल लामिन भी कहा जाता है तो यह विटामिन वृद्ध के लिए आवश्यक होता है ये के लिए आवश्यक होता है इसकी कमी से रक्ताल्पता क्या हो जाता है रक्तालपता होती है तथा तंत्रिका तंत्र की कार्य की गड़बड़ हो जाती है तंत्रिका तंत्र जो है वो भी गड़बड़ हो जाता है इसके महत्वपूर्ण स्रोत क्या है मांस है मछली है है दूध है पनीर इत्यादि होती है आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं तो याद रखना है ये जो विटामिन बी ट्वेल्व होता है विटामिन बी ट्वेल्व होता है ये है, ट्वेल्व है तो आंत का जीवाण होता है इसका संश्लेषण करता है तो कई बार पूछ लेता है कि किस विटामिन का जो है संश्लेषण आंत के जीवाणुओं द्वारा दुआ या आंत में होता है तो बी ट्वेल्व का संश्लेषण होता है ठीक है बी ट्वेल्व का विटामिन सी का रासायनिक नाम अगर हम देख लेते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम एसकार्बिक अम्ल होता है क्या होता है एसकार्बिक अम्ल होता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है ठीक है इसका उत्तम स्रोत क्या होता है इस का होता है उसका उत्तम स्रोत क्या होता है यानी सी सी की की बात बात कर रही है विटामिन खट्टे फल फल बच्चा खट्टे जो खट्टे फल होते हैं जैसे आंवला है आंवला है नींबू है संतरा है मौसम्मी इत्यादि ये सब विटामिन सी के क्या है स्रोत हैं अगर ये तमाम हो आंवला नींबू संतरा मोसम्मी सब दिए हों और एक को चूज करना है तो बच्चा किसको चूज करोगे आंवले को चूज करना ठीक है आंवला सबसे ज्यादा होता है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है इसका प्रमुख कार्य उदको कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतर कोश पदार्थ के मै, मैट्रिक्स कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखने का है तो यहां से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है आइए एक बार इसको फिर से देख के समझ लेते हैं जो विटामिन सी है इसके स्रोत हम लोगों ने देख लिया है इसके प्रमुख कार्य विटामिन सी का कार्य क्या है ऊदकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतर कोशिकी पदार्थ जिसमें क्या है मैट्रिक्स है है कोलेजन तंतु तथा दांतों का डेंटिन इसके निर्माण में महत्वपूर्ण काम किसका होता है बच्चा तो विटामिन सी का काम होता है तो अगर आपके होंठ लिप्स भी फट रहे हो तो फिर विटामिन सी की कमी होती है तो आपको लेना चाहिए आपके दांत अगर खराब हो रहे हो तो बिल्कुल विटामिन सी आपको बढ़ा देना चाहिए जो दांत का छरण होता है बच्चा दांत का छरण होता है तो दांतों का जो क्षरण होता है ये विटामिन सी की कमी के कारण तो इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है लौह अवशोषण में सहायक होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है विटामिन सी के बारे में लौह अवशोषण में सहायक होता है कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन सी लौ अवशोषण में सहायक विटामिन है तो बच्चा याद रखना है विटामिन सी जो होता है वो किस में लौ अवशोषण में सहायक होता है ठीक है जो लौह तत्व तो तो होता है उसके अवशोषण में सहायक होता है यानी जब आप पालक खाते हो पालक में आयरन ज़्यादा होता है जब आप पालक खाते हो या कोई भी ऐसा सब्जी लेते हो जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होता है तो आयरन को अवशोषण करने का काम क्या क्या करता करता है करता है 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 विटामिन सी ठीक इसकी कमी से शरीर में हो हो जाता है बच्चा? हो जाता बच्चा स्कर्वी रोग जिसके प्रभाव से घाव नहीं भरता तो स्कर्वी रोग क्या होता है अगर स्कर्वी रोग किसी को है तो अगर कहीं भी आपको कट जाता है घाव हो जाता है तो लंबे समय तक नहीं भरता तो ऐसे में आपको विटामिन सी लेने की आवश्यकता होती है हम बात करेंगे विटामिन के की विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है फिलोक्वी होता है या फिर इसको थो क्वीनोन भी कहा जाता है किसको विटामिन के के बारे में हम बात कर लेते हैं आगे हम देख लेते हैं के के बारे में इसे रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी एंटी हैमी हेजिक फैक्टर भी कहा जाता है इसका मतलब है कि रुधिर स्राव रोधी पदार्थ होता है इसका अर्थ होता है कि अगर आपके शरीर में कहीं कट जाता है तो जो रुधिर होता है रुधिर के जो बहने की दर होती है उसको कंट्रोल करने का, का काम कौन विटामिन करता है तो के करता है इसकी कमी वाले व्यक्तियों में क्या होता है ऑपरेशन आसानी से नहीं होता क्योंकि इसके कमी से बच्चा क्या होगा कि रुधिर का स्राव ज्यादा होगा क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है बह जाने का डर होता है इसका स्रोत क्या होता है तो हरी पत्तियां होती है अंडा होता है इत्यादि होता है आज के जीवाणुओं द्वारा इसका संश्लेषण किया जाता है तो आंत के जीवाणुओं द्वारा इसका संश्लेषण किया जाता है किसका विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है विटामिन डी का रासायनिक नाम अब हम देख लेते हैं विटामिन डी के बारे में देख लेते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है कैल्सिफेराल होता है क्या होता है बच्चा कैल्सिफेराल किसको कहते हैं विटामिन डी को कहते हैं इसे हार्मोन भी माना जाता है तो कई बार प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है जो हार्मोन है तो विटामिन डी को इसे हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि प्रकाश के उपस्थिति में आपके शरीर में बॉडी के अंदर स्वतः निर्मित होता है इसीलिए इसे, इसे हार्मोन भी कहा जाता है है ठीक आगे बढ़ते हैं इसका निर्माण सूर्य की किरण सूर्य की किरण के प्रभाव से हमारी त्वचा त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है इसके अलावा मक्खन विटामिन जो डी होता है मक्खन यकृत कृत अंडो की जर्दी इत्यादि में भी पाया जाता है इसकी कमी से क्या हो जाता है रिकेट्स सूखा हो जाता है बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में कौन होता है ओस्टियो ओस्टियो मैलिसिया ओस्टियो मैलिसिया नामक रोग हो जाता है तो दो रोग होते हैं अगर किसी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है तो दो रोग होते हैं अगर वो बच्चा है तो उसमें रिकेट्स होता है अगर वो वयस्क व्यक्ति है बड़ा व्यक्ति है तो ओस्टियो नामक रोग हो जाता है आइए आगे बात करेंगे केला बनाना मुजेसी कुल के अंतर्गत आता है तो अगर केला की बात किया जाए तो ये प्रश्न पूछा गया है कि किस कुल के अंतर्गत आता है तो मुजेसी कुल के अंतर्गत आता है यानी इस परिवार का है केला किस परिवार का है मुजेसी परिवार का है इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट तो पाया जाता है किसमें केले में केले में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है प्रचुर मात्रा में इसके अलावा इसमें वशा केले में क्या होता है बच्चा वसा होता है प्रोटीन होता है खनिज लवण या विटामिनस भी पाए जाते हैं केले के एट्टी नाइन किलो कैलोरी सौ ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती थी, है अच्छा ठीक है अगर केले से क्या होता है ये अगर आप केला खाते हो तो डिपेंड करता है ठीक है ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है बाल किरेटिन बाल किरेटिन नामक प्रोटीन का बना होता है अच्छा ठीक है जो बाल होता है जो आपके सर का बाल होता है शरीर में कोई भी रोम होता है बच्चा वो किरेटिन नामक किस प्रोटीन का बना होता है बिल्कुल जानते हैं किरेटिन प्राणियों में नाखून बाकी अगर हम किरेटिन की बात करते हैं तो ये प्राणियों में नाखून है बालों का प्रमुख संचरात्मक घटक होता है ठीक है और ये जो डेथ सेल्स होती हैं उनसे निर्मित होता है टाइरोसिन प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल है टाइरोसिन क्या होता है टाइरोसिन होता है जो प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें उपस्थित अमीनो अम्ल है तो कभी-कभी पूछा जाता है कि टाइरोसिन क्या होता है तो टाइरोसिन अपने आप में क्या है बच्चा अमीनो अम्ल होता है ठीक है तो ये ध्यान में रखना है या मस्तिष्क में एड्रिनल एड्रिन लीन या नोर लीन और डोपामाइन आदि न्यूरो का निर्माण करता है क्या टाइरोसिन टाइरोसिन किसका निर्माण करता है मस्तिष्क में एड्रीनल एड्रिन लीन या फिर नोर एड्रीलिन ये तमाम है या डोपामाइन इन सब का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है टाइरोसिन के द्वारा किया जाता है इससे शरीर सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है इसकी कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है तो बच्चा ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको इब ये लाइन आपको जरूर ध्यान में रखना है कि व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है किस चीज के कमी के कारण बच्चा टायरो टाइरोसिन जो टायरोसिन है टायरोसिन इसकी कमी के कारण व्यक्ति क्या महसूस करता है स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है ठीक है तो बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है पालक के पत्तों अन्य हरी सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है तो बिल्कुल अगला पॉइंट आप ध्यान में रखना है कि पालक के जो पत्ते होते हैं अन्य हरी सब्जियां होती है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है आयरन पाया जाता है अगर किसी में हीमोग्लोबिन की कमी है किसी बच्चे में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसे हरी पत्तेदार सब्जियां पालक वगैरह ज्यादा खाना चाहिए आयरन क्या करता है बच्चा आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है तो आयरन क्या है दोनों को याद रखना है दोनों याद रखना है बच्चे क्या याद रखना है दोनों को याद रखना है कि जो आयरन है वो हिमो ग्लोबिन और साइट्रोक्रोम एंजाइम का क्या है मुख्य घटक होता है तो हीमोग्लोबिन के बारे में तो सभी को पता है लेकिन आपसे क्या पूछ लेगा साइट्रोक्रोम एंजाइम के बारे में पूछ लेगा और ये यूपीपीसीएस द्वारा पूछा गया प्रश्न है लोक सेवा आयोग ने पूछ लिया हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन सब सामान्य बात है लेकिन हीमोग्लोबिन के अंदर की बात है ये साइट्रोक्रोम एंजाइम ठीक है तो बिल्कुल ध्यान में रखना है शरीर में लौह आयरन की कमी होने से रक्तता यानी एनीमिया हो जाती है अगर लोहा की कमी हो जाती है शरीर में बच्चा तो कौन सी बीमारी होती है अरक्तता यानी एनीमिया का आदमी शिकार हो जाता है ज्यादातर ये हमारे जो है जो बच्चियां हैं वे शिकार होती हैं एनीमिया के तो बिल्कुल आपको हरी हरी और पत्तेदार सब्जियां खाने चाहिए ठीक है तथा शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है तो उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी बार बार जुखाम होगा उन्हें विभिन्न प्रकार की शिकायतें बनी रहेंगी तो आयरन बिल्कुल आपको लेना चाहिए और सबसे अच्छा स्रोत मैं बताऊं बच्चे हमेशा हमेशा एक बात रखना फैशन की दुनिया को थोड़ा सा साइड करना है और जब भी घर में सब्जी बनाओ जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं जितनी हमारी प्यार बच्चियाँ हैं मैं एक ही बात कहूँगा घर में जब भी सब्जी बनाओ तो लोहे के कढ़ाई में लोहे की कढ़ाई में अगर आप सब्जी बनाते हो बच्चा और उस सब्जी को खाते हो तो आपको अलग से आयरन लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती लोहे की कढ़ाई में पर्याप्त मात्रा में आपके सब्जी में आयरन क्या होता है घुल जाता है ठीक है दूध में केसिन केसिन नामक के प्रोटीन उपस्थित होता है तो दूध दूध है जो केसिन है केसिन अपने नाम प्रोटीन है कहाँ उपस्थित होता है दूध में जिसके कारण दूध क्या है दूध का रंग सफेद होता है तो दूध का रंग कैसे होता है बच्चा सफेद होता है किसके कारण दूध में उपस्थित एक प्रोटीन होता है उसका नाम है केसिन केसिन के प्रेजेंट के कारण ही यह सफेद होता है गाय के दूध की अगर हम बात करें इसका हल्का पीला रंग कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है ना तो पीला रंग जो गाय का दूध होता है वो हल्का पीला होता है तो हल्का पीला जो पन आता है वो किस प्रोटीन के कारण होता है तो कैरोटीन के उपस्थित के कारण होता है दूध में वसा है खनिज लवण है लेक्टोस विटामिन इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं बस याद रखना है आपको बच्चा कि जो दूध है इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता दूध में क्या नहीं पाया जाता बच्चा आयरन नहीं पाया जाता विटामिन सी नहीं पाया जाता बिल्कुल ध्यान में रखना ठीक है दूध में नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है है तो जो है, एक प्रोटीन है किसमें पाया जाता है तो दूध में पाया जाता है दुग्ध प्रोटीन को पचाने का एंजाइम रेनिन होता है अगर जो दूध में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसको पचाने का काम क्या करता है रेनिन द्वारा होता है रेनिन अपने आप में एक एंजाइम है यह दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसिन को कैसिन को ठोस एवं घुलनशील कैल्शियम पैरा कैसी नेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है तो जो प्रोटीन है क्या होता है बच्चा प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है ठीक है बिल्कुल ये लाइन याद रखना इसका गठन किसकी बात की जा रही है प्रोटीन की बात की जा रही है क्या होता है बच्चा प्रोटीन की बात की जा रही है देखो प्रोटीन क्या होता है तो एक नाइट्रोजन युक्त तो कार्बनिक पदार्थ होता है आगे हम देख लेते हैं इसका गठन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तत्वों से तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है तो कार्बन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, है उसके बाद सल्फर है ठीक है तो ये मुख्य तत्व होते हैं अमीनो अम्ल की बात कर लेते हैं बच्चा अमीनो अम्ल इनकी संयोजक संयोजक इकाइयां एवं एकलक होते हैं तो बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है ठीक होता है uh, मोनोमर्स होते हैं होते हैं ये त्वचा मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है किसकी बात की जा रही है प्रोटीन की अमीनो अम्ल मतलब प्रोटीन ही होता है बच्चा अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन की ही एक इकाई होती है अब प्रोटीन त्वचा मांसपेशी हड्डियों के विकास के लिए प्रोटीन हमें आवश्यक हो जाता है जब कोई भी व्यक्ति अगर एक्सरसाइज करता है तो कहा जाता है कि उसे प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि जब एक्सरसाइज के दौरान या योगा के दौरान आपकी जो मांसपेशियां होती है उसमें क्रैम्प बनते हैं और उनको भरने के लिए प्रोटीन आवश्यक हो जाता है कुछ और बातें कर लेते हैं जो आपके है, और हार्मोन की बात करेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है हरिओम है? पांडे जी आ, आप दिल से स्वागत शुक्रिया मेरे, मेरे प्यारे साथी शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चे पूरे यूट्यूब पर आपसे दमदार कंटेंट कोई नहीं पढ़ा था शुक्रिया बच्चा मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है बच्चा मैं आपसे बता दूं एक ही उद्देश्य है और वो ये है आपका सिलेक्शन क्योंकि मुझे भी तो बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे मैं चाहता हूं कि आप सिलेक्ट होइए और मैं आप सभी बच्चों को दिल्ली बुलाऊं और मैं इस मंच पे सभी के सामने मैं आपका सम्मान कर सकूँ और मैं ये कह सकूँ हर्ष के साथ कि हमारे प्यारे बच्चे हैं हमारे संस्थान से जुड़े हैं क्रिडोज परिवार के सदस्य हैं और आज ये इस ऊंचाइयों पे है या सचिवालय में है ठीक है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप सेलेक्ट होके आओगे ठीक है आज आगे देख लेते हैं बढ़ा देंगे बच्चा बीओ पढ़ा देंगे वैकेंसी तो दो <laughs> मैं कुकर में सब्जी बनाता बच्चा कुकर में सब्जी बनाते हो कोई बात नहीं है जो बच्चे होते हैं वो कुकर में ही सब्जी बनाते हैं स्टूडेंट लाइफ में तो मैं बता दूं एक छोटी सी कहानी अपने जीवन से जुड़ी जब मैं लॉ कर रहा था मैं मेरे प्यार बच्चे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एल एल बी एल एल एम हूँ तो जब मैं लॉ कर रहा था उस दौरान मैं इलाहाबाद में था तो जब इलाहाबाद में था तो इलाहाबाद में बहुत ही एक बात फेमस है एक कुकर होता है कुकर के अंदर दाल रखेंगे दाल में आलू डालेंगे और उसी में एक छोटा सा जो है लोटा होता है लोटा उसके अंदर चावल डालेंगे और कुकर को ढक देंगे तो दाल चावल और आलू एक साथ पक जाता है और टमाटर भी उसी के अंदर डालेंगे फिर टमाटर को निकाल के आलू को निकाल के छील के चोखा बना लेंगे तो दाल चावल चोखा एक साथ पक जाता था बच्चा ये फेवरेट यानी पसंदीदा खाना यही था आराम से कुछ कोई झंझट नहीं होता था इसमें बच्चा मैं बता दूंगा आपको चिकू बच्चा मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम हॉल के जो प्रेशर होते हैं उसको कैसे आपको मेंटेन करना है कैसे डील करना है मैं ये सारी चीज़ें जितना जल्दी होगा मैं फिनिश करूंगा और तमाम बातों पे मैं डिस्कस करूंगा जितनी भी स्ट्रेटजी होगी एग्जाम हॉल के प्रेशर को कैसे आपको टैकल करना है आप एग्ज़ाम के दौरान आपको अपने आप को कैसे प्रजेंट करने की ज़रूरत है आपको निगेटिव मार्किंग से किस प्रकार बचना है आपको मैक्सिमम तुक्का के माध्यम से जैसे क्या होता है बच्चा दुनिया में तुक्का बिल्कुल बुरा नहीं होता तुक्का लोगों को निगेटिव लगता है लेकिन मैं एक चीज बता दू, बिना तुक्के का का किसी सिलेक्शन होता ही नहीं बच्चा जिस बच्चे का जितना आपको आ रहा है, जब आपके दस होता है तो इसको लेके एकदम निश्चिंत रहना इस पर भी हम डिस्कस करेंगे बताऊंगा कि कैसे आपको जितना प्रश्न आता है उससे दस क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कैसे करके आओगे ठीक है आ जाओ पहले यहां देख लेते हैं अंतर स्रावी ग्रंथिया एवं हार्मोन्स की हम बात कर लेते हैं अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथ है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे कि निम्नलिखित में से एक मिश्रित ग्रंथि कौन है तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि कही जाती है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है आगे हम देख लेते हैं इसके पाचक एंजाइम किसकी बात की जा रही है अग्नाशय की बात किसकी बात की जा रही है बच्चा अग्नाशय की बात की जा रही है तो आपको ध्यान में रखना है ठीक है अग्नाशय की बात की जा रही है ठीक है अग्नाशय इस इससे पाचक एंजाइम तथा इसकी लेंगर की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन क्या होता है बता लेंगर की द्वीपिका ये भी आपको याद रखना है बीटा कोशिका भी आपको दे ध्यान में रखना है इससे क्या होता है इंसुलिन इंसुलिन अल्फा अल्फा कोशिकाओं से क्या निकलता है बच्चा तो जो बीटा कोशिकाएं होती हैं इससे इंसुलिन होता है अल्फा कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागान होता है तो डेल्टा कोशिकाओं से बच्चा अग्नाशय से बहुत सारे क्या निकलते हैं एंजाइम निकलते हैं जिनमें लेंगर यानी जिसे बीटा कोशिका कहा जाता है इससे क्या निकलता है इंसुलिन निकलता है जब इंसुलिन की कमी हो जाती है इसका श्राव होना कम होता है तो ऐसे लोगों को

कहाँ से उत्सर्जित होता है श्रावित होता है तो अग्नाशय अग्नाशय में कहाँ से बच्चा लैंगर हंस की दीपिका यानी बीटा कोशिका से होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना होता है इसका जो स्रोत होता है डहेलिया डहेलिया की जड़े जो इसका स्रोत होता है इंसुलिन एंड डहेलिया की जो जड़े होती हैं तथा अग्नाशय की बीटा कोशिका होती है तो जो इंसुलिन होता है जो डहेलिया एक पौधा होता है बच्चा उसकी जड़ों से अगर उसकी जड़ों को लिया जाए तो वो इंसुलिन का जो है बॉडी में श्रावण करती है निर्माण करती है और बाकी बीटा कोशिकाएं करती है इसकी कमी से शरीर में क्या होता है मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है तो डायबिटीज नामक एक रोग हो जाता है मधुमेह हो जाता है इसकी अधिकता से रुधिर में क्या होता है इसकी अधिकता से रुधिर में क्या होता है ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है तो इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है और उदक में क्या हो जाता है उदकमेह वाले व्यक्ति को प्रायः बहुत प्यास लगती है क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है तो दो होता है बच्चा तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है तो एक तो उधक में होता है डायबिटीज इंस्पीडस होता है और एक क्या होता है बच्चा एक होता है आपका मधुमेह मिलीटस होता है तो एक तो डायबिटीज मिलीटस होता है यह इसकी कमी के कारण होता है इसमें जो शर्करा होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और दूसरे में क्या होता है बच्चा दूसरे में आपका जल जो है शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है जल की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा प्यास लगेगी इसको हम उदक में कहते हैं यानी डायबिटीज इंस्पीडस कहते हैं आगे देख लेते हैं इसके उपचार हेतु तो कृत्रिम कृत्रिम एडीएच का उपयोग करते हैं जिसे पिट्रेशन कहते हैं अगर आपको इसका उपचार करना है बच्चा तो इसमें जो चीजें होती है उसको एडीएच यानी इसको क्या कहते हैं इसको पिट्रेशन भी कहा जाता है पित्त की हम बात कर लेते हैं पित्त का श्रावण कहां से होता है बच्चा तो यकृत से होता है तो पित्त का श्रावण कहां से होता है यकृत से होता है किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय में होता है तो जिसे हम गाल ब्लेडर कहते हैं तो ये जो पित्त होता है बच्चा एक पीला जो है पदार्थ होता है इसका उत्पादन यकृत से किया जाता है और जस्ट जस्ट यकृत के ऊपर क्या होता है पित्ताशय होता है और पित्ताशय में इसका संचय किया जाता है ठीक है तो ये तमाम बातें हमने देख लिया पीयूष ग्रंथ की बात कर लेते हैं पीयूष ग्रंथ या प्यूटिट्रिक ग्लांट कहते हैं शरीर की इसी ही मास्टर कहा जाता है होता है है पीयूष होता होता बच्चा आपके मस्तिष्क में लेफ्ट साइड तो इसे ही मास्टर ग्रंथ कहा जाता है शरीर के समस्त ग्रंथियों को संचालित करता है तो हमारे शरीर में जितना अंत श्रावी ग्रंथियां हैं उसको संचालित करता है कौन सा उसको पीयूष ग्रंथ यानी मास्टर ग्रंथी उसको संचालित करती है यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है कौन सी पीयूष ग्रंथ अगर हम पीयूष ग्रंथ की बात करें पीयूष पीयूष ग्रंथ की बात करें बच्चा तो पीयूष ग्रंथ मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है हाइपो हाइपोफाइसिस हाइपो हाइपोफाइसिस से हाइपो, हाइपो भी कहते हैं इसी को सेरी भी कहते हैं तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे किसे ग्रंथि को कहा जाता है, है तो तो इसको क्या कहते हैं पैरावटू ग्रंथियां ये क्या होता है ये भ्रूण के एंडोडर्म से उत्पन्न ग्रंथी होती है जो भ्रूण होता है उसके एंडोडर्म से उत्पन्न ग्रंथि है प्यूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है तो जो ये पैरा

थायराइड ग्रंथ अगर हम थायराइड ग्रंथ की बात कर लेते हैं थायराइड जो ग्रंथ होती है बच्चा इसके द्वारा थायराक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है तो कई बार पूछा जाता है कई बार पूछा जाता है कि थायराक्सिन नामक हार्मोन जो है किसके द्वारा तो स्रावित किया जाता है तो ये थायराइड ग्रंथ के द्वारा किया जाता है कहाँ पे होता है आपके गले के पास में होता है इसकी कमी से जड़ मानवता मिक्सीडेमा हाशी, मोतो रोग या सामान्य घेगा आदि रोग उत्पन्न हो जाता है तो ज्यादातर घेगा के बारे में पूछता है कि जो घेगा रोग है बच्चा किसके कमी के होता है तो ये जो है थायराइड ग्रंथ यानी थान हार्मोन की कमी के कारण होता है इसके बाद आगे देख लेते हैं जो आयोडीन ज्यादातर आयोडीन को किया जाता है इसकी कमी से ये तमाम ये भी ध्यान में रख लेना बच्चा ठीक है आगे देख लेते हैं एंड्री नेलिन या एपी नेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है एड्री नेलिन या एपी नेफ्रिन तो ये आपको ध्यान में रखना है ये हार्मोन कहाँ से होता है तो एड्रिनल मे, मेंडूला से ये श्रावित होता है बच्चा इसे लड़ो या उड़ो लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है तो लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं एड्रीनलिन को लड़ो या उड़ो यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है यह संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग करता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है अगर आप संकट काल में हो या विशेष परिस्थितियां हैं आपके सामने अचानक अगर आ, मान लीजिए कि आपके सामने वह व्यक्ति अचानक आ जाए जिससे आप डरते हो जिससे आप डरते हो अचानक वह व्यक्ति आ जाए या कोई भी जीव जंत तो ऐसी परिस्थितियों में आपका डिसीजन लेने के लिए क्या है एड्री ग्रंथ जो हार्मोन्स होते हैं वो काम करते हैं क्योंकि इसका नाम है लड़ो या उड़ो लड़ लो या भाग जाओ इसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि अथवा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है तो हृदय गति में वृद्धि या शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है आपने देखा होगा कि जब अचानक हमारे सामने कोई ऐसी बात आ रही है बहुत ज्यादा आप गुस्से में होते हो या कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जब आपको डर होता है किसी चीज का तो आपकी धड़कने तेज हो जाती हैं या फिर आप, आपका शरीर में क्या होता है उत्तेजना पैदा हो जाती है तो ये इसके पीछे रीजन क्या है एड्रीनेलिन ठीक है मस्तिष्क में हाइपोथेलेमस हाइपोथेलेमस की बात कर लेते हैं ये अलग पॉइंट है ये कहाँ पे हाइपोथेलेमस कहा होता है बच्चा तो मस्तिष्क में होता है ये किसके लिए भूख है प्यास है प्यार है घृणा है रक्तदाब है जल के जल के उपापचय है पसीना है गुस्सा है ताप नियंत्रण आदि का केंद्र बिंदु कौन होता है बच्चा तो ये हाइपोथेलेमस ही कंट्रोल करता है केंद्र बिंदु होता है सेंटर पॉइंट होता है मस्तिष्क में होता है किसके लिए भूख प्यास प्यार घृणा सब कुछ के लिए जिम्मेदार होता है हाइपोथेलेमस ठीक है तो हाइपोथेलेमस इंपॉर्टेंट होता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है आगे देख लेते हैं यह अंत श्राविक ग्रंथियों से श्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है तो बिल्कुल कौन हाइपोथेलेमस की बात की जा रही है तो ये जो अंतरावी ग्रंथियां हैं उनसे श्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित भी करता है एस्ट्रोजन एक हार्मोन है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है एस्ट्रोजन क्या होता है बच्चा एक हार्मोन होता है प्रमुख एस्ट्रोजन जो प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेटियाल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है तो एस्ट्रोजन किस में इसे भी कहते हैं यह ध्यान में रखना है इसे नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है तो एस्ट्रोजन कहा होता है महिलाओं में पाया जाता है एस्ट्रोजन इसका उत्पादन स्त्रियों इस में स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुलिकटाओं की थीका इंटररच की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर रजोनिवृत्त की आयु लगभग 45 से बावन वर्ष तक होता है तो आपको ध्यान में रखना है सिर्फ ये एस्ट्रोजन जो होता है बच्चा वो महिलाओं में होता है महिलाओं का स्पेशली हार्मोन्स होता है तो ठीक है इसको और क्या कहते हैं स्टेटियाल भी कहा जाता है और ये महिलाओं में कहाँ से होता है बच्चा तो अंडाशय की ग्राफिक पुटिकाओं यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है पैंतालीस से बावन वर्ष तक लगभग मैक्सिमम होता है यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है तो ये मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं बच्चे तो मादा के अंदर एक प्राथमिक होते हैं द्वितीयक होते हैं तो जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उसके लिए जिम्मेदार जो कौन सा हार्मोन है एस्ट्रोजन है तो जिन 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 स्त्रियों में जो सेकंड द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण होते हैं बच्चे वो उनकी जो उनके विकास की कमी किसके कारण होता है इसी के कारण होता है एस्ट्रोजन के कारण होता है सेमेट्रोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का शरीर से संबंध वृद्धि से है तो ये थोड़ा सा अलग है इसको ध्यान में रखना है बच्चा इसको सेमेट्रोट्रोपिन ये वृद्धि हार्मोन कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है तो वृद्धि हार्मोन तो पूछा जाता है कि वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है तो सेमेट्रोट्रोपिन ये वृद्धि हारमोन होता है इसकी अधिकता में क्या होता है कि अगर सेमेट्रोट्रोपिन अधिक हो जाए तो भीम का शरीर हो जाता है और अगर इसकी कमी से क्या हो जाता बच्चा अगर इसकी कमी हो जाए तो बौनापन आ जाता है है. क्या हो जाता है बौनापन आ जाता है किसकी बात चल रही है सेमेट्रोट्रोपिन की बात चल रही है इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं अधिकता से भीम का शरीर हो जाता है और कमी से बौनापन हो जाता है एड्रिनल कार्टेक्स से कार्टिशोल नामक महत्वपूर्ण हार्मोन है। तो से श्रावित होता है इसे हाइड्रोकार्टिशोन भी कहा जाता है तो कार्टिशोल एक जो है हार्मोन है यह किससे श्रावित होता है तो एड्रीनल कार्टेक्स से होता है इसका यकृत में इसका यकृत में उपचयी एना प्रभाव होता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है एथिलीन एक पादप एथिलीन की हम बात कर लेते हैं बच्चा तो एथिलीन कैसा है एक पादप हार्मोन है यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है जो कि गैसी अवस्था में पाया जाता है ठीक है तो फलों को उसके बाद फलों को से पकाने में या अधिक सुरक्षित तो तो प्रकार का गैस होता है, और एक किस्ट में किस्ट का होता है तो यह पादप पादप हार्मोन होता है और इसका मुख्य काम क्या होता है फलों को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आगे देख लेते हैं ठीक है चीटियों द्वारा काटे जाने पर शरीर में फार्मिक अम्ल अंत छपेड़ अंत क्षेपण होता है जिससे चुनचुनाहट का आभास होता है तो हमने देखा है तो चीटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चा तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है जब चीटियां खाते हैं तो आपके काटती है तो आपके शरीर में चुनचुनाहट यानी हल्का फुल्का जो है सूजन आ जाता है फार्मिक अम्ल क्या होता है एक कार्बनिक यौगिक होता है तो जो फार्मिक अम्ल होता है बच्चा एक क्या है एक, एक कार्बनिक यौगिक होता है वेल क्या होती है एक स्तनधारी जीव जंत होती है तो जो वेल होती है वो कैसा होती है बच्चा तो स्तनधारी होती है बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर ब्लबर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, वेल की बात की जा रही है। गिनी कृमि क्या होते हैं एक सूत्र कृमि होते हैं तो गिनी कृपी कृमि आपस में क्या है बच्चे तो एक सूत्र कृमि होते हैं आगे देख लेते हैं इसका वैज्ञानिक नाम ड्रेकन कुलश uh, मेडिनेसिस होता है तो इसका वैज्ञानिक कि नाम किसका की की बात की जा रही है उसका वैज्ञानिक नाम ड्रेकन कुलश uh, होता है यह मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्त्रियों का परजीवी होता है किसकी बात की जा रही है परजीवी होता है ना तो परजीवी होता है किसकी बात की जा रही है बच्चा इसकी बात की जा रही है गिनी क्रिमी की बात की जा रही है ठीक है तो होता है इसके संक्रमण से शरीर में दमा उल्टी खुजलाहट योशिनोफीलिया इत्यादि के लक्षण प्रकट हो जाते हैं किसकी बात की जा रही है ग्रीनी किमी की बात की जा रही है अगर बच्चा इसके अगर ये आपके शरीर में आता है तो आपको दमा उल्टी खुजलाहट ये तमाम चीज़ें दिक्कत पैदा कर सकता है अमर बेल की बात कर लेते हैं अमरबेल की बात कर लेते हैं अमरबेल क्या होता है बच्चा एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है पूर्ण स्तंभ परजीवी है अमर बेल, पौधा होता है तो अमरबेल क्या होता है बच्चा इसका अपना कोई जड़ किसी किसी पे, किसी किसी फैलता है और उस वृक्ष के माध्यम से अपना भोजन क्या करता है ग्रहण करता है इसीलिए इसे क्या कहा जा है परजीवी कहा गया है अमरबेल क्या होता है परजीवी होता है यानी जो दूसरे पे अपने जीवन के लिए निर्भर हो उसे हम क्या कहते हैं परजीवी कहते हैं इसका तना पोषक इसका जो तना होता है अमरबेल का जो तना होता है बच्चा वो पोषक पोषक के चारों ओर लिपट कर परजीवी मूल द्वारा भोजन खनिज लवण जल ये सब कुछ क्या करता है प्राप्त कर लेता है ठीक है कोको में क्या बात कर देते हैं अगर हम कोको की बात करें इसमें बीजों द्वारा प्रवर्धन होता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है ठीक है शीर्ष द्वारा प्रवर्धन होता है इनके बीजों को नर्सरी में उगाने के पश्चात मृदा मृदा में चार फीट की दूरी पर प्रत्यारोपित किया जाता है किसकी बात की जा रही कोको की बात किया बोगेन कार्नेशन तथा अंगूर के पादब में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है अच्छा ठीक है इसका मतलब यह हो रहा है इसमें कह रहा है कि बोगेन है कार्नेशस है या अंगूर अंगूर के जो पौधे होते हैं इसमें स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है यानी आप बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको बीच से काट के उसको जो है नए पौधे बनाए जाते हैं इस तरह की बातें की जा रही है इसमें ठीक है आगे देख लेते हैं जो बीटा कपास के उत्पादन से है, एक जीवाणु ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीटा कपास बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित एमाइलेज होता है बच्चा क्या होता है एमाइलेज होता है तो स्टार्च स्टार्च से ग्लूकोज जो बनाता है क्या बनाता है एमाइलेज होता है एमाइलेज पाया जाता है बच्चा हमारे लार में पाया जाता है और कहा पाया जाता है अग्नाशय में पाया जाता है तो एमाइलेज

नीचे का भाग होता है प्यार और नफरत दोनों साथ साथ होते हैं दोनों को अलग नहीं किया जा सकता प्यार और नफरत को अलग नहीं किया जा सकता ठीक है तो प्यार प्यार की जो प्यार का जो का जितना ऊंचा होगा नफरत की जड़ें उतनी गहरी भी होती हैं तो प्यार और नफरत दोनों का बहुत ही गहरा रिश्ता है आ जाओ हम हम लोगों की दिक्कत पता है क्या

लवर्स के रूप में हो किसी रूप में अगर आपका जीवन है संबंध है तो जितना त्याग सामने वाला करता है उतना ही त्याग आप करने के लिए प्रॉपर तैयार रहना चाहिए जितना कंप्रोमाइज जो करे उतना ही कंप्रोमाइज आपको भी करना चाहिए एक छोटी सी बात है हमारे जो माता पिता होते हैं कोई भी रिश्ता हो चाहे दोस्त का हो प्रेमी का हो लवर्स का हो पत्नी का हो कोई भी रिश्ता हो हम ये सोचते हैं कि हमें प्रेम मिले नफरत ना मिले लेकिन बच्चा जरा ये सोचो कि अगर माता पिता का प्यार आपका है तो उनका गुस्सा और नफरत भी तो आपका है तो बिल्कुल इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि जो हमारे रिश्ते हैं अगर वहां से हमें प्रेम मिल रहा है अगर प्रेम उनका प्यार हमारा है तो उनका गुस्सा और उनका नफरत भी क्या है हमारा ही है तो झेलने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए लिट्टी चोखा <laughs> बहुत पसंद है बहुत पसंद है लिट्टी चोखा और मैं आपसे बता दूं बच्चा बहुत ही पसंद है और एक बहुत अच्छा डिश है बाटी चोखा कहते हैं लिट्टी चोखा कहते हैं बहुत ही अच्छा भी लगता है यस सर हंड्रेड टके की बात की जी 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 मेरे प्यारे शांति बिल्कुल सही बात है सर लवर्स का बताएं पिटोगी मुझसे लवर्स का बताएं कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी प्रेमिका है या प्रेमी है तो अगर वो आप पे गुस्सा करती है अगर उसका प्यार आपका है तो नफरत भी आपकी है अगर उसकी मुस्कुराहट आपकी है तो उसका नाराज होना उसका गुस्सा होना उसका चिल्लाना भी आपका है तो बच्चा सबसे पहले जरूरी है प्यार करने से पहले जरूरी है ये चीज सीख लेना कि हाँ क्या सीख लेना कि दोनों चीजें हमारी हैं प्यार भी हमारा है गुस्सा भी हमारा है ठीक है तो चाहे वो माँ बाप हो भाई बहन हो दोस्त हो पत्नी हो पति हो कोई भी हो किसी रूप में हो ठीक है और सारी समस्या का एक ही निदान है स्वीकार कर लेना सारी समस्या का क्या है एक ही निदान है स्वीकार कर लेना ठीक है आज आगे देखते हैं

प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ परजीवी परजीवी से से होता है प्लाज्मोडियम नामक एक आपको ध्यान में रखना है किसकी बात? मलेरिया की बात हो रही है इससे प्रभावित मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है बच्चा क्या होता है प्लीहा होता है तो मलेरिया से प्रभावित अंग होने वाला प्लीहा है इस रोग के उपचार है तो क्लोरोक्विन क्लोरोक्विन की बात करते हैं क्लोरोक्विन की बात करते हैं कामाक्विन या इत्यादि औषधियों का प्रयोग किया जाता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कोरोना में क्लो क्लोरोक्विन बहुत तेजी से लोग खा रहे थे इसको ये दवाई है तो क्लोरोक्विन है तो ये मलेरिया के निदान में तो मलेरिया से संबंधित कुछ बातें सीख लेते हैं एक तो मलेरिया किसने पता लगाया कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ परजीवी है तो सर रोनाल्ड राश ने लगाया मलेरिया क्या होता है बच्चा मलेरिया का जो वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर होता है किस अंग को प्रभावित करता है तो प्लीहा को प्रभावित करता है इसकी कौन सी अच्छी दवा है तो क्लोरोक्विन एक अच्छी दवा है सबसे प्रचलित अब डेंगू की बात कर लेते हैं डेंगू क्यूलेक्स फैटी तथा एडीज एजिप्टाइट नामक मच्छर द्वारा फैलाया जाता है क्या डेंगू तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना तो क्यूलेक्स यानी फैटी गेंस या फिर एडीज एडीज का आपको ध्यान में रखना है एडीज एजिप्टाइट मच्छर द्वारा फैलाया जाता है इसमें तेज किस में डेंगू की बात की जा रही है डेंगू में क्या होता है बच्चा तो अगर ज्वर है, है, है तो आप जान लीजिए आपको क्या हो गया डेंगू हो चुका है इसे हड्डी तोड़ ज्वर भी कहा जाता है इससे पीड़ित रोगी के रक्त में रक्त में क्या होता है बच्चा प्लेट्स की संख्या कम हो जाती है तो रक्त में जो प्लेटें होती है उनकी संख्या में क्या होता है कमी आ जाता है प्लाज्मोडियम एक द्विपोषदी जंतु होता है प्लाज्मोडियम की बात की गई है क्या होता है एक द्विपोषदी जंतु होता है इसका जीवन चक्र दो पोषक मनुष्य तथा मादा एनाफिलीज में पूरा हो जाता है तो मनुष्य और जो है मादा जो होता है एनाफिलीज मच्छर होता है उसमें पूरा होता है यह मलेरिया नामक रोग का एक महत्वपूर्ण कारक है कौन प्लाज्मोडियम की बात की जा रही है बीएमडी परीक्षण आस्टियो आस्टियो रो रोग यानी हस्तरता की पहचान के लिए किया जाता है तो बीएमडी परीक्षण पूछ लेता है बीएमडी परीक्षण का संबंध किससे है तो हस्त से संबंधित रोग से होता है मतलब जो हड्डियों से संबंधित रोग है इसको आस्टियो रोग से

तो आपका क्लास्टिडियम बाटूलिनम नामक एक जीवाणु होता है बैक्टीरिया होता है जिसके कारण आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो कभी भी जो भोजन होता है खाना होता है बच्चा चार घंटे के बाद उस खाने को नहीं खाना चाहिए चार घंटे के बाद अगर कोई खाना ताजा बना है अगर चार घंटे से ऊपर हो जाए तो ऐसे खाने को आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए ठीक है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है इटाई रोग की अगर हम बात करते हैं बच्चा इटाई रोग कैडियम की विषाक्तता से होता है तो कैडियम के कारण क्या होता है इटाई इटाई रोग हो जाता है सर्वप्रथम यह रोग किसकी बात की, की जा रही है इटाई रोग कैडियम के कारण होता है कैडियम एक प्रकार का क्या होता है पदार्थ होता है बच्चा सर्वप्रथम यह रोग कहा जापान के टोयामा प्रांत जापान के प्रांत में देखा गया था खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडियम के विमोचन से यह रोग फैल जाता है तो जो खनन होता है खनन के दौरान बहुत सारे जो मिनरल्स निकाले जाते हैं उसके दौरान ये कैडियम कहां जाता है जल में जल के माध्यम से कहां पहुंच जाता है बच्चा जल के माध्यम से मछलियों के पेट में जाता है और जब मछलियां इस कैडियम से प्रभावित होती हैं खा लेती हैं तो उनमें इसका क्या होता है सकेन्द्र बढ़ जाता है और जब मछली को मनुष्य खा लेता है तो मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है तो इटाई इटाई रोग हो जाता है ठीक है आगे देख लेते हैं फेनिल फेनिल किटोन्यूरिया एक प्रकार का वंशागत रोग होता है तो कई बार पूछता है कि कौन सा रोग कैसा है तो वंशानुगत रोग क्या है बच्चा फेनी फेनिल किटोन्यूरिया कैसा है वंशानुगत रोग है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है इससे प्रभावित व्यक्ति इससे प्रभावित व्यक्ति का शरीर फेनिल इलाइनिन फेनिल इलाइनिन नामक एमिनो अम्ल को तोड़ने में सक्षम नहीं होता है तो बिल्कुल ये ध्यान में रखना है आगे देख लेते हैं डीपीटी वैक्सीन डीपीटी वैक्सीन की अगर हम बात कर लेते हैं बच्चा तो ये डिप्थीरिया है काली खांसी है और यानी कुकुर खांसी जिसे कहते हैं और तीसरी बात हम करते हैं टिटनस की टिटनस से बचाव हेतु होता है तो डीपीटी जो वैक्सीन होती है डीपीटी वैक्सीन इसका संबंध तीन रोगों से है डिप्थीरिया काली खांसी और टिटनस ये तीनों रोग जीवाणु जनुते है जीवाणु मतलब वैक्टेरियल है तो चाहे बच्चा डिप्थीरिया हो चाहे काली खांसी हो या टिटनस हो ये कैसा है वैक्टेरियल होता है जीवाणु जन्य होता है ठीक है जो कि क्रमशः कोरिने कोरिनी बैक्टीरियम डिपथी तो आपको बताना है बच्चा कि जो डिप्थीरिया रोग होता है वो किस से होता है कोरिनी बैक्टीरियम तो आपको ये ध्यान में रखना है बैक्टीरियम और उसके बाद हम हिमोफिलस पर्ट्यूसिस माइको बैक्टेरियम टिटेनी द्वारा होता है तो so, दूसरा जो होता है जो काली खांसी होता है बच्चा काली खांसी के लिए जिम्मेदार कौन होता है हीमोफिलस हीमोफिलस पर्ट्यूसिस काली खांसी के लिए जिम्मेदार होता है और टिटनेस के लिए क्या कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है माइको माइको बैक्टेरियम माइको बैक्टेरियम किसके लिए टिटनेस के लिए, लिए जिम्मेदार होता है एक बार फिर से देख लेते हैं डिप्थीरिया के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है कोरनी बैक्टेरियम जिम्मेदार होता है काली खांसी के लिए कौन जिम्मेदार होता है बच्चा तो हिमोफिलस पर ट्यूसिस जिम्मेदार होता है और टिटनस के लिए कौन बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है तो माइको बैक्टेरियम इसके लिए जिम्मेदार होता है ठीक है बीसीजी टीका की बात कर लेते हैं बीसीजी का टीका तपेदिक से बचाव है तो शिशु जन्म के तुरंत बाद लगा जा, लगाया जाता है तपेदिक का मतलब होता है टीबी ट्यूबर किलोशिश तो टीबी से बचाव के लिए जो बच्चा होता है उसके जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगता है बच्चा उसका नाम है बीसीजी बीसीजी टीका लगता है जन्म के तुरंत बाद और ये किससे संबंधित है तपेदिक से संबंधित है ठीक है तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे या कंडमाला एक विषाणु जनित रोग होता है तो कई बार पूछता है कंडमाला कैसा रोग है बच्चा तो जनित कैसा है तो वायरस वायरस से संबंधित है तो मम्स या कंडमाला एक जनित रोग होता है इसमें पैरोटिक ग्रंथि कष्टदायक रूप में बड़ी हो जाती है तो जो अगर किसी भी व्यक्ति को कंडमाला हो गया है रोग तो उसमें पैरोटिक जो ग्रंथि होती है उसमें आ, कष्टदायक रूप से वो बड़ी हो जाती है तो उसका आकार बड़ा हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात कर लेते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है ब्लू बेबी सिंड्रोम से बच्चे प्रभावित होते हैं एक तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चा होता है यह में नाइट्रेट की अधिकता से होता है तो पूछा जाता है कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है किसके वृद्धि के कारण हो जाता है किसकी अधिकता के कारण हो जाता है तो नाइट्रेट नाइट्रेट क्या होता है बच्चा नाइट्रोजन का एक अगला रूप होता है नाइट्रेट तो नाइट्रेट के अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम

अल्जाइमर की बात कर लेते हैं बच्चा अल्जाइमर कैसा रोग होता है अगर अल्जाइमर की बात करते हैं रोग से मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है क्या प्रभावित करता है अल्जाइमर किसको प्रभावित करता है तो यह मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक रोग होता है इसमें याददाश्त धीरे धीरे कम हो जाती है इसमें मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है अधिकांशतः यह रोग मनुष्य में अड़तालीस से पैंसठ वर्ष के बाद होता है पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने किया है तो अगला पॉइंट देख लेते हैं पोलियो के टीका की बात कर लेते हैं इसकी खोज सर्वप्रथम जोनासाल ने वर्ष उन्नीस ने पोलियो के टीके की खोज की थी बच्चा यह रोग यह पोलियो द्वारा होता है तो जो पोलियो बीमारी है वह कैसा है वायरस जनित रोग होता है वायरस इससे प्रभावित होता है बच्चा पूछता है तो तंत्रिका तंत्र होता है जिसको पोलियो मार देता है तो शाटिका इसको बहुत ही सामान्य भाषा में कहते हैं तो उसके किसी न किसी अंग में दिक्कत पैदा हो जाती है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है या बच्चों में होने वाले घातक रोग हैं इससे ये विकलांग भी हो जाते हैं ठीक है एथलीट yeah. फूड की अगर हम बात कर लेते हैं एक अन्य बीमारी है एथलीट फूड नामक बीमारी ट्राइकोफाइटोन नामक फूद से होता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है ट्राइको ट्राइकोफाइटोन नामक क्या होता है फफूद होता है उससे बीमारी होती है ये ट्राइकोफाइट तो दो तरह से ध्यान में रखना बच्चे एक तो एथलीट जो फूद बीमारी है वो किससे होती है फफूद से होती है तो बिल्कुल एक बात आप ध्यान में रखना है और दूसरा एक इस फफूद का क्या नाम है ट्राइकोफाइटोन रेनो वायरस रेनो वायरस की बात कर लेते हैं पेथोजीन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है तो जो रेनो वायरस होता है वायरस सामान्य जुकाम के लिए होता है तो जो आपको सामान्य तरीके से जो जुकाम होता है जो सर्दी होती है उसके लिए कौन सा जिम्मेदार होता है तो रेनो वायरस पेथोजिन जिम्मेदार होता है यानी ये कैसा होता है बच्चा वायरस होता है कभी आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को जुकाम हुआ हो और अगर आप उसके संपर्क में आ जाते हो आप उसके संपर्क में आ जाते हो तो आपको भी

बहुत सारे होते हैं तो ये बी जो होता है ए बी सी हेपेटाइटिस होता है खतरनाक होता है बीमारी तो डीएनए वायरस होते हैं यानी जो होते हैं इससे यकृत में क्या होता है हेपेटाइटिस से यकृत में बच्चा सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है यह एक संक्रामक रोग होता है यानी फैलता है अगर हम तपेदिक की य क्षमा यानी तपेदित यानी क्षय रोग यानी टीबी की बात कर लेते हैं अगर हम टीबी की बात करते हैं तो यह कैसा है यह भी एक संक्रामक रोग होता है यानी टीबी भी टीबी भी व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम से फैलता है लेकिन टीबी कई प्रकार की होती है बच्चा सारी टीबी नहीं फैलती है जैसे अगर कोई हृदय से संबंधित है अगर किसी के फेफड़े में टीबी से संबंधित बीमारी है तो वो फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं लेकिन अगर लिक्विड के रूप में है स्टोन के रूप में मतलब उसमें है बोन में हड्डी में है तो वो सब नहीं फैलता ठीक है इसका कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर कुलोशिश नामक जीवाणु होता है तो टीबी यानी तपेदिक के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर कुलोशिश नामक जो बैक्टीरिया होता है जो जीवाणु होता है उससे ये फैलता है तो टीबी कैसी है तपेदिक एक बैक्टीरियल बीमारी होती है और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर उसका नाम होता है ठीक है ध्यान में रखना इनमें मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है अगर लंग्स होता है तो फेफड़े को प्रभावित करने वाले जो बीमारी है वो टीबी फेफड़े को प्रभावित करती है इसमें रोगी को ज्वर ज्वर होता है लगातार खांसी होती है खून के साथ बलगम होता है सांस फूलना होता है इत्यादि क्षण होते हैं तो इसके लक्षण क्या होते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को टीबी की शिकायत है अगर कोई भी व्यक्ति टीबी यानी तपेदिक से ग्रसित है तो उसका फीवर बिल्कुल समाप्त नहीं होता उसे लगातार फीवर बना रहेगा उसका वजन तेजी से घट जाएगा इसके साथ उसके बहुत सारे लक्षण हो जाते हैं जैसे लगातार खांसी खांसी नहीं ठीक होगी खून के साथ बलगम

टिटनेस या धनुष्टंका कार्य यानी टिटनिस की बात करें या इसको धनु टंका का रोग लॉक जॉ नाम से भी जाना जाता है लॉक जो रोग किसे कहते हैं तो बच्चा इसे टिटनिस को कहते हैं लॉक जो रोग इसमें रोगी का शरीर कैसा हो जाता है टेढ़ा हो जाता है टेढ़ा होकर अंकड़ जाता है इसीलिए इसे लॉक जॉक कहा जाता है ठीक है यह संक्रामक रोग होता है कैसा टिटनिस कैसा है संक्रामक रोग होता है रोग क्लो क्लोस्टिडियम टेटेनी नामक जीवाणु से होता है तो ये ध्यान में रखना है इसका जीवाणु कैसा होता है बैक्टीरियल बीमारी होती है क्लोस्टिडियम नामक जो है बैक्टीरिया से पैदा होता है टिटनेस

द्वारा फैलता है तो प्लेग कहीं ना कहीं हम देखते हैं चूहों के शरीर पर रहने वाले वाहक होता, वस्तु 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 होता है तो अगला है जो एलर्जी होता है बहुत सारे, में, बहुत सारे लोगों में होता है यह वस्तु विशेष के प्रति मनुष्य की क्या होता है अत्यधिक संवेदनशीलता होती है यानी जो एलर्जी होती है किसी भी व्यक्ति की किसी एक वस्तु के प्रति बहुत ही वो जो है संवेदनशील सेंसिटिव होता है जैसे किसी को डस्ट से होती है तो किसी को इत्र यानी खुशबू से एलर्जी हो सकती है और कुछ लोगों तो को गुलाब के फूल की खुशबू से भी एलर्जी होती है तो कुछ लोगों को गुलाब के फूल से भी क्या होता है एलर्जी होती है जैसे जो बजरंग दल वाले हैं उन्हें गुलाब के फूल की खुशबू से क्या है एलर्जी होती है <laughs> आ जाओ इससे शरीर में अस्थमा दमा ज्वर सिर दर्द सर्दी इत्यादि हो जाता है तो अस्थमा है दमा है स्वर ये तमाम बीमारियां क्या होती है एलर्जी के कारण होती है ना तो अस्थमा है दमा है ज्वर है सिर में दर्द होता है सर्दी जुकाम होता है डस्ट एलर्जी वगैरह से एलर्जी से संबंधित बीमारी इसका कोई इलाज नहीं है एक ही इलाज होता है कि जिस वस्तु से आपको एलर्जी है उस वस्तु से दूरी बना लो ठीक है और कोई इलाज नहीं है लाइलाज बीमारी है फाइलेरिया की बात कर लेते हैं बच्चे फाइलेरिया को फिल पाव कहा जाता है और यानी कहा जाता है तो फाइलेरिया में जो पांव होता है पैर होता है वो बहुत मोटा हो जाता है हाथी पांव बीमारी कहते हैं ना फिलपा हाथी पांव कहा जाता है एलिफेंटिस हाथी पांव भी से कहा जाता है ठीक है आगे देख लेते हैं यह बुचरे बुचरेरिया ब्रेंक

और जिससे हाथ पैर जनांग आदि अनंग क्या होते हैं फूल के विकृत हो जाते हैं तो हाथ पैर कुछ भी हो सकता है बहुत मोटा हो जाएगा ठीक है इस फैला इसे फैलाने का कार्य मादा इसे फैलाने का कार्य क्या करते हैं तो इसके मादा क्यूलेक्स मच्छर होते हैं तो मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होते हैं ये किसको फैलाते हैं बच्चे फाइलेरिया को तो फाइलेरिया क्या होता है गुलक्रीमी होता है गुलक्रीमी होता है एक उससे फाइलेरिया होता है उस गुलक्रीमी का क्या नाम है तो उस गुलक्रीमी का नाम है बच्चा बुच रेचिया फ्रेंक ऑफ टाई और यह किसको प्रभावित करता है तो लिम्फ लिम्फ ग्रंथियों को प्रभावित करता है इस इसको इसका वाहक क्या होता है तो क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक होता है अबिंदुकता आंखों से जुड़ी बीमारी है अबिंदुकता की बात करते हैं तो ये आंखों से संबंधित जुड़ी बीमारी है इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की दृश्यता में कमी आ जाती है तो कम दिखाई देता है उसको इसके उपचार हेतु तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है तो ये बात ध्यान में रखना जो अबिंदुकता है आंख से संबंधित बीमारी है दृश्यता में कमी आ जाती है और इसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है आगे देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष मायोपिया में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं दिख पाता तो मायोपिया जो बीमारी है बच्चा मायोपिया में निकट दृष्टि दोष होता है इसमें व्यक्ति को दूर व्यक्ति को जो है दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है किसका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और मायोपिया में आपका जो विजिबिलिटी है वो क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है

मोतियाबिंद की अगर हम बात कर लेते हैं मोतियाबिंद रोग आंख आंख के लेंस के अपारदर्शी होने पे होता है तो मोतियाबिंद क्या होता है आपका जो आँख का लेंस है उसके एक, एक सफेद जो है परत चढ़ जाती है तो ये मोतिया बिंद होता है निद्रा रोग की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिपेनोशोमा नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होता है तो आपको याद रखना है निद्रा रोग बच्चा किससे होता है तो ट्रिपेनोशोमा नामक किससे होता है प्रोटोजुआ से होता है तो आपको ध्यान रखना है दो बात निद्रा रोग कैसा है किससे संबंधित है वायरस और बैक्टीरिया से संबंधित नहीं है किससे है प्रोटोजुआ से संबंधित है और प्रोटोजुआ से एक और कौन संबंधित है मलेरिया भी प्रोटोजुआ से संबंधित है तो निद्रा रोग होता है प्रोटोजुआ से संबंधित होता है और ट्रिपेनोशोमा नामक जो है इस प्रोटोजुआ का नाम है और एक चीज और बता दूं आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात अगर किसी व्यक्ति को नींद न आ रही हो तो ये मत समझना कि उसके साथ कुछ अन्य घटनाएं घट रही हैं अगर अन्य घटनाएं घट रही हैं तो क्या है एक तरह से वो प्रोटोजोआ है ठीक है इस जीव का वाहक सीसी मक्खी होता है तो बिल्कुल आप ध्यान रखना बहुत बार पूछता है तो सीसी मक्खी होता है क्या होता है बच्चा सीसी मक्खी होता है आगे देख लेते हैं अगर हम एड्स की बात करते हैं तो यह वायरस जनित होता है ना वायरस जनित होता है इस रोग का कारक क्या होता है एच वायरस होता है एलिशा की बात करते हैं बच्चा तो बहुत इंपॉर्टेंट है एलिशा जो टेस्ट होता है ये किससे संबंधित होता है एड्स की पहचान करने के लिए यानी एड्स किसी व्यक्ति को एच है या नहीं एड्स है नहीं उसके परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट होता है तो एलिशा टेस्ट होता है जिडोवुडिन जिडोवुडिन एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरल दवा होती है तो जिसे एच या एड्स के उपचार में प्रयोग किया कई बार पूछता है कि कौन सा एच के लिए कौन सा दवा यूज होती है तो बच्चा बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है जीडोवुडिन एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरल दवा है तो यह आपको ध्यान में रखना है अत्यधिक मात्रा में मदिरा सेवन से अब नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि अत्यधिक मात्रा में मदिरा सेवन से लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है तो लीवर सिरोसिस हो जाता है लीवर का क्या होता है इसमें पेट फूल जाता है यानी इसमें बार बार मात्रा में पानी पानी की पानी भरने लगता है तो लिक्विड तो लीवर सिरोसिस होता है बहुत खतरनाक होता है अगर किसी व्यक्ति को लीवर सिरोसिस हो गया तो लगभग ये लाइलाज बीमारी होती है वो समाप्त हो जाता है उसका एंड होना तय हो जाता है और यह क्या होता है ज्यादा मदिरा सेवन करने से लीवर सिरोसिस नामक यकृत बीमारी यकृत का सुपोषण रोग होता है ठीक है तो याद रखना है शोषण होता है इसमें यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण होता है तो ये भी आप ध्यान में रखना है तो इसमें जो लीवर सिरोसिस नामक रोग होता है इसमें क्या होता है बच्चा इसमें फाइबर तंतुओं का लीवर में निर्माण हो जाता है और लीवर से संबंधित जो कोशिकाएं होती हैं उनका नष्ट हो जाता है नष्ट तो ध्यान में रखना है पीलिया पीलिया के बारे में देख लेते हैं बच्चा रोग यकृत को प्रभावित करता है तो जो पीलिया होता है वो यकृत से संबंधित बीमारी होती है तो पीलिया को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए तो खतरनाक होती है तो यकृत से संबंधित एक बीमारी होती है इसमें क्या होता है बच्चा इसमें पीला बिलुर्बिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है तो ये बिलुर्बिन होता है बिलीरूबिन होता है और जिसके कारण पूरा शरीर क्या होता है पीला हो जाता है जिसमें आपके नाखून के साथ आंख में सबसे चुके सेंसिटिव होते हैं तो आपकी आंख हल्की पीली दिखेगी नाखून पीला दिखने लगेगा हाथ आप जब हाथ ऐसे बंद करके हाथ बंद करके आप खोलते हो तो आपका हाथ रेड रेड होता है ना लेकिन जब पीलिया जिसको होता है अगर उसका हाथ बंद करके खोलेगा तो उसमें हल्का पीलापन दिखने लगता है ठीक है तो ये क्या होता है ब्लड में क्या मिल जाता है बिलीरोन मिल जाता है ठीक है जिससे त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं त्वचा और आपका नेत्र कैसा होगा

उसका एरिया होता है अगर वहां उस व्यक्ति से टच करके हवा अगर गुजर रही है और अगर उस हवा के चपेट में आ गए आप तो तुरंत आपको हो जाएगा ये खतरनाक होती है बहुत ही ज्यादा क्या होती है अत्यंत ही संक्रामक होती है इसके वायरस रोगी के के त्वचा थूक वायु वस्त्र इत्यादि से फैलते हैं चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है बच्चा तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है एडवर्ड जेनर ने किया है तो किसने एडवर्ड जेनर ने किया है ठीक है इन्हें इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है तो यूमिनोलॉजी जो है यूमिनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है तो एडवर्ड

मवेशियों में होने वाला विषाणु जनित रोग होता है कैसा होता है बच्चा विषाणु जनित वायरस जनित रोग होता है तो चाहे कौपाक्ष हो चाहे खुरपका या मुंह पका रोग हो इनका संबंध किससे है वायरस से होता है एंथेक्स बेसिलस एंथासिस नामक जीवाणु द्वारा मयुशियों में होने वाला संक्रमणीय रोग है कौन सा रोग एक खुरपका व मुंह पका रोग कैसा है बच्चा एंथेक्स वे, वेसिलस एंथेक्स वेसिलस एंथासिस नामक जीवाणु द्वारा जो है आ, मवेशियों में होने अच्छा अच्छा ये अलग पॉइंट है ये बिल्कुल अलग पॉइंट है तो माफ करना इसमें बिल्कुल नहीं है तो एंथेक्स बेलिस्टिस एंथासिस नामक जो है जीवाड़ द्वारा मवेशियों में होने वाला एक संक्रमणीय रोग होता है बिल्कुल एंथेक्स एंथेक्स एक रोग होता है ठीक है इसको ध्यान में रखना है मैड काउ रोग काउ रोग की अगर बात करते हैं बच्चा तो ये भी मयूषियों में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है तो दो बातें याद रखना है एक तो याद रखना है काउ जो रोग होता है मवेशी में होता है यानी जो हमारे मवेशी होते हैं जिसमें पशु आते हैं जो जितने भी होते हैं गाय है भैंस है बकरी है भेड़ है मवेशी ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है ठीक है प्रियोन नामक प्रोटीन इस रोग का कारक है किसका मेट काऊ जो रोग है इसका कारण प्रियोन नामक प्रोटीन होता है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है कुष्ठ रोग की बात कर लेते हैं बच्चा जो कुष्ठ रोग होता है एक संक्रामक संक्रामक बीमारी होती है यानी कुष्ठ रोगी के पास अगर आप बैठ रहे हो तो उसका कुष्ठ रोग आपको भी हो सकता है एक संक्रामक बीमारी होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है ठीक है यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणुओं द्वारा फैलता है क्या कुष्ठ रोग कुष्ठ रोग किससे फैलता है बच्चा कुष्ठ रोग की बात की जा रही है किसकी कुष्ठ 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 रोग किससे फैलता है तो ये माइको माइकोबैक्टीरियम लेप्री माइको बैक्टेरियम लेप्री नामक किस जीवाणु द्वारा ना तो एक ऐसा रोग है एक तो आपको ध्यान में रखना है बैक्टीरिया जनित रोग होता है कुष्ठ रोग बैक्टीरिया जनित होता है और उस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है माइको बैक्टेरियम लेमिया एक आनुवंशिक रोग होता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है बच्चा तो जो थैलेसीमिया होता है कैसा है एक आनुवंशिक रोग होता है यानी एक व्यक्ति से यानी माता पिता से उसके बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है ठीक है तो ये भी ध्यान में रखें इससे शरीर में इससे शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो थैलेसी थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग होता है यानी एक माता-पिता से उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है और इसमें क्या होता है थैलेसीमिया में क्या होता है, है? हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता कम हो जाती है नहीं होती है ठीक है इससे रोगी के शरीर में अत्यधिक अरक्तता उत्पन्न हो जाती है और रुधिर की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें अरक्तता उत्पन्न हो जाएगी और रुधिर उसे अलग से चढ़ाना पड़ता है ठीक है बर्ड फ्लू की बात कर लेते हैं बच्चे बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का प्रचलित नाम है तो बर्ड फ्लू कहिए या इसको एवियन इन्फ्लुएंजा दोनों का एक ही नाम है उसका प्रचलित नाम बर्ड फ्लू है इसको ध्यान में रखना है यह एच फाइव एन वन नामक वायरस के कारण पैदा होता है ये इंपॉर्टेंट है बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है एक तो वायरस जनित रोग होता है और उस वायरस का क्या नाम है बच्चा उस वायरस का नाम है एच फाइव एन वन एच फाइव एन वन ये क्या होता है बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा ठीक है इसको ध्यान में रखना है आगे देख लेते हैं यह एक संक्रामक रोग होता है जो मुख्यतः किसमें मुर्गे मुर्गियों तथा बतकों को प्रभावित करता है संक्रमण के कारण मनुष्य भी इससे प्रभावित हो जाते हैं टाइमी फ्लू इसकी कारगर औषधि होती है तो टाइमी फ्लू जो है बर्ड फ्लू की एक महत्वपूर्ण दवा होती है पायल पायल जी पायल ब्लॉक अच्छा जी तो बिल्कुल आप हमारी वीडियो देखती हो तो मैं आपका कमेंट बिल्कुल पढ़ लूंगा पायल जी मुस्कान बच्चा क्या जानना है यूपीएससी स्पायरेंट बिल्कुल बच्चा अभी आपकी जो क्लास चल रही है आप ले लो मैं आपसे एक चीज बता देना चाहता हूं जब मैं अभी आपकी आर ओ आर ओ की क्लास चल रही है जब इसका प्रीलिम्स हो जाएगा तो हम लोग पूरी तरह से यूपीपीसीएस पी सी एस पे एक महीने काम करेंगे उसके जस्ट बाद आपकी आंसर राइटिंग मैं शुरू करवा दूंगा उसके बाद बच्चा एकदम निश्चिंत हो जाना दो चीज़ को लिए दो चीज में, में मेरा मेरा एक्सपर्टीज है दो चीज़ के लिए मैं स्पेशली जाना चाहता हूँ एक आंसर राइटिंग एक ए सी राइटिंग के लिए करंट अफेयर आंसर राइटिंग एसे राइटिंग इन सब में मेरा एक्सपर्टीज है बच्चा तो आंसर राइटिंग को लेकर एकदम निश्चिंत रहना बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका यूपीपीसीएस के साथ साथ मैं आर ओ आर ओ का भी आंसर राइटिंग कराऊंगा साथ में एसे राइटिंग भी कराऊंगा तो ये इन चीज़ों की टेंशन मत लेना सबसे पहले ज़रूरी क्या है जो दहलीज पे है जो कारवा जिसे आपको पार करना है बच्चा वो है आपका प्रिलिम्स एग्जाम तो अभी आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए के लिए जो बाद की चीजें हैं उसे बिल्कुल अवॉइड करिए उसे हम बाद में देख लेंगे ठीक है शुक्रिया शुक्रिया सिखा शुक्रिया बच्चा आ जाओ आगे बढ़ते हैं ना ठीक है आ जाओ आगे बढ़ते हैं आ जाओ आगे देख लेते हैं क्या है बच्चा जाओ आगे देखते हैं ठीक है आनुवंशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे आनुवंशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं फटाफट और चीजों को ठीक है आज पूरा का पूरा बच्चा मैं एक चीज बता दूं बिल्कुल जाना नहीं है क्वेश्चन करके जाना है आज बायोलॉजी फिनिश करेंगे चाहे जो भी टाइम लग जाए ठीक है तो बिल्कुल जाना नहीं है तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि बच्चा पता है आपका बायोलॉजी वाला समस्या आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए और यहाँ से चार से पाँच क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर आएंगे बच्चे इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा बस आप एक दो बार रिवाइज कर लेना ठीक है पौधों के काय्क भागों तथा जड़ तना एवं पत्ती द्वारा जनन काय्किक प्रवर्धन कहलाता है तो जो काय्किक यानी प्रवर्धन जो है प्रोपेगेशन या या उसमें अलग पेड़ पौधों को जोड़ा जाता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चे प्रवर्धन कहते हैं इसके द्वारा उत्पन्न संसद पैतृक समान होता है बिल्कुल ध्यान में रखना है इसमें कोई भिन्नता या नए गुण ओझ नहीं हो पाते हैं तो ये भी ध्यान में रखना है डाली नामक पेड़ का क्लोन विश्व में किसी स्तनधारी जीव का प्रथम क्लोन था तो बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है डॉली अगर हम डॉली नामक भेड़ की बात करते हैं डॉली क्या है भेड़ की एक प्रजाति है क्लोन की बात करेंगे विश्व में किसी स्तनधारी जीव का प्रथम क्लोन क्या था तो डॉली था डॉली 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 क्या है बच्चा एक भेड़ की प्रजाति है क्या था क्लोन है ना एक क्लोन है तो ये ध्यान में रखना है अनुवंशिक चूंकि चैप्टर क्या चल रहा है बच्चा आपका आनुवंशिक इंजीनियरिंग चल रहा है ना और बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है इसका मतलब होता है जिसमें आप आनुवंशिक रूप से यानी क्लोन नए नए चीजों को निर्माण करते हो ठीक है तो बहुत सारा जैसे आज बहुत सारे जो बीमारियों का अध्ययन किया जाता है या बीमारियां दूर की जाती हैं या फिर जैसे क्लोन के माध्यम से बच्चा पैदा हो रहे हैं बछड़ा गाय भैंस ये तमाम चीजें जिसमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग की बात की जाती है जिसमें आपके डीएनए में डीएनए में कटपिट करके एक नया चीज बना दिया जाता है प्रकार के रोगों का भी निदान होता है ये अनुवंशिक इंजीनियरिंग कहा जाता है ठीक है आ जाओ आगे देखते हैं

अस्थिमज्जा आदि स्टेम सेल्स के अविवाद स्पद स्रोत होते हैं तो अविवाद स्पद स्रोत क्या होते हैं जैसे गर्भनाल का रक्त है दांत है अस्थिमज्जा ये तमाम चीजें हैं ये कार्निया प्रत्यारोपण हृदय हृदय घात के कारण क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के अलावा कई अन्य रोगों के उपचार में सहायक होते हैं क्या स्टेम सेल्स की बात की जा रही है ठीक है कीट प्रतिरोधी परजीवी कीट कीट अगर हम प्रतिरोधी परजीवी के पर पर परजीवी जीविक कपास आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा एक जीन को विनिष्ट कर निर्मित किया जाता है इसमें यह कहा जा रहा है कि जो कीट प्रतिरोधी परजीवी यानी कपास की बात की रहा है जैसे बीटा कपास बीटा बैगन तो इसमें क्या होता है बच्चा इसमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग का ही कमाल होता है इस समय जितने हाईब्रिड हाईब्रिड आप देख रहे हो सब्जी आ रहा है वेजिटेबल कैसी आ रही है हाईब्रिड आ रही है बैगन बीट जो आ,

जैव प्रौद्योगिकी से ही उपलब्ध होता है गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है जिसके जन्मदाता कौन थे इंगो इंगो प्रोटिक्स इंगो प्रोटिक्स और डॉक्टर पीटर वेयर हैं किसके बच्चे गोल्डन राइस के तो याद रखना है बहुत ही पूछता है गोल्डन राइस गोल्डन राइस के जन्मदाता कौन है इंगोप्रोट्रिक्स और पीटर बेयर तो बिल्कुल ध्यान में रखना है इसमें आ, बीटा बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला जाता है जो हमारे शरीर में पहुंचने पर विटामिन ए क्या बच्चा विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है तो जो गोल्डन राइस होता है गोल्डन राइस में कौन सा होता है तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है और जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो विटामिन ए का निर्माण करता है तो गोल्डन राइस के बारे में हमने देख लिया एमेनियो सेंटिस एमेनियो गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला एक प्रसव पूर्व परीक्षण होता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है बच्चा आपको ध्यान में रखना है परीक्षण किस प्रकार होता है तो एमेनियो सेंटेसिस जो परीक्षण होता है एक गर्भवती महिलाओं में किया जाना है प्रसव पूर्व परीक्षण होता है तो ध्यान में रखना है इसके तहत क्या किया जाता है इसके तहत विकसित हो रहे भ्रूण के चारों ओर विद्यमान उल्बी द्रव उल्बी द्रव की कुछ मात्रा निकालकर उसका विश्लेषण किया जाता है ना तो ये जो एम्यूनियोटिक फ्लूड होता है इसको निकाला जाता है इसमें और इस फ्लूड का परीक्षण किया जाता है इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होता है इसमें विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम की बात की जाती है या अन्य गुणसूत्र विषमता से संबंधित जानकारी ली जाती है तो बच्चा आपको क्या ध्यान में रखना है एमिनियो एमिनियो जो परीक्षण होता है, वो किस लिए किया जाता है तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं प्रसव से पूर्ण परीक्षण किया जाता है इसलिए किया जाता है कि समस्त कि कई प्रकार की चीजों का पता लगाया है जैसे अगर कोई बच्चे में जन्मजात कोई दोष तो नहीं है जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह या कोई भी गुणसूत्र यानी डीएनए से संबंधित कोई दोष नहीं है आनुवंशिक कोई दोष नहीं है ये तमाम चीजों का पता लगाया जाता है किसमें एमेनियोसेंटेसिस में एमेनियो आगे देख लेते हैं इसमें भ्रूण का लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है तो इसमें लिंग परीक्षण भी भ्रूण का किया जा सकता है ठीक है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ए तकनीक की हम बात करेंगे फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की बात कर लेते हैं इसकी हम बात करें इस प्रयोग शिशु का पैतृक स्थापित करने आनुवंशिक रोगों की पहचान पशुओं की वंशावली स्थापित करने में किया जाता है तो डीएनए एन फिंगर का तमाम चीज में प्रयोग किया जाता है तो इस शिशु है शिशु के पिता की बात की कौन किसका बच्चा है इसके लिए आनुवंशिक रोगों की पहचान पशुओं की वंशावली ये तमाम डीएनए फिंगर तकनीक से संभव है इसके अलावा अगर इसके अलावा डीएनए जो फिंगर ंगर प्रिंटिंग है जैसे किसी ने किसी जो है बलात्कार में यानी रेप में हत्या में यानी किसी अपराध को अपराधी के रूप में सिद्ध करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है इसके विश्लेषण अपराधी के बाल क्या क्या यूज किया जाता है डीएनए फिंगर अगर कोई अपराधी है उसका बाल हो लार हो लार रुधिर हो कोशिकाएं हो अस्थि कोशिकाएं हो शुष्क वीर वगैरह तमाम चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं किसी भी व्यक्ति एवं वंश के डीएनए का एक निश्चित स्वरूप होता है तो किसी भी व्यक्ति एवं वंश का जो डीएनए होता है इसका एक निश्चित रूप होता है कभी दो व्यक्तियों के डीएनए प्रतिरूप हो तो होता है जो इसका कभी भी डीएनए दो व्यक्तियों का एक जैसा नहीं हो सकता ठीक है कभी भी नहीं हो सकता इसीलिए इसका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक विकसित की गई है तो और कुछ बातें देख लेते हैं उंगलियों के निशान को बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु तो फ्लोरोसेंट पाउडर प्रयुक्त किया जाता है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिल्मों में आपने देखा होगा एक पाउडर इस्तेमाल करते हैं हैं कि जो हाथ होता है उंगलियां होती है, उनको छापने के लिए तो उसको क्या कहते हैं फ्लोरो फ्लोरोसेंट पाउडर कहते हैं तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है कैंसर कोशिकाओं की अगर हम बात करते हैं इसका शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना अपरूपांतरण यानी मेटाइस्टेटिक कहलाता है तो अपरूपांतरण होता है कैंसर कोशिकाओं विशेषता होती है वो एक अंग से दूसरे अंग में क्या होता है धीरे धीरे फैल जाता है ठीक है इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या होता है क्लोन का तात्पर्य अच्छा क्लोन क्लोन क्या होता है क्लोन प्रतिरूप होता है नहीं, उसका क्या होता है प्रतिरूप फोटोकॉपी, ठीक है फोटोकॉपी होता है इसके अंतर्गत जीन से छेड़छाड़ किए बिना समान रूप से नस्ल उत्पन्न किया जाता है अंतर्गत जीन का स्थानांतरण एवं प्रत्यारोपण कर दिया जाता है एक तो क्लोन होता है क्लोन का मतलब होता है फोटोकॉपी प्रतिरूप होता है इसमें जीन से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता और जबकि ट्रांसजेनिक की बात करते हैं तो इसमें जीन का क्या कर दिया जाता है स्थानांतरण उसे चेंज कर दिया जाता है क्या हो गया बच्चा क्या हो गया किसने क्या कमेंट किया है देखो एक चीज बता दूं जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं बिल्कुल इधर उधर कमेंट नहीं करना है ना बिल्कुल इधर उधर कमेंट नहीं करना बच्चा कमेंट जब आप इधर उधर करते हो किसी भी अपने साथी से किसी भी दोस्त से तो आप अपने अपने व्यक्तित्व के बारे में बताते हो आपके कमेंट से आपके पसंद से आपके नापसंद से आपके व्यवहार से लोग आपके व्यक्तित्व को जज कर सकते हैं इसलिए बच्चा जब भी आप कोई कमेंट करो कहते हैं ना कि कोई भी बात बोलने से पहले कई बार सोचना चाहिए कोई बात लिखने से पहले चूंकि आप लोग एक सिविल सर्विस के स्टूडेंट हो स्पायरेंट हो मेरा बच्चा तो एक चीज हमेशा याद रखना आपकी एक एक बात बहुत ही बहुमूल्य होती है ठीक है उसका अपना एक वजन होना चाहिए ठीक है तो जब भी आप किसी किसी भी व्यक्ति से किसी भी दोस्त से अपने साथी से सपाटी से बात करो तो आपकी बातों में वजन होना चाहिए ऐसा लगे कि आपकी बात जब भी कोई भी व्यक्ति पढ़े तो उसे प्रतीत हो कि इससे पहले आपने कितना सोचा होगा और इसके पहले क्या भूमिका है तो बच्चा हमेशा जो है एक चीज हमेशा याद रखना कमेंट कमेंट आपके व्यक्तित्व का एक पहचान करने का एक तरीका होता है तो जब आप कमेंट करते हो तो इससे पता लगाया जा सकता है कि आपका व्यक्तित्व क्या है और साथ ही एक चीज और मैं बता दूं बच्चा आपकी परवरिश का भी परीक्षण हो जाता है कि आपकी परवरिश कैसी है यानी आप किस इक्व इन्वायरमेंट में पले बड़े हो तो बच्चा हमेशा याद रखना कमेंट आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक वो बच्चा जो गाँव में है या शहर में है जो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है जो अपना बिजनेस कर रहा है वो किसी भी प्रकार का कमेंट कर सकता है लेकिन अगर आप कमेंट कर रहे

उसके बाद क्वेश्चन आ गए आपका समाप्त हो गया है। अब क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे विविध के बाद क्वेश्चन सीधे पे आ जाते हैं ठीक है थोड़ा सा पांच मिनट और पेशेंस बना के रखो पांच मिनट एक जिन द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों का एक साथ नियंत्रण बहुप्रभाविता यानी कहलाता है इसका प्रमुख उदाहरण हंसिया कार कोश का अरक्तता रोग है तो बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है है अरक्तता रोग है, ये आरबीसी का आकार हंसिया नुमा होता है यह रोग एक अप्रभावी अप्रभावी जीन के कारण हो जाता है तो ये तमाम चीजें हैं विविध यानी विविध का मतलब तो सभी बच्चे को पता है विविध का मतलब अंत होने वाला है ना जो कुछ बचा है जो कुछ छूटा है वो समाहित है ठीक है आ जाओ देख लेते हैं

सूरजमुखी का तेल अगर हम बात करते हैं तो कम युक्त होने के कारण हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है तो जो बच्चा आप लोग जो सूरज सनफ्लावर हमेशा इस्तेमाल करो जब भी आप जाते हो जो

पे पड़ता है अगर हम फिरो

एजा डिरेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है जो कीटनाशक एवं कवकनाशक गुड़ पाया जाता है नीम इसीलिए एक औषधि पौधा होता है इससे हानिकारक कीटों में प्रजनन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है तथा कीटों का रालवा एवं वयस्क प्रतिकर्षित होकर भाग जाता है जो ट्रेफा की बात करते हैं बच्चा जो ट्रेफा जो जेट्रोफा है जेट्रोफा है करंजा है नाग नाग चंपा है नीम है आज जो है वनस्पतियों से बायोडीजल बायोडीजल उत्पादित किया जाता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है बायोडीजल का उत्पादन किससे होता है तो जेट्रोफा होता है करंजा से और नाग

हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है तो मैग्नीशियम याद रखना बच्चा मैग्नीशियम याद रखना है ठीक है आगे देख लेते हैं ईसीजी की बात कर लेते हैं ईसीजी जो है इलेक्ट्रो इनसेपेलोग्राफी होती है मस्तिष्क में उत्पन्न विद्युती गतिविधियों को अभिलेखित करता है किसे ईसीजी तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है ईईजी ईईजी सॉरी माफ करना की बात कर रहे हैं ये मस्तिष्क से संबंधित होता है और ईसीजी जो होता है बच्चा वो हृदय वो हृदय से संबंधित होता है ना तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है ईईजी मस्तिष्क से संबंधित होता है ईसीजी जो होता है हृदय से संबंधित होता है ईएमजी की अगर बात करते हैं तो मांसपेशियों तथा उसको नियंत्रित तो ये किससे संबंधित होता है बच्चा ये मांसपेशियों से संबंधित होता है मेढक उभयचर वर्ग में आता है बिल्कुल यह पानी तथा जमीन दोनों तरह जगह पर रह सकता है यह शीत शीत रक्त वाला प्राणी होता है मेढक की हमने बात कर लिया वातावरण

एस ए नोड अगर एस ए नोड की बात करें तो नोड हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर होता है तो एस ए नोड क्या होता है बच्चा तो यह हृदय हृदय है गति गति को को क्या करता नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है जार्विक सेवन की अगर हम बात करते हैं तो यह एक कृत्रिम हृदय होता है क्या होता है तो जार्विक जार्विक सेवन क्या है बच्चा तो एक कृत्रिम हृदय है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है आगे देख लेते हैं इसका आविष्कार किसने किया था जार रॉबर्ट जार्विक ने किया था यह पहली बार बार ने क्लार्क नामक रोगी में वर्ष उन्नीस में प्रस्तावित किया था स्पाइरो गाइरा स्पाइरोगा स्पाइरो एक सहवाल होता है क्या होता है एक सहवाल होता है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो एक कैसा सैवाल होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है गेम्बुसिया मुख्यतः ताजे पानी की मछली की एक प्रजाति गेम्बुसिया क्या है गैम्बुसिया बच्चा ताजे एक मछली की प्रजाति है जो ताजे पानी में पाई जाती है यह मच्छरों के अंडे एवं लार्वा को चट करके लोगों को लोगों को डेंगू और मलेरिया से बचाती है

पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है रेशम की कीट पालन को क्या कहते हैं तो सेरीकल के नाम से जाना जाता है एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को क्या कहते हैं एनोस्मिया एनोश्मिया कहा जाता है बच्चा अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होती है तो कार्डियोलॉजी में कैथ लैब किस विभाग में होती है तो कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है आर्क्योपटेरिक्स ये जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है

आ जाओ आ जाओ आ जाओ क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे है और आप लोग फटाफट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा क्वेश्चन आपके सामने है आपका पूरा 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 तीन घंटे में पूरी बायोलॉजी फिनिश हो गई बच्चा कुछ भी नहीं बचा है इससे बाहर ना तो आपके यूपीपीसीएस में पूछा जाएगा और ना आपके आर आर में पूछा जाएगा तो ये आपके पास क्वेश्चन है लगभग सब क्वेश्चन है फटाफट हम लोग कर लेते हैं तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए ठीक है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है इक्थियोलॉजी कहा जाता है एंटोमोलॉजी एक चीज मैं बता दूं जितने मेरे प्यार बच्चे हैं इसमें इस, इस प्रश्न में, में मेरा कोई योगदान नहीं है यह प्रश्न क्या है बच्चा ये प्रश्न आपके आर ओ ए आर ओ आरओ ए आर ओ का क्या है बच्चा प्री और प्लस मींस प्री और मेंस के क्वेश्चन का ये संग्रह है तो आपके प्री और मेंस के क्वेश्चन का ये संग्रह है एक्चुअल में होता क्या है आरो के जो लोग है, जो लोक सेवा आयोग होती है मेंस के क्वेश्चन होते हैं उसको दोबारा प्रीलिम्स में डाल देता है और कई क्वेश्चन को रिपीट कर देता है तो अगर बच्चा आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया तो इसी के अंतर्गत क्या आ जाएगा इसी से आपके बायोलॉजी के प्रश्न भी आ जाएंगे तो कीटो के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं एक्जी एंटोमोनोलॉजी पैरासिटकोलॉजी और माइक्रोलॉजी तो एक का सही जवाब हमारे पास आ गया बी सही जवाब है तो इसका सही जवाब क्या है बच्चा तो बी बिल्कुल आ गया एंटोमोलॉजी कहा जाता है आगे देख लेते हैं रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं एपीकल्चर हार्टिकल्चर सेरिकल्चर फ्लोरिकल्चर तो दो का सही जवाब भेजना बच्चे दो का सही जवाब भेज देना मेरे पास तो आइए देख लेते हैं सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है मेरे पास दो का सही जवाब है सेरिकल्चर

इसमें से कौन सा एक कीट नहीं है बच्चा एक कीट नहीं है तीन का सही जवाब आ गया सी भी आ गया है चार का सही जवाब भेज देना चार का सही जवाब भेज देना ओके ओके बहुत शानदार ठीक है चार का सही जवाब भेजना बच्चे आ जाओ देख लेते हैं चार का सही जवाब हो गया चार का सही जवाब हो गया बी हमने देखा था कि मकड़ी जो है कीट नहीं होता है इसके कितने आठ पैर होते हैं बाकी खटमल घरेलू मक्खी मच्छर ये सब क्या होते हैं बच्चा चार का बी बिल्कुल सही जवाब आ गया मेरे पास अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप लेते हैं चिपू कास्ती दंत के तालु दंत के श्वानी दंत के और जंभिका दंत के इस सारे बच्चे आपके आरो आरो में प्री और मेंस भी पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है आज आप प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें पांचवा का पांचवा का सही जवाब क्या होगा बच्चा पांचवा का सही जवाब हो जाएगा आपका। किस ग्रुप के जंत प्राय रातर के होते हैं ना तो रात त्रिचर के होते हैं घरेलू मक्खी खटमल तोता मच्छर चमगादड़ उल्लू मच्छर गौरैया हिरन उल्लू चमगादड़ कुत्ता तो रात त्रिचर कौन होता है बच्चा रात त्रिचर कौन होता है छे का सही जवाब भेजना मेरे पास बहुत सही सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है मेरे पास सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है ठीक है ठीक है आइए देख लेते हैं सही जवाब मेरे पास आ गया इसका सही जवाब है बी इसका सही जवाब क्या होगा बी बिल्कुल हमें सही जवाब मिल गया है कि मच्छर चमगादड़ उल्लू होते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है मच्छरों के बारे में मच्छरों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है बच्चा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 2021 2021 के आरो आरो में पूछा गया प्रश्न है ठीक है ए केवल नर रक्त चूसती हैं, केवल मादा रक्त चूसती है तीसरा मादा पौधों का रस चूसती है चौथा कह रहा है मादा की अपेक्षा नर के डैने जो होते हैं बड़े होते हैं पांचवा नर की अपेक्षा मादा के डायने बड़े होते हैं आपको बताना है बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है केवल दो और चार सही है केवल तीन और पांच सही है एक और दो सही है दो और पांच सही है सात का जवाब आ गया सी लगा दीजिए सर सी भी आ रहा है डी भी आ रहा है अच्छा ठीक है तो जितने हमारे प्यारे बच्चों ने डी जवाब माना है बिल्कुल वे सही है बच्चा केवल दो और पांच सही है केवल दो और पांच सही है ना तो बिल्कुल आप ध्यान में रखना है केवल मादा अभी हम लोगों ने पढ़ा था तमाम चीजें हम देखा आगे देख लेते हैं निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है कह रहा है कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है ठीक है गन्ना का अदरक का आलू का शकरकंद का तना नहीं है आप बता देना बच्चा तना नहीं है आठ का सही जवाब भेजना मेरे पास आठ का सही जवाब भेजना आठ का सही जवाब आइए देख लेते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा डी सकरकंद सकरकंद जो है तना का नहीं होता तो सकरकंद बिल्कुल याद रखना तना नहीं है क्या है बच्चा जड़ होता है क्या होता है जड़ होता है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है आपको बताना है अदरक है केसर है अफीम है सन है राइज़ोम बीज अफीम की हुंडी और तना आपको बता देना है कि कौन किससे सही सुमेलित है एक चीज आप बता देना निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है अदरक है केसर है अफीम है सन है कौन एक सही सुमेलित नहीं है नौ का बताना बच्चे नौ का एक सही जो बताना नौ का बिल्कुल सही जवाब आ गया मेरे पास इसका केसर बीज से बिल्कुल नहीं पैदा होता बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है केसर बीज से नहीं पैदा होता निम्नलिखित में आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है बच्चा तना बीज जड़ फल खाने योग्य भाग होता है कौन सा होता है तना बीज जड़ फल आलू आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है आलू क्या है असल में आलू एक क्या होता है बच्चा आलू एक तना होता है तो खाने योग्य भाग क्या है तना है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से जड़ों से बिना पके फल के लैक्टेस से, से सही जवाब आ रहा है मेरे पास ग्यारह का ग्यारह का सही जवाब भेजना बच्चे आ जाओ देख लेते हैं ग्यारह का सही जवाब क्या हो जाएगा सी आपका सही जवाब हो जाएगा बिना पके फल के लेटेस से अफीम प्राप्त किया जाता है ग्यारह का सी आ गया मेरे पास जवाब अगला प्रश्न स्क्रीन पे है एजोला क्या है एजोला एक जली फर्न है जली एल्गी है, जली बैक्टेरिया है उपयुक्त में से कोई नहीं आ जाओ देख लेते हैं बारह का एक सही जवाब भेज देना बच्चे बारह का एक सही जवाब भेज देना बारह का सही जवाब क्या हो जाएगा एक जली क्या है एक जली फर्न होता है और एक किसके लिए फेमस है एजोला धान की खेती के लिए अगला प्रश्न है फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है साल्विनिया एजोला एंटेरिडियम वही प्रश्न है, सेम प्रश्न है है सेम बच्चा तो ये तेरा का सही जवाब क्या हो जाएगा आइए हम देख लेते हैं बी एजोला एजोला इसका सही जवाब हो जाएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है सभी बच्चों का जवाब आ गया बी को सही जवाब मान लीजिए माइट्रोकॉड्रिया को क्या कहा जाता है पावर हाउस कहा जाता है आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है 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 शल्य शल्य क्रिया क्रिया में में आर्थोप्लास्टी आर्थोप्लास्टी क्या ए ओपन हार्ट सर्जरी होता बी गुर्दा प्रत्यारोपण होता है सी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है डी रुधिर आधान है पंद्रह का जवाब भेजना बच्चा पंद्रह का एक सही जवाब भेजना मेरे पास पंद्रह का एक जवाब भेजना बच्चे सी बहुत ही शानदार सभी बच्चों का जवाब सही आ रहा है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है क्या आर्थोप्लास्टी अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से क्या? सही कथन का चयन करना है इसमें किसकी बात की जा रही है रुधिर वर्णिका इसमें लौह लौह होता, होता है इसमें लौह होता है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है यह रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है यानी किसकी बात की जा रही है रुधिर वर्णिका यानी हीमोग्लोबिन की बात की जा रही है, है. किसकी बात की जा रही है बच्चा हीमोग्लोबिन की बात की जा रही है किसकी हीमो ग्लोबिन की बात की जा रही है ठीक है हीमोग्लोबिन की बात की जा रही है ठीक है रुधिर वर्णिका की बात की जा रही है आपको बता देना है एक सही जवाब इसमें से बता देना एक सही जवाब भेज देना मेरे पास सोलह का सोलह का जवाब भेजना बच्चे सभी बच्चों का सही जवाब आ गया सोलह का सही जवाब क्या होगा सी होगा ये बिल्कुल बच्चा ये प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करती यानी ये आपको जो है ये एंटीबॉडी का काम नहीं करती हीमोग्लोबिन एंटीबॉडी का काम नहीं करता या प्रतिरक्षा तंत्र का काम नहीं करता है बाकी ये लौह तत्व होता है लाल रंग प्रदान करता है जो हीम होता है लाल रंग प्रदान करता है ग्लोबिन अपने आप में प्रोटीन होता है ऑक्सीजन का क्या है वाहक होता है आगे देख लेते हैं एक सामान्य एक, एक सामान्य सत्तर किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी एक सामान्य वजन जो सत्तर किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी बच्चा 70 का एक जवाब भेजना मेरे पास सत्रह का 70 का सही जवाब भेज देना मेरे पास आइए देख लेते हैं पांच हजार मिलीलीटर होगा यानी लीटर, यानी में यही रक्त की मात्रा पाई जाती है आगे देख लेते हैं आर एच आर एच कारक का नाम संबंधित एक प्रकार से है आर एच जो फैक्टर होता है आर एच फैक्टर आर एच कारक का नाम किससे संबंधित है कपी से मानव से बंदर से चूहा से कपी मानव बंदर चूहा किससे होता है मेरा बच्चा आ जाओ देख लेते हैं सी इसका सही जवाब होगा आरएच फैक्टर रीसस बंदर इसको क्या कहते हैं रीसस बंदर आरएच कारक बंदर से संबंधित है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है रसाकर्षण शोषण प्रकाश संश्लेषण रस संकुचन ओके 19 का 19 का एक जवाब भेजना बच्चा 19 का जवाब भेजना तो मेरे पास आ गया ओके okay. बिल्कुल हम देख लेते हैं बिल्कुल हम देख लेते हैं बच्चा आ जाओ उन्नीस का का एक सही जवाब सी आ गया मेरे पास सही जवाब इसी को प्रकाश संश्लेषण कहा, कहा, कहा जाता है क्या कहा कहा जाता जाता है 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 बच्चा प्रकाश संश्लेषण अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न करते हैं आती है जल से कार्बन डाइऑक्साइड से क्लोरोफिल से या फिर आपका आता है फॉस्पोग्लीरिक एसिड से ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न होता है किस से आता है आपको बता देना है बच्चा बीस का एक सही जवाब भेजना बीस का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मेन प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होता 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 है होता है होता है क्या बच्चा लेकिन ऑक्सीजन उसका क्या होता है बाई प्रोडक्ट होता है और किससे आता है तो जल से आता आता है है किससे जल से ऑक्सीजन पैदा होता है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है सूर्य का प्रकाश ऑक्सीजन जल और कार्बन डाइऑक्साइड किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है जाओ आ जाओ सही जवाब मेरे पास आ गया 21 का 21 का एक सही जवाब हम देख लेते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती बच्चा बाकी सूर्य के प्रकाश जल और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्रकाश संश्लेषण क्लोरो इसके साथ क्लोरोप्लास्ट होना आवश्यक है आगे देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है लाल नीला हरा या बैग्नी सबसे ज्यादा प्रभावकारी प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश होता है किस बाईस का बाईस का एक बाईस का जवाब भेज देना बच्चा बाईस का बाईस का एक सही जवाब हम लोग देख लेते हैं इस लाल प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका तरंग दर्द क्या होता है सर्वा अधिक होता है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी एवं विटामिन जल में घुलनशील है तेईस तेईस का एक जवाब बताना बच्चा तेईस का कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है तेईस का तेईस का सही जवाब भेजना तो बाइस का बिल्कुल सही है बाइस का सभी बच्चों का जवाब सही है बहुत ही शानदार आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो सी ठीक है आज आप देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा इसका सही जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्योंकि जल की बात की रही है जल में बी और सी दोनों घुलनशील होती है ठीक है दोनों घुलनशील होती है आगे देख लेते हैं किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है लोहा के कैल्शियम के आयोडीन के सोडियम के बिल्कुल 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 सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है इस बार मैं थोड़ा सा वेट करूंगा आप लोगों का इस इस प्रश्न के लिए मैं वेट करूंगा बिल्कुल आप एक सही जवाब भेजना मेरे पास बी और सी बच्चा बिल्कुल बी और सी बिल्कुल गुलंदशील है बिल्कुल सही जवाब है उसका बी और सी दोनों सही जवाब था इसके बारे में बताना बच्चा इसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है लोहा के कैल्शियम के आयोडीन के सोडियम के चौबीस का एक सही जवाब भेजना मेरे पास चौबीस का चौबीस का सही जवाब भेजना सभी बच्चों का बहुत ही प्यारा जवाब आया है और मैं बहुत ही आ, मुझे अच्छा फील हुआ है सभी बच्चों का आया ए इसका सही जवाब होगा अधिकांश बच्चों का एक चीज मैं बता दूं अभी तक आप लोगों का अभी तक 95 95 प्रतिशत बच्चों ने हर एक प्रश्न का सही जवाब दिया है तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहना आप लोगों की पकड़ बहुत अच्छी है तो साइंस पे साइंस को लेकर परेशान नहीं होना है स्पेशली हम लोगों ने फिजिक्स से देखा केमिस्ट्री देखा अब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो आप लोगों का काम हो जाएगा इतने से ठीक है साइंस से चौदह से

असीन थाइमिन विटामिन डी और विटामिन के है इस दर रोग है बच्चा पिलाग्रा है बेरी-बेरी सूखा -बेरी, रोग और बंध्यापन आपको बता देना है कौन सही सुमेलित नहीं है 26 का एक जवाब भेजना बच्चे 26 का 25 26 का आ गया बिल्कुल 26 का 26 का जवाब भेजना बच्चा 26 का ओके आ जाओ देख लेते हैं मेरे पास सही जवाब आ गया है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डी डी सही सुमेलित नहीं है बंध्या पर नहीं होगा बच्चा विटामिन के के कारण रक्त से संबंधित होता है और ये बिता, ये विटामिन ए से संबंधित है ना ठीक है आ जाओ देख लेते हैं आगे निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है विटामिन ए विटामिन बी थ्री विटामिन डी और फोलिक एसिड इधर है रतौंधी पिलाग्रा वर्णान्धता और रक्ताल्पता आपको बताना है कौन एक सही सुमेलित नहीं है सत्ताईस का जवाब भेजना बच्चे सत्ताइस का छब्बीस का बिल्कुल डी बिल्कुल सही जवाब है बेटा बिल्कुल 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 के ब्लड क्लो, क्लोटिंग से संबंधित होता है आ जाओ सताइस सताइस का एक जवाब भेजना सी 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 बहुत शानदार सी बहुत ही शानदार है वर्णान्धता बिल्कुल नहीं होता वर्णांधता का संबंध किससे है ए सी है ओके आ जाओ देख लेते हैं ना सी इसका सही जवाब हो जाएगा एक चीज बताना आप लोग अब जरा सोचो मेरे पास मेरी एक बात ध्यान से सुनो बच्चे ये आरो यारो प्रीलिम्स और मेंस में पूछे गए प्रश्न है तो आपने लेबल देख लिया चेक कर लिया क्वेश्चन पूछने के नेचर को भी आप लोग देख रहे हो इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ होता है कि आपकी पकड़ अच्छी है आप बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है आपने ठीक ठाक पढ़ रखा है और जो कुछ पढ़ाई गई है सही पढ़ाई गई है आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है विटामिन डी विटामिन सी विटामिन ए विटामिन बी सुखंडी मशूरों से खून आना गठिया और बेरी बेरी आपको बताना है कौन एक सही सुमेलित नहीं है अट्ठाईस का एक जवाब भेजना बच्चे शिवानी बच्चा नींद नींद प्यास और भूख सब कर दो साइड में सब कर दो साइड में पंद्रह दिन और पेपर बचा है बच्चा पंद्रह दिन और बचा है नींद तो आनी ही नहीं चाहिए कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद देखते हैं सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते ए पी जे अब्दुल कलाम जी का एक कथन है कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं दे देते बच्चा सपना ऐसा होना चाहिए जो सोने ही ना दे ठीक है तो बिल्कुल अभी आप प्रैक्टिस कर लो बिल्कुल एक घंटे में सारा मामला

बिल्कुल बच्चा बिल्कुल प्रीति बच्चा बिल्कुल आपने सही कहा आ जाओ देख लेते हैं डी इसका सही जवाब होगा क्या सही जवाब होगा डी सही जवाब होगा तो बच्चा बिल्कुल याद रखना है विटामिन के अल्फा अल्फा विटामिन के अल्फा अल्फा उसके बाद हम देखेंगे विटामिन डी विटामिन डे किससे मिलता है बच्चा कार्ड यकृत तेल से उसके बाद हम देखेंगे विटामिन ई विटामिन ई किस से मिलेगा बच्चा गेहूं के भ्रूण में और विटामिन सी किससे मिलेगा नींबू 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 ठीक है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है वैसे भी एक चीज बताएं आपसे विटामिन सी आपको पता है खट्टे फलों से नींबू से मिलता है तो एक ही में जो इसका सही जवाब है सी के सामने एक में ही एक है ऐसे भी आप देख लग सकते निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता पूछा गया है बच्चा आपसे कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता विटामिन ए e, विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई e. कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता इसमें पूछा गया है यानी पानी में जो घुलनशील होगा उस शरीर में भंडारित नहीं होगा और पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है बच्चा विटामिन सी तो विटामिन सी शरीर में नहीं भंडारित होता ठीक है संश्लेषित होता है विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन सी विटामिन के विटामिन ए आपको बताना है निम्नलिखित में से आंत में आंत में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन सी विटामिन के विटामिन ए थर्टी वन का सही जवाब भेजना बच्चा थर्टी वन का थर्टी वन का ए आ गया बिल्कुल सही जवाब है ए के साथ बच्चा जो ये भी आपका सही जवाब है और इसके साथ ए भी आपका सही जवाब है तो दोनों यानी ए और सी सही जवाब है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके आंत में जीवाणुओं जिव, द्वारा संश्लेषित होता है तो विटामिन बी ट्वेल्व और विटामिन के दोनों को ध्यान में रखना है बच्चे दोनों को ध्यान में रखना है आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है विटामिन ए विटामिन डी विटामिन के विटामिन सी त्वचा तो त्वचा तो में कौन विटामिन का निर्माण होता है सूर्य के प्रकाश में इसका सही जवाब है और बिल्कुल सभी साथी जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं सभी को पता है किसका विटामिन डी का निर्माण होता है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है गेहूं गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन है ग्लोबुलिन है ग्लाइसिन है और लाइसिन तो बच्चा बताना गेहूं में रोटी गेहूं की रोटी बनाने में बनाने में गुणों को प्रभावित करने वाला कौन सा है थर्टी का बताना है सही जवाब बिल्कुल इसको हम लोगों ने देखा है जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हैं ए इसका सही जवाब होगा ग्लूटिन बिल्कुल सही शानदार ग्लूटिन इसका सही जवाब है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस फल में लौह लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जामुन करौदा लोकाट अमरुद लोहा की मात्रा किसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है आपसे पूछा गया है एक सही जवाब भेज देना मेरे पास एक सही जवाब भेज देना बच्चा एक सही जवाब भेज देना निम्नलिखित में किस फल में लौह लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जामुन करौदा लोकार्ट अमरुद्ध आइए देख लेते हैं बहुत ही शानदार जवाब आया है करौदा करौदा में सबसे ज्यादा लोहा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है बाकी अन्य में भी निम्नलिखित विटामिनों में किसमें कोबाल्ट कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन के विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन बी सिक्स विटामिन बी टू किस में कोबाल्ट पाया जाता है थर्टी फाइव थर्टी फाइव थर्टी फोर का सभी बच्चों का सही जवाब आ गया मेरे पास बहुत ही शानदार बी सही जवाब था उसका करौंदा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं बच्चा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है इसमें पूछा गया है कि किसमें कोबाल्ट पाया जाता है पैंतीस पैंतीस का एक सही जवाब भेजना बहुत शानदार मेरे पास जवाब आ गया है पैंतीस का बी को सही जवाब लगा दिया गया विटामिन बी ट्वेल्व में क्या पाया जाता है बच्चा कोबाल्ट पाया जाता है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सूची एक और दो को सुमिलित करना है और कोड के माध्यम से आपको क्या करना है बच्चा सही उत्तर का चयन करना है सूची एक क्या कह रहा है हड्डियों में उपस्थित यौगिक सिरका में उपस्थित अम्ल दूध का कट्टा होना फलों का पकना लैक्टिक एसिड एथिलीन एसिटिक एसिड और कैल्शियम फास्फेट एक सम्मिलित करके आप एक सही जवाब मुझे भेज दीजिए थर्टी सिक्स का सही जवाब भेजना बच्चा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स का सही जवाब भेजना बहुत ही शानदार इसका सही जवाब मुझे मिल गया है इसका सही जवाब है डी बिल्कुल हम लोग थे हड्डियों में उपस्थित यौगिक बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है बच्चा क्या होता है कैल्शियम होता है सिरका में उपस्थित अम्ल को क्या कहते हैं बच्चा सिरका में उपस्थित अम्ल को एसिटिक एसिड कहते हैं उसके बाद दूध का खट्टा होना क्या होता है बच्चा लैक्टिक एसिड होता है और फलों का पकना एथिलीन से संबंधित है तो बिल्कुल हम लोगों ने देख लिया आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल एमिनो अम्ल में विघटित कर देता है पेप्सिन लैक्टेस यूरियस और जाइमिस आपको पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है पेप्सिन लेस एंड जाइमेस थर्टी सेवन का जवाब भेजना बच्चा बहुत शानदार सभी बच्चों का सही जवाब है माँ बिल्कुल सही जवाब है छत्तीस का डी है वर्षा का भी सही जवाब है नैना का और शरिता वर्मा का सभी बच्चों का शानदार है थर्टी सेवन का भी हमारे पास सही जवाब आ गया अलका जी कह रही हैं पेप्सिन है और अलका जी आप बिल्कुल सही हो आपका जवाब बहुत ही बेहतरीन है पेप्सिन इसका सही जवाब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है मानव मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है ऑक्सीटोशिन कैरेटिन वैसोप्रेशन वे, वे, एंड टिप्सिन आपको बताना है कि जो बाल होता है यानी रोम होते हैं जो नख होते हैं उसमें कौन सा पाया जाता है तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मेरे पास और इसका सही जवाब हम बिल्कुल लगाने के लिए तैयार हैं और एक बच्चे ने हमारे पास ग्रीन सिग्नल भेजा और उसका नाम है केरेटिन अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है सही पूछा गया है विटामिन बी वन बी टू बी सिक्स बी, बी, बी सी है और रेटिनाल है राइबोफ्लेविन है नियासिन है है एक सही जवाब थर्टी नाइन थर्टी नाइन थर्टी नाइन का सही जवाब भेजना बच्चा थर्टी नाइन का थर्टी नाइन देख लेते हैं थर्टी नाइन थर्टी एट बिल्कुल सही है थर्टी नाइन थर्टी नाइन का सही जवाब हो जाएगा बी ट्वेल्व को राइबो कहा जाता है बाकी सही नहीं है आगे देख लेते हैं मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है लोहा सोडियम फास्फोरस कैल्शियम तो इसको हम लोगों ने पढ़ा है लोहा सोडियम फास्फोरस कैल्शियम मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा बच्चा तो ये पाया जाएगा कैल्शियम मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाएगा अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से जया पचई प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन एंड खनिज किससे अधिकतम ऊर्जा मिलती है पचई प्रक्रम में प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है 41 का जवाब भेजना बच्चे 41, बिल्कुल 40 का सही 41 का जवाब जवाब है भेजना बच्चा ओके okay, हमारे पास सही जवाब आ गया है फोर्टी वन का और हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका सही जवाब है बी वशा वशा बी बी सही जवाब होगा बच्चा बी बहुत शानदार बी इसका सही जवाब होगा तो अधिकतम ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है तो हम लोगों ने देखा था नाइन पॉइंट थ्री किलो कैलोरी आगे देख लेते हैं गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है कैसीन है लेक्टोस है कैसीन के साथ कैरोटीन है लेक्टोस के साथ ब्यूटिरिक एसिड है किसके कारण गाय का दूध पीले रंग का होता है तो एक सही जवाब भेज देना फोर्टी का मेरे पास फोर्टी का सही जवाब भेजना बच्चा बहुत ही शानदार 42 का सही जवाब आ गया है इसका सही जवाब है सी कैसिन के साथ कैरोटीन के कारण ही दूध का पीला रंग होता है किसके दूध का गाय के दूध का निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है इसको दिखाना है बच्चा ए बी सी डी है इसमें क्लोरोफिल है हीमोग्लोबिन है खाने का नमक है और कपड़े धोने का सोडा है मैग्नीशियम आयरन सोडियम एंड पोटेशियम अवयोग के बारे बता में बताया निम्नलिखित में पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है फोर्टी थ्री का एक सही जब भेजना बच्चे फोर्टी थ्री बहुत ही शानदार जवाब है सभी बच्चों का आ गया डी कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम नहीं होता पोटेशियम किसके लिए होता है बच्चा हृदय से संबंधित समस्याओं के लिए अगर आपका हृदय की धड़कने रक्तचाप बढ़ जाए तो पोटेशियम लेना चाहिए कौन सा सूक्ष्म तत्व तो नहीं होता लोहा जस्ता गंधक मैग्नीज इसमें पूछा है कौन सा सूक्ष्म तत्व तो नहीं होता तत्व दो प्रकार के होते हैं एक दीर्घ होता है एक सूक्ष्म सूक्ष्म सु� का मतलब होता है जो शरीर में अल्प मात्रा में उन्हें उनकी आवश्यकता होती है इसमें पूछा गया है कौन सा एक सूक्ष्म तत्व नहीं है लोहा जस्ता गंधक मैग्नीज फोर्टी फोर का एक साइज जवाब भेजना बच्चे 44. बच्चा मेरी ऑफलाइन क्लासेस अब नहीं चलती है अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं सारी क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं जिसमें यूपीएससी जो आईएएस के बच्चे हैं उनका मेंटोरशिप का प्रोग्राम भी चलता है तो फोर्टी फोर का मेरे पास सही जवाब आ गया गंधक बिल्कुल बच्चा गंधक जो है ये नहीं होता गंधक बहुत बड़े लेवल पे चाहिए सल्फर बहुत बड़े लेवल पे चाहिए ठीक है सल्फर छह मुख्य तत्वों में से एक होता है ठीक है आगे देख लेते हैं सूची एक और सूची दो को सुमिलित करना है कोट के माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है एक तरफ हार्मोन है दूसरी तरफ श्रावित ग्रंथियां है प्रोजेस्ट्रोन टेस्टोस्ट्रोन था इंसुलिन और इधर थायराइड है अग्नाशय है गर्भाशय है भ्रीषण यानी पुरुष और महिला आपको एक सुमेलित करके बता देना है फोर्टी फाइव का सही जवाब भेजना बच्चे फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव का एक सही जवाब भेजना बहुत ही शानदार सभी बच्चों का जिन्होंने ए जवाब माना है बिल्कुल सही है तो इसका सही जवाब ए ही होगा तो आइए देख लेते हैं की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था बच्चा किससे संबंधित है तीन से 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 यानी महिला होता है की बात करते हैं तो पुरुष संबंधित होता है था की बात करते हैं तो थाइराइड ग्रंथ से निकलता है और इंसुलिन की बात करते हैं तो किससे बच्चा अग्नाशय से श्रावित होता है तो बिल्कुल सभी बच्चों का जवाब सही आया मेरे पास अगला प्रश्न है निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन कहा जाता है एंड्रोस्टेरोन एस्ट्रोन या थायरॉक्सिन। तो इसमें आपको बता देना है स्त्री स्त्री के लिए हार्मोन्स कौन है फोर्टी सिक्स का एक जवाब भेजना बच्चे फोर्टी सिक्स बहुत ही शानदार

इसका सही जवाब भेजना बच्चे बहुत ही शानदार सभी बच्चों का जवाब आ गया बी है मस्तिष्क में होता है आगे देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कथन नहीं करा है। सोते समय तीव्र प्रकाश अवंछनीय होता है कारण है कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेला का उत्पादन अधिक होता है नीचे दिए गए कुट के माध्यम से आप सही उत्तर का चयन करना है एक कथन और कारण दोनों सही है कथन जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है ठीक है इसमें से एक सही जवाब भेज देना बच्चे आप लोग फोर्टी का एक सही जवाब भेजना

तीव्र प्रकाश में मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है मेलाटोनिन किसके लिए जिम्मेदार है ये नींद के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स है जब ज्यादा लाइट होगा ना तो इसका उत्पादन कम होगा यही बात है उत्पादन अधिक नहीं क्या होता है कम होता है ठीक है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है कीटों के नियंत्रण तो वनस्पति प्रसारण के लिए बीजों के अंकुरण के लिए खरपतवार के नियंत्रण हेतु तो तो पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य से किया जाता है 49 नाइन का एक जवाब भेजना बच्चे 49 आ जाओ देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या होगा बी वानस्पतिक प्रसार कर ये होता है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है पौधे में जो गुटी लगाने का कार्य वनस्पतिक प्रसार कर लिए होता है तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति के कारण होता है कार्बनिक अम्ल फिनोल एंड फ्लियोनाइट्स या लिथियम बाई जो तुलसी का पौधा होता है बच्चा एक औषधि पौधा है उसमें क्या तत्व उपस्थित होता है जिसके कारण वो महत्वपूर्ण हो जाता है फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन का सभी बच्चों का सही जवाब आ गया मेरे पास अगला प्रश्न फिफ्टी के बारे में बताना बच्चा फिफ्टी फिफ्टी का सही जवाब भेजना फिफ्टी का आइए आइए देख लेते हैं सभी बच्चों का सही जवाब है सी फिनोल एवं फ्लिनोनाइट्स अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है चुकंदर शहद कपास दुग्ध चीनी ग्लूकोज और सेलुलोज लैक्टोज आपको दिया है नीचे कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है आपको बताना है कौन सही सुमेलित है सही सुमेलित बता देना बच्चा सही सुमेलित बता देना है फिफ्टी वन का सही फिफ्टी का सही जवाब भेजना बहुत ही शानदार सभी बच्चों का सही जवाब आ गया डी आ गया बच्चे सभी सही है चुकंदर से चीनी बनता है सहद ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होता है कपास सेलुलोज होता है और दुग्ध लैक्टोज सही सही सुमिलित अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोजा कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है जे जी मिंडल, हेकल सर रोनाल्ड राश या डार्विन फिफ्टी 52 टू का, 52 का सही जवाब भेजना बच्चे 52 का सही जवाब भेजना बहुत ही शानदार जवाब आ गया मेरे पास सभी बच्चों का सही है सर रोनाल्ड रॉस अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे सिल्कोसिस एक है गुर्दा संबंधी बीमारी यकृत संबंधी बीमारी फेफड़े संबंधी बीमारी अव्यवस्थित तंत्रिका तो सिल्कोसिस किससे संबंधित बीमारी है सिल्कोसिस फिफ्टी थ्री का जवाब भेजना बच्चे फिफ्टी टू का सी सभी बच्चों का सही जवाब आ गया है फिफ्टी थ्री का एक जवाब भेजना बच्चे फिफ्टी थ्री का एक सही जवाब भेज देना मेरे पास फिफ्टी थ्री का बहुत ही बहुत ही शानदार नहीं 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 बी नहीं, नहीं होगा बच्चा सी सी जिन बच्चों ने सी जवाब दिया है सही है सिल्को है, है? प्रतिजन डीपीटी अभी हम लोगों ने देखा था ना डीपीटी किसके लिए होता है रोहिड़ी पोलियो चेचक से पोलियो रोहिड़ी टिटनी से चेचक कुकुर खांसी और टिटनी से रोहिड़ी कुकुर खांसी और टिटनी से तो इसका सही जवाब भेज देना बहुत थक गया बच्चा साढ़े तीन घंटे हो गए ना खड़े हो गए थकान सी लग गई मुझे लेकिन अच्छी चीज ये है कि आज आपका पूरा बायोलॉजी फिनिश हो गया बच्चा तीन से चार घंटे में बायोलॉजी पूरा फिनिश हो गया इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आइए देख लेते हैं सभी बच्चों का सही जवाब है सी चेचक कुकुर खांसी एवं टिटनी से संबंधित है डीपीटी डीपीटी चेचक से संबंधित नहीं है ना इसको देख लेते डी फिफ्टी फोर का सही जवाब क्या होगा फिफ्टी फोर डी है रोहिणी से संबंधित है रोहिणी में समझ नहीं पाया आगे देख लेते हैं बच्चे वृक्ष से, से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन द्वारा टी एस एच द्वारा ए सी टी एच द्वारा एफ एस एच द्वारा ए डी एच द्वारा फिफ्टी फाइव का एक जवाब भेजना बच्चे फिफ्टी फाइव फिफ्टी फोर का डी बिल्कुल फिफ्टी फोर का डी जवाब होगा जितने हमारे बच्चों ने दिया है डी सही जवाब है डी हमने लगा रखा आगे देख लेते हैं फिफ्टी फाइव अच्छा चलो ठीक है एक चीज़ बताना एक चीज़ बताना थकान मुझे भी बहुत ज़्यादा लग गई है जितने हमारे प्यार बच्चे हैं उनको भी थकान लग गई है इसका सही जवाब होगा ए डी एच अब एक एक चीज़ आप लोग डिसाइड करो मुझे साढ़े तीन घंटे से ज़्यादा हो गया बोलते हुए खड़े रहे एक चीज़ आप बताना बच्चा कि इस चीज़ को कल कर लें क्वेश्चन या फिर आज ही करना है आज ही करना है या कल करना है जैसा कह दोगे वैसा चलेगा आज ही करना है या कल करना है थकान मुझे भी बहुत लग गई है थकान ही नहीं लगी है भूख भी लग गई है <laughs> तो भूख भी लगी है बताओ आज ही करना है कल करना है बता दो आप लोग कर कल कर, कर, कल कर लेते हैं क्वेश्चन कल करा दूंगा श्योर sure करा दूंगा पक्का बिल्कुल, बिल्कुल 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 बहुत ही जो बच्चे कह रहे हैं कि सर आप आराम कर लीजिए <laughs> बहुत अच्छा लग रहा है चलो ठीक है ना बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नेट खत्म हो गया है थकान लग गई है बिल्कुल आप लोगों ने देखा तो देख एक चीज मैं बता देना चाहता हूं बस एंड करता हूँ इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा सौ पचास क्वेश्चन और बचे हैं चालीस क्वेश्चन और हैं मैं करा दूंगा बच्चा एक चीज और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन का लेवल आपने देख लिया क्वेश्चन का लेवल देख लिया हमने जो आपको पढ़ाया उससे बाहर नहीं जाएगा एक दो बार चीजों को सुन लेना और ना एक बार जो है भगा के जो है टू एक्स पे सुन लेना काम हो जाएगा आपका ठीक है तो मुझे भी थकान बहुत सी आ, क्लास प्लीज करा दीजिए कल कर क, कल करा देते हैं बच्चा कोई नहीं सर खाना भी तो खा लीजिए बिल्कुल 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 मेरे प्यारे साथी मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही थकान है एक्चुअल मैं बता दूं आपको तो <laughs> चलो कल कर लेते हैं ठीक है और हाँ सभी बच्चों को एक चीज बता दूं कल आपका करंट चलेगा कल क्या होगा बच्चा करंट कल हम लोग करंट देखेंगे इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे करंट देखेंगे बच्चा आपका क्या होगा ई दृष्टि ई दृष्टि जो है बच्चा आपका ई दृष्टि ई दृष्टि मैं कराऊंगा और इसमें हम क्या करेंगे बच्चा नेशनल राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे क्या देखेंगे राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे ठीक है एक चीज मैं बता दूं जितने बच्चों के पास ई दृष्टि होगी वो पढ़ के आना क्योंकि इससे हम लगभग आपसे कितने क्वेश्चन कराएंगे बच्चे कम से कम नहीं तो आप मान के चलना पचास क्वेश्चन पचास प्लस क्वेश्चन यहाँ से हम बनाएंगे आपके लिए पचास प्लस क्वेश्चन बनाएंगे और सारे क्वेश्चन नए बनाएंगे जो क्वेश्चन हम करा दिए हैं उस क्वेश्चन को नहीं बनाऊंगा नए क्वेश्चन बनाऊंगा और ये नए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पचास प्लस क्वेश्चन और करंट की क्लास कल चलेगी और आपका जो मैंने क्लास डिसाइड किया है बच्चा अल्टरनेट क्लास डिसाइड किया है ना एक दिन करंट और एक दिन जी एक दिन करंट एक दिन जीएस आपका साइंस फिनिश हो गया है बच्चा अब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा फिर हिस्ट्री पढ़ाऊंगा फिर ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो फटाफट करेंगे लेकिन करंट लेंगे एक दिन जीएस एक दिन करंट एक दिन जीएस ठीक है तो आपका पूरा करंट भी मैं करा दूंगा और आपका जीएस भी कंप्लीट करा दूंगा ठीक है ठीक है कल मिलते हैं सभी बच्चों को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बच्चे को ढेर सारी जो है अ, मेरे मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार कहते हैं ना कि मैं हमेशा कहता हूं जो हमें प्यार करते हैं हम उन्हें प्यार करते हैं ठीक है कल की क्लास का टाइम बच्चा यही होगा आपकी क्लास का टाइम आठ से ग्यारह ही होता है आठ से ग्यारह पीएम टाइम होता है ठीक है आठ से ग्यारह हम लोग लाइव रहते हैं जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं वो हमारी बातचीत होती है उनके साथ शुक्रिया शुक्रिया बच्चा शुक्रिया ठीक है मिलते हैं कल इसी जोश और जुनून के साथ मिलेंगे बच्चा और कल आपका करंट की क्लास ई दृष्टि की क्लास थ्योरी के साथ एमसीक्यूज कराएंगे ठीक है थ्योरी के एमसी एमसीक्यूज कराएंगे 50 नए क्वेश्चन बनाऊंगा बच्चा बिल्कुल पढ़ के आना ताकि आप क्वेश्चन में दिक्कत ना हो थ्योरी भी करा देंगे सारी थ्योरी के साथ नए क्वेश्चन कराएंगे ठीक है मिलते हैं कल हैप्पी रिपब्लिक डे सभी बच्चे को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं ठीक है ठीके? मिलते हैं कल सभी बच्चों को थैंक यू शुभ रात्रि